देखो बड़ा प्यारा हम लोग लाइन बाय लाइन चल रहे हैं लाइन बाय लाइन हम लोग चल रहे सेक्शन टू फोर फाइव सिक्स सेवन एट ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू अदर ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू में मिसकंडक्ट्स के बारे में लिखा हुआ है ठीक है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अदर मिसकंडक्ट के बारे में लिखा हुआ है तो वहीं पे हमने उसकी चर्चा कर ली अब और आगे अथॉरिटीज के बारे में दिया है कि अगर चार्ड अकाउंटेंट गलत काम करता है तो सीए इंस्टीट्यूट के कौन से अथॉरिटीज उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे तो अथॉरिटीज के बारे में इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए डिसिप्लिन डिरेक्ट्रेट है अंडर सेक्शन ट्वेंटी वन फिर केस को आगे केस को आगे समझने के लिए और डिसीजन पास करने के लिए बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन है ट्वेंटी वन ए पड़ेगी हम लोग आगे फर्स्ट शेड्यूल की गलती को छोटी गलती माना जाता है उसके लिए बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन सेकंड शेड्यूल की गलती है या दोनों भी शेड्यूल इन्वॉल्व है तो केस डिसिप्लिन के पास जाता है बी और अगर आप बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन या डिसिप्लिन कमिटी के डिसीजन से खुश नहीं हो तो अथॉरिटी के पास जाते हैं ट्वेंटी टू ए से ट्वेंटी टू जी तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए डिसिप्लिन डिरेक्ट्रेट है फर्स्ट शेड्यूल के, के लिए बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन

ये अथॉरिटीज के पावर क्या होंगे ये अथॉरिटीज के पावर पावर क्या होंगे ठीक है और ये क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे ये सी एक्ट में दिया हुआ है अब गवर्नमेंट ने कुछ पावर अपने हाथ में ले लिए है या गवर्नमेंट कुछ चीजें अपने हाथ में लेकर आ रहा है ऐसा बिल पास हो चुका है अमेंडेड बाय सीए सी एस सी डब्ल्यू ए सी ए सी सी ए सी एस सी डब्ल्यू अमेंडमेंट एक्ट टू ट्वेंटी ऐसा पास हो चुका है अमेंडमेंट हो चुका है फिफ्थ अप्रैल को पास भी हो गया राज्यसभा में तो बिल था इट हैज पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंसी नहीं आ रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंसी ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है सिर्फ जो डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म है अथॉरिटीज जो है और उनके जो पावर्स है उसको लेकर अमेंडमेंट है सेवनटी सिक्स पेज का अमेंडमेंट एक्ट है जो मेरा एक्सपीरियंस है इंस्टीट्यूट पूरा का पूरा एक्ट कोर्स में नहीं लाएगा यह एक्ट मेरे पास में है लेकिन उसको पढ़ के अभी कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से उसमें से कुछ चीजें हमारे कोर्स में इंट्रोड्यूस की जाएगी कितनी इंट्रोड्यूस की जाएगी अभी हमको नहीं मालूम वी डोंट नो ठीक है सीए इंस्टीट्यूट के स्टैट्यूटरी अपडेट्स आएंगे आरटीपी आएगा उसके साथ में ये एक्सपेक्टेड है जब भी आएगा आप ऑडिट गुरु टेलीग्राम चैनल यूट्यूब चैनल के ऊपर रहिए मैं आपको बता दूंगा लेकिन अब हम तब तक हम पढ़ाई ना करें ऐसा थोड़ी होता है ठीक है तो बिल्कुल भी चिंता मत करें

या फिर अदर मिसकंडक्ट वाली बात कर देता है अपने प्रोफेशन या पर्सनल लाइफ में फिर वो शेड्यूल से आती हो या पास डिसाइडेड केसेस से आती हो अगर कोई गलत काम करता है तो लोग उसकी कंप्लेन कर सकते हैं कंप्लेन कर सकते हैं इंफॉर्मेशन दे सकते हैं डिसिप्ली डिरेक्टरेट डायरेक्ट डिसिप्ली डिरेक्टरेट एक ऑफिस है उसका हेड होता है डायरेक्टर डिरे, डिसिप्ली डिरेक्टरेट को वो इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं कि ये चार्ट अकाउंटेंट ने यहां पे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है या फिर यहां पे अदर मिसकंडक्ट किया है इसकी इंफॉर्मेशन या इसकी प्रॉपर कंप्लेन बनाकर दे सकते हैं डीसीपी डायरेक्टरेट वो इंफॉर्मेशन को कंप्लेन को स्टडी करेगा एनालाइज करेगा और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करेगा और प्राइमा फेसी सब कुछ पढ़कर समझकर प्राइमा फेसी मोटा मोटी ओपिनियन बनाएगा क्या मिसकंड क्या सही में चार्ड अकाउंटेंट ने कोई मिसकंडक्ट किया है क्या और अगर किया है तो कौन से शेड्यूल का किया है फर्स्ट शेड्यूल का मिसकंडक्ट किया है या सेकंड शेड्यूल का मिसकंडक्ट किया है ये वो मोटा मोटी सोचेगा ठीक है अगर उसको लगता है कि मिसकंडक्ट किया है फर्स्ट शेड्यूल का तो वो केस को आगे भेजेगा बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन को डिसिप्लिन डायरेक्टरेट सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टिगेशन प्राइमा फेसी ओपिनियन बनाता है इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करके प्राइमा फेसी ओपिनियन बनाता है वो और केस को आगे कर देता है बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन की तरफ कि भाई तुम सोचो तुम सोचो तुम डिसीजन दो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन फाइनल डिसीजन देगा कि मिसकंडक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है अगर सेकंड शेड्यूल की गलती है या दोनों शेड्यूल इन्वॉल्व है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों अगर दोनों इन्वॉल्व है तो यह भेजा जाएगा डिसिप्लिनरी डिसिप्लिनरी को इट विल बी टू मतलब बड़ी कमिटी को भेजा जाएगा और वो तय करेगी कि सही में मिसकंडक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है अगर उसको ऐसा लगता है कि कोई मिसकंडक्ट नहीं है तो केस को डिसमिस करने का पावर उसके पास नहीं है डिसिप्लिन डायरेक्टरेट के पास कोई भी ऑर्डर पास करने का पावर नहीं है प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन करके ओपिनियन देने का पावर है ऑर्डर पास वो नहीं कर सकते अगर उसको लगता है कि प्राइमा फेसी कोई केस नहीं बनता तो वो ये मैटर बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन को भेजेगा बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन इसको स्टडी करेगा कि सही में कोई मैटर बनता नहीं है ना कि केस को क्लोज कर देना चाहिए कि इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए ये बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन तय करेगा तो ये सीए इंस्टीट्यूट की डिसिप्लिनरी प्रोसीजर है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है इस तरीके से केस आगे बढ़ेगा तो अगर चार्ट अकाउंट्स गलत काम करते हैं तो इंस्टीट्यूट के अंदर पूरी अथॉरिटीज बनी हुई है उसके केस को संभालने के लिए और प्रोसीजर भी बनी हुई है ठीक है इसमें कुछ हल्का सा बदलाव आया है जो भी बदलाव रहेगा इंस्टीट्यूट जितना बोलेगी उतना हम लोग पढ़ेंगे वैसे हम लोग पढ़ेंगे चिंता मत करिए इसी से रिलेटेड होगा जो भी होगा वो देखिए बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन और डिस्ट्री कमिटी का हम लोग कंपैरिजन करते हैं दोनों का कंपैरिज़न करना जरूरी है ठीक है कौन सा मिसकंडक्ट देखिए ये थ्री और फाइव ऊपर चले गए बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन में फर्स्ट शेड्यूल की गलतियां कवर होती है डिसिप्लिन कमिटी में फर्स्ट और सेकंड की या फिर फर्स्ट और सेकंड दोनों की गलतियां कवर होती है कितने मेंबर्स? बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन छोटी गलतियों के लिए है तीन मेंबर होते हैं यहां पर पांच मेंबर होते हैं तीन मेंबर कैसे आते हैं एक मेंबर काउंसिल भेजता है एक मेंबर काउंसिल भेजता है ठीक है एक मेंबर ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट भेजता है एक बंदा काउंसिल भेजता है एक बंदा सेंट्रल गवर्नमेंट और चेयरमैन जो होता है ये भी बाय काउंसिल होता है काउंसिल अपॉइंट करता है अरे वाह तीन में से दो लोग तो काउंसिल की तरफ से आ रहे हैं मतलब किसका दबदबा है काउंसिल का वन मेंबर फ्रॉम काउंसिल वन मेंबर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड चेयरमैन ऑल्सो फ्रॉम काउंसिल मतलब चेयरमैन का दबदबा है गवर्नमेंट को यही अच्छा नहीं लग रहा था और इसी में उन्होंने बदलाव लाया है लेट्स नॉट थिंक अबाउट इट राइट मैं आपको बता रहा हूं कि पूरा सीए इंस्टीट्यूट का है ठीक है गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है ये उनको पसंद नहीं आ रहा था डिसिप्लिन कमेटी में दो काउंसिल दो लोग काउंसिल मेंबर्स आएंगे काउंसिल दो काउंसिल के लोग आकर बैठेंगे ठीक है और दो सेंट्रल गवर्नमेंट भेजेगा और जो काउंसिल के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन बनेंगे वो तय कर लेंगे कौन कहां फ्री है उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाएंगे डिसिप्लिन कमेटी के दे विल ऑटोमेटिकली बिकम चेयरमैन ऑफ डिसिप्लिन कमेटी देखिए छोटी गलती के लिए तीन लोग बड़ी गलती के लिए पांच लोग काउंसिल से और गवर्नमेंट से इक्वल लोग आ रहे हैं लेकिन चेयरमैन तो काउंसिल का ही बैठ रहा है

ये लोग यहां पे स्पेसिफाइड डिस्पोजल प्रोसीजर कंपेयर टू डिटेल डिस्पोजल प्रोसीजर फॉलो करते हैं ठीक है पनिशमेंट अगर बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन फर्स्ट की गलतियों में डांट सकता है रिप्रीमांड ऐसा क्यों किया गलत किया नहीं करना चाहिए था डांट सकता है फिर चाहे तो मेंबरशिप को निकाल सकते मेंबरशिप से बाहर कर दे तीन महीने तक तीन महीने तक निकाल सकता है फाइन लगा सकता है एक लाख रुपए तक देखो डांटना कोई बड़ी बात नहीं है महीने तक बाहर निकालना बड़ी बात नहीं है एक लाख रुपए बड़ी बात नहीं है लेकिन जब दाग लग जाता है नाम खराब हो जाता है तो काम मिलने में मुश्किल हो जाती है खासकर गवर्नमेंट के काम कॉर्पोरेट्स के काम मिलने में मुश्किल हो जाती है वो ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है यहां पर भी डांट सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए निकाल सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए निकाल सकते हैं परमानेंट रिमूवल बहुत ही खतरनाक पापों का घड़ा बहुत बढ़ गया बाहर पांच लाख रुपए तक का फाइन भी लग सकता है लाख रुपए तक का देखिए अगर आप गूगल में सर्च करोगे आईसीआई बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन डिसिप्लिन कमिटी तो आपको लिंक मिलेगी ठीक है डी आई सी डॉट आई सी डॉट ओ आरजी उस पर अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको अबाउट अस में आपको मिलेगा देखिए डिसिप्लिन मेकेनिज्म जो अभी हम पढ़कर आए बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन बोर्ड बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन और कमिटी के कॉन्स्टिट्यूशन आपको बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन मिलेगा एक ही बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन बनता है लेकिन कमिटी अगर आप देखोगे तो बेंच वन बेंच टू बेंच थ्री बेंच फोर ऐसे मल्टीपल बनते हैं डिसिप्ली कमिटी अंडर सेक्शन ट्वेंटी जब सी एक्ट बदला था तो पुराने जो पेंडिंग पेंडिंग केसेस के लिए भी एक डिसिप्लिन कमिटी होती है उसकी चिंता मत करिए वो अपने कोर्स में रेलिवेंट नहीं है इतना ठीक है लेकिन यहां पे और यहां पे ऑर्डर्स भी क्या क्या ऑर्डर पास किए बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन ने कितना मजा आएगा क्या-क्या डिसिप्लिन बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन ने क्या ऑर्डर पास किया डिसिप्लिन कमेटी ने क्या ऑर्डर पास किया उसकी पूरी डिटेल्स मिलती है आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा ना कभी कि इतने सीए को निकाला उतने सीए को निकाला ऐसा हुआ वैसा हुआ ये आता कहां से आता कहां से ये जो ऑर्डर पास हुए हैं ठीक है डीसीबी कमेटी ने जो ऑर्डर पास किए वहां से काफी सालों के ऑर्डर से पूरे के पूरे बहुत सारी आपको एंट्रीज यहां पे यहां पे आपको मिलती चली जाएगी लॉर्ड ऑफ एंट्रीज विल बी देयर इसको हम आगे जाकर पढ़ेंगे अभी अभी यहां पे हमको इतना इंटरेस्ट उसमें नहीं है सिर्फ आपको एक ओवरव्यू देना था एक फील देना था कि ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती है और सी ने कुछ गलत किया तो उनके ऊपर एक्शन होता है एपेलेट अथॉरिटी अगर ऑर्डर पास होता है बाय बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन डिसिप्लिन कमिटी ये लोग ऑर्डर पास करते हैं और ऑर्डर पास होने के बाद में अगर कोई खुश नहीं है जो भी बंदा खुश नहीं है जिसने कंप्लेंट की थी वो या फिर जो सी है वो विद इन नाइनटी डेज अग्रीव्ड पर्सन अग्रीव पर्सन या फिर जो सीए है जिसके अगेंस्ट ऑर्डर पास किया है वो ठीक या फिर ये खास ये डायरेक्टर डिसिप्लिन कभी कभी डायरेक्टर डिसिप्लिन को मजा नहीं आता ऑर्डर में तो उसको सीए इन से परमिशन लेनी पड़ती है कि मैं अपील करना चाहता हूं रेयरली ऐसा होता है क्योंकि इट्स लाइक वन अथॉरिटी इज गोइंग अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ अदर अथॉरिटीज ठीक है तो मुझे तो कोई इंस्टेंस नहीं पता या याद जब ऐसा हुआ हो अगर उनके ऑर्डर से कोई खुश नहीं है तो जो अग्रीव बंदा है वो या जो सीए या फिर डायरेक्टर डिसिप्लिन परमिशन लेके अथॉरिटी अथॉरिटी के पास जा सकते हैं में खास बात क्या होती है उनका चेयरमैन पास्ट हाईकोर्ट जज होता है काउंसिल नहीं चलाता काउंसिल से आते दो गवर्नमेंट नॉमिनी होते सबके सब पार्ट टाइम होते फुल टाइम मेंबर्स नहीं होते मतलब जब जब केस आती है मीटिंग करके उसको निपटाते फुल टाइम सिर्फ केसेस संभालते ऐसा नहीं होता पार्ट टाइम होते हैं सबका टर्म तीन साल होता है चेयरमैन का मेंबर्स का लेकिन रिटायरमेंट एज चेयरमैन की पैंसठ साल है और मेंबर की टू ईर्स है बासठ साल है ये लोग क्या कर सकते हैं या तो ये बोल सकते नहीं जो है वो सही है कंफर्म कर सकते ठीक है नहीं जो है सो सही है सही ऑर्डर पास हुआ है पेनाल्टी को थोड़ा इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं देखो एक एक लेवल बढ़ा रहा हूं मैं या तो पहले कंफर्म कर दिया थोड़ा चेंज कर दिया या पूरा ऑर्डर ही मॉडिफाई कर सकते हैं थोड़ा चेंज कर दिया या पूरा ऑर्डर सेट अ कैंसिल कर सकते हैं या फिर वापस भेज सकते हैं कि बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन डिसिप्लिन कमिटी आप इसको वापस देखो वापस इस पर रिसर्च करो वापस इस पर छानबीन करो और ऑर्डर पास करो जो उनको ठीक लगे वो देखो बढ़ता जा रहा है या तो कंफर्म करना थोड़ी पेनाल्टी चेंज करना या ऑर्डर ही मॉडिफाई मारना पूरा ऑर्डर ही कैंसिल कर देना या केस वापस भेज देना ये सारी चीजें हो सकती है

और एक्सपायरी ऑफ द टर्म जब तक टर्म खत्म नहीं होती या रिटायरमेंट एज नहीं नहीं आती जनरली अपॉइंटमेंट समझ के करते हैं मंथ्स जब तक रिजाइन छुटकारा मिलेगा कम से कम तीन महीने के लिए जब तक नया बंदा नहीं आता जब तक टर्म खत्म नहीं होती ठीक है विचर इज अर्लियर तब तक छुटकारा नहीं मिलेगा क्या उसको निकाला जा सकता है दोनों को निकाल सकता है अगर प्रोवन मिस है कोर्ट में प्रूव होता है कि इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को बराबर नहीं निभाया या कपैसिटी मेंटल या फिजिकल इन एबिलिटी टू परफॉर्म इस ड्यूटी इन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्वायरी करेगी उसमें अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ट देगी और चाहो तो निकाल सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट तो ये रिजाइन इनको निकाला भी जा सकता है और ये खुद रिजाइन करके जा भी सकते हैं। पेनाल्टीज देखिए मैंने आपको बार बार बताया पेनाल्टीज भली छोटी है लेकिन जब एक्शन हो जाता है ना किसी के अगेंस्ट तो नाम खराब हो जाता है वो ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है सेक्शन ट्वेंटी फोर हम लाइन बाय लाइन चलने की कोशिश कर रहे हैं सेक्शन 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 बाय जो 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 अगर कोई कोई नॉन अकाउंटेंट बंदा सीए नहीं है सबको बोलते फिरता है कि मैं चार्ड अकाउंटेंट हूं और चार्ड अकाउंटेंट जैसे काम करने की कोशिश करता है खुद को बोलता है कि सीए है डेजिग्नेशन करता है वैसा काम करता है लोगों को बेवकूफ बनाता है तो उसको पनिश किया जाएगा अगर कोई चार्ड अकाउंटेंट उसके पास में सीओपी नहीं है सीओपी नहीं है और वो बोलता है कि मेरे पास में सीओपी है मैं प्रैक्टिसिंग चार्ट अकाउंटेंट हूं सीए नहीं है फिर भी बोलता है मैं सीए हूं सीओपी सीओपी नहीं है 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 फिर भी बोलता है, मेरे पास COP है। या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन अदर देन आईसीआई ऐसा बोलते हैं कि हम भी सीए इंस्टीट्यूट जैसे लोगों को लोगों को सीए डिग्री सीए इक्वल डिग्री देते हैं हम उनको सीए वाली डिग्री देते हैं सिमिलर नाम सील से लोग ऑपरेट कर रहे हैं और हम भी चार्ट अकाउंटेंट्स को रेगुलेट करते हैं अगर कोई इंस्टीट्यूट ऐसा बोलती है कि हम भी रेगुलेट करते हैं, हम भी चलाते बैचलर ऑफ सी तुम बैचलर ऑफ सी निकाल रहे हो मास्टर हो तो इंस्टीट्यूट ने एक्शन लिया था तो अगर कोई आदमी सीए नहीं सीए बोल रहा है सीओपी नहीं है सीओपी बोल रहा है कोई भी इंस्टीट्यूट सीए इन्स, इंस्टीट्यूट जैसे काम करना शुरू कर दे ऐसा ऐसा अलाउड नहीं है ठीक है तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग जब गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ने एक कमेटी ने प्रपोज किया था तो लोगों ने बोला था भैया अलाउड ही नहीं है सीए इंस्टीट्यूट का काम सिर्फ सीए इंस्टीट्यूट कर सकती है बाकी लोग तो कर ही नहीं सकते अगर पहली बार ऐसे हुआ तो ₹1000 का फाइन है तीन तरह के तीन तरह के यहां पे सिचुएशन है पहली बार हुआ तो ₹1000 का फाइन है ठीक है सर ₹1000 का फाइन इससे तो लोग लोग की

अकाउंटेंसी बहुत ही सेंसिटिव काम है अकाउंटेंसी बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव काम है अगर इतना सेंसिटिव काम है तो एज अ इंडिविजुअल करिए या तो एज अ पार्टनरशिप एज अ पार्टनरशिप फॉर्म बनाकर करिए ठीक है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कंपनी बनाकर कंपनी में सब सीएस को आपने भर दिया ऊपर से लेके नीचे तक फिर भी वो अकाउंटेंसी सर्विसेज नहीं कर सकते इट इज प्रोहिबिटेड सेक्शन ट्वेंटी फाइव से चार्ट अकाउंटेंट कंपनी बनाकर अकाउंटेंसी सर्विस नहीं दे सकते पहली बार के तो सेम जैसे सेक्शन में तो वैसे ही फाइन है एक हजार रुपए का फाइन है फिर उसके बाद में सेकंड इसमें पांच हजार रुपए का आपके सेकंड टाइम में पांच हजार का फाइन है यहां पे इम्प्रिजनमेंट नहीं है ठीक है इम्प्रिजनमेंट नहीं है भाई वहां पे इंप्रिजनमेंट था और एक खास बात आज के डेट में आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप इंडिविजुअल सीए के नाम से कर सकते हो आप खुद अकेले सीए बन गए आप प्रैक्टिस करो आप प्रोप्राइटरी फर्म खड़ी कर सकते हो कि फर्म के अंदर मेरे साथ और अंदर बहुत सारे मिलकर काम करते फर्म या फिर आप पार्टनरशिप फर्म खड़ी कर सकते हो नाइनटीन के पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप फॉर्म या एल भी बना सकते हो अलग अलग तरीके आप अलग अलग फॉर्म से आप प्रैक्टिस कर सकते हो जब हम इंडिविजुअल और फॉर्म बोलते हैं तो आपके पास इंडिविजुअल में भी दो तरीके पॉसिबल है फॉर्म में भी दो तरीके पॉसिबल है एल एल पी बनाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो लेकिन कोई होशियारी करता है कि भाई कंपनी बनाकर तो अकाउंटेंसी और अकाउंटेंसी सर्विसेज नहीं दे सकते बोले आप तो एल एल पी में एक पार्टनर को कंपनी तो बना देते वन ऑफ द पार्टनर्स कंपनी तो दूट नो होशियारी कंपनी बनाकर आप अकाउंटेंसी सर्विसेस नहीं दे सकते वैसे ही कंपनी को अगर आप पार्टनर बनाते हो एल एल पी में तो वो एल एल पी कैनोट प्रैक्टिस एज अ सी एंड प्रोवाइड अकाउंटेंसी एंड रिलेटेड सर्विज होशियारी नहीं LLP में अगर एक पार्टनर कंपनी है तो वो भी अकाउंटेंसी सर्विसेस नहीं दे सकती मतलब जब हम एल की बात करें नन ऑफ द पार्टनर शुड बी कंपनी शुड बी कंपनी तभी वो लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे सी फर्स्ट टाइम तो एक हजार दूसरी बार किया तो पांच हजार सेम तरह का फाइन है देखिए, सेक्शन ट्वेंटी सिक्स अगर कोई नॉन चार्ड अकाउंटेंट अगर कोई नॉन सीए फॉर्जरी करता है साइन करता है प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रैक्टिसिंग सीए और सीए फॉर्म बेसिकली फॉर्जरी जो बंदा सीए नहीं है खुद को सीए बोले चलो ठीक है गलती है लेकिन अगर कोई बंदा हद से आगे बढ़ गया है अभी फॉर्जरी करके फॉर्जरी करके सीए 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 फर्म्स में लोगों की साइन कॉपी करके फॉर्जरी करके डॉक्यूमेंट साइन कर रहा है बहुत बुरी बात है नकली रिपोर्ट्स और सर्टिफिकेट्स बना रहा है बहुत बहुत बुरी बात है यहां पे फाइन बढ़ जाती जहां पे खत्म हुई थी वहां पे वहां पर पे पांच हजार खत्म हुई थी यहां पर पांच हजार से शुरू होती है पांच हजार से एक लाख रुपए और दूसरी बार किया तो डबल दस हजार से दो लाख रुपए दस हजार से दो लाख रुपए का जुर्माना लग जाएगा भाई हालत टाइट कर देंगे लोग ठीक है ना देखिए तो बड़ा प्यारा बहुत सारे सेक्शंस हम पढ़ पढ़ कर आ रहे हैं बहुत सिंपल सिंपल प्यारे प्यारे से सेक्शंस है ये इसके केसेस सेक्शन ट्वेंटी सेवन के केसेस रहेंगे फिर हम केसेस देखेंगे ठीक है अदर मिसकंडक्ट के भी कुछ केसेस है ठीक we'll of है सी ए सी ए फॉर्म्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जितने वो अपना प्रैक्टिस जितना ग्रो करना चाहे उतना ग्रो कर सकते हैं जितना फैलना चाहे उतना फैल सकते हैं एनी नंबर ऑफ ब्रांचेस इन इंडिया कितने भी ब्रांचेस खोलो खोल सकते हैं लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है दैट देयर शुड बी सेपरेट इंचार्ज फॉर ईच ऑफिस सेपरेट इंचार्ज होना चाहिए आप जितने चाहे उतने ब्रांचेस ओपन करो लेकिन हर ब्रांच का एक सेपरेट इंचार्ज होना चाहिए एक अलग से इंचार्ज होना चाहिए एक अच्छा व्यक्ति इंचार्ज होना चाहिए ताकि क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जो काम वहां पे हो रहा है वो अच्छे क्वालिटी का हो और एथिकल काम हो वो इंचार्ज कौन होना चाहिए

वन टू थ्री बंदा सी है बंदा एसोसिएटेड है और उसमें भी एक्टिव एसोसिएशन एक्टिव एसोसिएशन मतलब तीन बातें होती है अगर इफ मेंबर रिसाइड इन सेम प्लेस बंदा उसी सेम प्लेस वेयर ऑफिस इज सिचुएटेड फॉर अ पीरियड नॉट लेस वन एटी टू डेज इन ईयर जिस सिटी में जिस लोकेशन पे ऑफिस है उसी सिटी में उसी सिटी में वो अगर रहता है कम से कम वन एटी टू डेज के लिए तो माना जाएगा एक्टिव एसोसिएशन है ठीक है अगर वो नहीं रहता वहां पे, ही शुड अटेंड सच ऑफिस फॉर नॉट लेस देन 182 एटी टू डेज नॉट लेस देन 182 एटी टू डेज ठीक है जरूरी है और तरी या तो यार तू उसी सिटी का रहने वाला हो तो एक्टिव एसोसिएशन मान लेंगे नहीं रहने वाला है तो कम से कम अटेंड करना अप डाउन कर लेकिन कम से कम 182 डेज के लिए उसने ऑफिस अटेंड करना चाहिए या फिर तीसरा एक्टिव एसोसिएशन कैन बी प्रूव इन एनी अदर मैनर या फिर उसको प्रूव करना पड़ेगा कि भले ही मैं वहां का रहने वाला नहीं हूं मैंने अप डाउन नहीं किया लेकिन मैं उस ब्रांड से एक्टिवली एसोसिएट है एग्जाम्पल गिविंग रेगुलर इंस्ट्रक्शन रेगुलर इंस्ट्रक्शन देना डिस्कशन करना वहां के लोगों से रिव्यू करना एक्सचेंज का डॉक्यूमेंट बट इन दिस केस एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ आईसीआई शुड एक्सेप्ट लेकिन उसको प्रूव करना पड़ेगा एक एग्जीक्यूटिव कमिटी होती है आईसीआई की उनको प्रूव करना पड़ेगा कि एक्टिव एसोसिएशन है तो ब्रांचे जितनी चाहे उतनी खोलो तीन शर्तें हमारी फुलफिल होनी चाहिए सेपरेट इंचार्ज रहेगा और सेपरेट इंचार्ज की तीन शर्तें होनी चाहिए और उसकी पहली शर्त सी है दूसरा एसोसिएशन और फिर एक्टिव एसोसिएशन दो एग्जामिशन भी है देर आर टू एग्जामेशकेंड ऑफिस सिर्फ सेकेंड ऑफिस थर्ड ऑफिस फोर्थ ऑफिस फिफ्थ ऑफिस नहीं आपका एक मेन ऑफिस है और अगर आप एक सेकंड ऑफिस ओपन करते हो तो वहां पे सेपरेट इंचार्ज रखने की जरूरत नहीं है विदाउट सेपरेट इंचार्ज चलेगा बिना विदाउट सेपरेट इंचार्ज चलेगा प्रोवाइडेड उसी बिल्डिंग या कॉम्प्लेक्स में सेकंड ऑफिस सेपरेट इंचार्ज नहीं लगा तो चलेगा सेकंड ऑफिस अगर आप उसी प्रिमाइसिस में खोलते हो चलेगा सेम सिटी में खोलते तो भी चलेगा लोकेटेड विद इन फिफ्टी किलोमीटर फ्रॉम मुंसिपल लिमिट ऑफ द सिटी इन विच फर्स्ट ऑफिस इज लोकेटेड आपका फर्स्ट ऑफिस जहां पे उसकी सिटी जो है उसकी मुंसिपल लिमिट होगी मुंसिपल लिमिट से पचास किलोमीटर के अंदर यहां पे ध्यान देना फर्स्ट ऑफिस से पचास किलोमीटर नहीं फर्स्ट ऑफिस जिस सिटी में है उसकी मुंसिपल लिमिट ये आपका फर्स्ट ऑफिस उसकी मुंसिपल लिमिट यहां से 50 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए सेकंड ऑफिस तो आप सेकंड ऑफिस ओपन कर सकते हो कोई सेपरेट इंचार्ज नहीं अगर उसी प्रिमाइसिस में उसी सिटी में है या फिर फर्स्ट ऑफिस के फर्स्ट ऑफिस जिस सिटी में है उसके म्यूनिशिपल लिमिट से 50 किलोमीटर के अंदर अब मैं आपको बता दू एग्जाम में केस पूछते एग्जाम में केस पूछते किलोमीटर देते किलोमीटर कहां से देना चाहिए था म्यूनिस्पल लिमिट से कभी कभी बताते ही नहीं कहां से ये किलोमीटर कभी बोलते फर्स्ट ऑफिस से है, ये तो गलत है अब हम क्या करेंगे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता हमको अज्यूम करना पड़ता है कि ये डिस्टेंस मुंसिपल लिमिट से है हमको अज्यूम करना पड़ेगा कि डिस्टेंस कहां से है मुंसिपल लिमिट से है ऐसा हमको अज्यूम करना पड़ेगा ठीक है हमारे ऑथर्स नोट में दिया हुआ है परम क्वेश्चन बैंक में पहला एग्जामिशन है सेकंड ऑफिस का थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑफिस को नहीं मिलेगा दूसरा हिल एरियाज। एरियाज आपका पहाड़ों में आपका ऑफिस है पहाड़ों में ऑफिस है तो ठंड जब पड़ती है तो पहाड़ों में ऊपर आना मुश्किल होता है जिन लोगों का ऑफिस पहाड़ों में है वो टेम्प्री पीरियड के लिए शॉर्ट टर्म के लिए एक टेम्प्री ऑफिस ओपन कर सकते हैं प्लेन एरियाज में ज्यादा से ज्यादा तीन महीने के लिए ठीक है तीन महीने के लिए

लेकिन जो आपका टेम्प्री ऑफिस है वहां पे नेम बोर्ड आप नहीं लगाओगे उसके डिटेल्स आप विजिटिंग कार्ड और लेटर हेड पे नहीं डालोगे ठीक है अब यहां पे कंट्रोवर्सी है एक क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली पूछा भाई कॉमन सेंस है ठंडी का प्रॉब्लम के वजह से है तो मेरे हिसाब से तो एग्जामेशन सिर्फ विंटर पीरियड के लिए है विंटर्स के लिए नहीं है दिस एग्जामेशन इज स्पेसिफिकली फॉर द विंटर सीजन विंटर सीजन के लिए है। लेकिन इंस्टीट्यूट ने बोला कि एग्जाम कोई भी महीने के लिए चलता है सिर्फ कम्युनिकेशन जो है वो विंटर के पहले होना चाहिए ये बहुत ही इलॉजिकल लगता है अगर एग्जाम में ऐसा आता है तो दोनों व्यू बताने चाहिए मैंने बोर्ड ऑफ स्टडीज में बहुत माथा पच्ची की बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन मान इन ही नहीं है क्या करूं फिर बहुत बात की नहीं मानना उनको दे डोंट वांट टू दे डोंट वांट टू नहीं मानना तो फिर ठीक है जी तो फिर दोनों व्यू बताएंगे हम क्योंकि लॉजिकल तो यही है ना कि विंटर सीजन में एक्समशन है फिर अगर दोनों ऑफिस आर लोकेट सेम अकोमोडेशन सेम अकोमोडेशन मतलब आ, एक साथ अगर दो ऑफिस है सेम अकोमोडेशन एक ही बंदा दो ऑफिस का इंचार्ज हो सकता है सपोज ठीक है सेम अकोमोडेशन मतलब साथ में ऑफिस है कभी कभी ऐसा होता है कि दो फर्म का ऑफिस दो फर्म की ब्रांचेस एक साथ है अगर ऐसा है कि दो फर्म की ब्रांचेस एक साथ है एक ही जगह पे एक ही जगह पे दो बोर्ड लगे हुए हैं और दो फर्म के एम्प्लॉइज बैठते हैं एक ही बंदा दो ब्रांचेस का इंचार्ज हो सकता है अगर वो सेम जगह पे वो दो ब्रांचेस है तो ऐसा होता है दो अलग अलग फर्म के ब्रांचेस एक साथ हो सकते हैं इट इज पॉसिबल ठीक है जैसे पीडब्ल्यूसी के नीचे पहले लिखा लवलॉक लौ एंड लुइस लिखा था साथ में सिस्टर फर्म्स बोलते हैं सिस्टर फर्म्स के ब्रांचेस अगर एक साथ है उसका एक ही इंचार्ज हो सकता है जहां पर भी आप फर्म का नेम बोर्ड लगाओगे ब्रांच बन जाती है इसीलिए उन्होंने बोला है कि सीए अपने रेसिडेंस पे अपने घर पे सीए अपने रेसिडेंस पे अपने घर पे सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम लगाए चार्ट अकाउंटेंट ऐसा बताए ठीक है फॉर्म का नाम मत लिखो डिस्टेंस इज गिवन ये मैंने बोला कि डिस्टेंस हम ठीक है हम अज्यूम कर लेंगे अजम्शन लेना पड़ता है ऐसे केस में एक और खास बात ये आपको लिखना है यू हैव टू राइट दिस यहां पे आपको लिखना है कि सेक्शन अलग सेवन ऑफिस ओपन करे मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ है लेकिन एक क्वेश्चन में टारगेट किया है जब भी आप ऑफिस ओपन करे बंद करे आपको इंटीमेट करना है वेन एवर यू ओपन और क्लोज अ ब्रांच टू इंटीमेट आईसीमेट आईसी आपको आईसीआई को इंटीमेट करना है ठीक है रेगुलेशन वन है विद इन वन मंथ एक महीने के अंदर आपको इंटीमेट करना है तो अगर आप ऐसा इंटीमेशन नहीं करोगे तो सेक्शन ट्वेंटी सेवन सबसेक्शन टू और रेगुलेशन वन एटी नाइन का नॉन कंप्लायस है इट विल बी अस कंडक्ट आप सीआर को फॉलो नहीं कर रहे इसको मिसकंडक्ट बोला जाएगा यहां पर ठीक है यहां पे और क्लैरिफिकेशन और क्लैरिटी नेम बोर्ड ऑफ द ऑफिस निड नॉट बी डिस्प्लेड एट टेम्परी ऑफिस वेन ऑफिस इज नॉट फंक्शनल जब ऑफिस फंक्शनल नहीं होता तब नहीं जब ऑफिस चल रहा है तब तो होना चाहिए ना नेम बोर्ड तब नेम बोर्ड रहेगा जब फंक्शनल नहीं ऑफिस तब नेम बोर्ड निकाल लेना चाहिए ऐसा नहीं कि जब ठीक है देखिए गवर्नमेंट को सोसाइटी को सबको बहुत ज्यादा चिंता लगी हुई है कि ऑडिटर अपना काम बराबर कर रहा है ना इजी डूइंग क्वालिटी वर्क क्या वो अच्छे से चेकिंग कर रहा है ना अच्छी रिपोर्ट दे रहा है ना रिलायबल रिपोर्ट दे रहा है ना सबको चिंता लगी हुई है क्योंकि आए दिन कंपनियों में फ्रॉड निकलते रहते हैं कंपनियां डूबती रहती है हीरोमोटोकॉप में हजार करोड़ के खर्चे नकली थे ऐसी बहुत सारी चीजें चलती रहती है तो अब हमारा इंस्टीट्यूट तो बहुत कुछ करता है क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए अच्छा एजुकेशन देता है अच्छी ट्रेनिंग देता है बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स बनाकर रखे कि ऐसे काम करो पीयर रिव्यू हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर पीयर रिव्यू में हमारा इंस्टीट्यूट चार्ड अकाउंटेंट सी ए फ्स का जाकर एक प्रकार से ऑडिट करता है ऑडिट ऑफ ऑडिटर्स करता है फिर भी गवर्नमेंट इन सबसे खुश नहीं था तो उन्होंने अपना खुद का एक बोर्ड स्टैब्लिश किया तुम करो जो तुमको जो करना है हमारा बोर्ड हम एस्टेब्लिश करेंगे और वो देखेगा कि चार्ट अकाउंटेंट्स क्वालिटी वर्क कर रहे कि नहीं कर रहे और इसीलिए इसीलिए सेक्शन 28 ए से लेकर 28 डी के अंदर क्वालिटी रिव्यू बोर्ड को एस्टैब्लिश किया गया सत्यम स्कैम जब आया था उसके बाद एकदम गवर्नमेंट हरकत में आ गई गुस्से में आ गई और उन्हें क्वालिटी रिव्यू बोर्ड बना डाला ये बोर्ड का ठीक है खास बात क्या है बोर्ड की इसमें

और पांच लोग और चेयरपर्सन को नॉमिनेट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब अल्टीमेटली दबदबा मेजोरिटी किसका है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी वो होगा इनका काम क्या है इनका काम है जाके ये देखना रिव्यू करना स्टडी करना एनालाइज करना कि चार्ड अकाउंटेंट्स किस तरह की सर्विस दे रहे रिव्यू सर्विसेज गिवन बाय चार्ड अकाउंटेंट चार्ड अकाउंटेंट सोसाइटी में जो सर्विसेज दे रहे किस तरह की कैसी सर्विस दे रहे उसकी क्वालिटी कैसी है वो समझना सो so बेसिकली जाके देखिए आर दे गिविंग क्वालिटी सर्विसेज नॉट वो देखने के बाद उनको गाइड करना कि बेटा तुम क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हो हाउ यू कैन इंप्रूव क्वालिटी तुम कम लोगों को लगा रहे हो काम करने के लिए ज्यादा लोगों को लगाओ इंप्रूव क्वालिटी तुम प्लानिंग बराबर नहीं कर रहे हो इंप्रूव क्वालिटी काउंसिल को भी रिकमेंडेशन देना तुमने ऐसे कौन से रूल्स बनाने चाहिए ऐसे कौन से स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए ऐसे कौन से सिस्टम्स बनानी चाहिए जिससे क्वालिटी इंप्रूव हो तो ये जाके सीए को भी देखेंगे और वो देखेंगे पूरे सीए को देखेंगे कैसे काम कर रहे हैं और जब सजेशन देने की बारी है तो दोनों लेवल पर देंगे ग्राउंड लेवल पर सीए ने क्या करना है वो भी बताएंगे टॉप लेवल पर काउंसिल ने क्या करना है वो भी बताएंगे इसका पूरा डिटेल और ये लोग एक बड़ा प्यारा काम करते हैं क्वालिटी रिव्यू जो जाके देखना होता है ना लोग कैसे काम कर रहे हैं उसके लिए लोग क्वालिटी रिव्यू करते हैं इसको बिल्कुल डिटेल में चर्चा होती है पीयर रिव्यू और क्वालिटी रिव्यू चैप्टर के अंदर और बड़ी प्यारी सी इनकी वेबसाइट है क्वालिटी रिव्यू बोर्ड की और चुन चुन के ये लोग रिव्यू करते हैं खासकर ठीक है, खास कर, है रिव्यू करते हैं कंपनियां कैसे ऑडिट कर रहे हैं चुन चुनकर उनकी गलतियां निकालते हैं कि भाई कुछ लोग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो नहीं कर रहे हैं कुछ अकाउंटिंग साइड फॉलो नहीं कर रहे कुछ शेड्यूल थ्री फॉलो नहीं कर रहे चुन चुन की गलतियां निकालते हैं और बहुत प्यारी रिपोर्ट बना देते हैं लॉट टू लर्न फ्रॉम दैट रिपोर्ट तो जब हम क्वालिटी रिव्यू चैप्टर पढ़ेंगे तब उसके अंदर ये सारी बातें हम लोग कवर करेंगे नाउ फाइनली वी आर स्टार्टिंग द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट एन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर ठीक है अभी उस पर जाने के है, पहले एक ओवर व्यू ये तो हमको पता चल गया कि फर्स्ट शेड्यूल है और सेकेंड शेड्यूल है बिल्कुल चिंता मत करिए चुटकियों में सारे क्लॉज नंबर और क्लॉज में आपको याद कर दूंगा एक बहुत ही तूफानी एक बहुत ही जबरदस्त मेमोरी टेक्निक है हमारे पास इससे एकदम मजा ही आ जाएगा तो दो शेड्यूल है फर्स्ट शेड्यूल और सेकेंड शेड्यूल ये आपको पता है इसके बाद में फर्स्ट शेड्यूल के चार पार्ट है सेकंड शेड्यूल के तीन पार्ट है पहले तीन पार्ट फर्स्ट शेड्यूल के प्रोफेशनल एथिक्स के लिए आखिरी पार्ट अदर मिस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए आखिरी पार्ट अदर मिसकंडक्ट तो के लिए कल हम लोग पढ़कर दो पार्ट आपके प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए आखिरी पार्ट वापस अदर मिसकंडक्ट के लिए अगर हम देखेंगे तो पहले पार्ट में बारह क्लॉजिस है पहले पार्ट में बारह है दूसरे पार्ट में दो क्लॉज है फिर तीसरे में तीन क्लॉज है चौथे में दो क्लॉज है टोटल क्लॉजेस है बिल्कुल चिंता ना करें फटाफट मैं आपको पूरा याद दिला दूंगा याद करवा दूंगा सेकेंड शेड्यूल की अगर मैं बात करूं तो पार्ट वन में टेन क्लॉजेस है पार्ट टू में फोर क्लॉजेस है पार्ट थ्री में आपका एक क्लॉज है तो दस प्लस चार चौदह चौदह प्लस एक पंद्रह क्लॉजेस है दोनों को मिलाऊंगा मैं तो थर्टी फोर क्लॉजे थर्टी फोर एक ओवरव्यू है बिफोर वी स्टार्ट दूल इट सेल्फ अब बड़ा प्यारा सा हमारा शॉर्टकट इमेज रिकॉग्निशन टेक्निक देखिए उन्नीस क्लॉजेस और क्लॉजेस हमको एग्जैक्ट याद रखने पड़ते हैं कि क्लॉज नंबर वन में क्या है टू में क्या है थ्री में क्या है नंबर्स क्या बहुत दगाबाज होते हैं वन टू थ्री फोर बार बार हर जगह पे आएंगे हर पार्ट में वन टू थ्री फोर आएंगे सेकेंड शेड्यूल में भी आएंगे तो अगर जो चीज रिपीट होती है फिर कंफ्यूज होता है कि वन टू थ्री फोर में क्या क्या जाएगा तो नंबर्स कभी कभी दगाबाज होते हैं अगर वो बार बार रिपीट होते हैं तो यहां पर इस केस के में मेमोराइजेशन के लिए इसीलिए हमने एक बहुत बढ़िया टेक्निक निकाली है मेमोरी रिकॉग्निशन टेक्निक इसमें क्या होता है ठीक है आपको सिर्फ इमेजेस पे ध्यान देना है कुछ भी रीड नहीं करना है चीजें अपने आप याद हो जाएगी तो कहानी ऐसी है कि चार एक्टर एक्ट्रेसेस है सो वी हैव चार एक्टर एक्ट्रेसेस पहले नरगिस बहुत कम चली बहुत कम पिक्चरों में आई तो कुछ लोगों को पता हो कुछ लोगों को नहीं पता होगा लेकिन आप इमेज पे ध्यान दिए नरगिस ठीक है बहुत स्टाइल में बैठी हुई है फिर मुस्कुरा रहे है परेश रावल फिर आलिया भट्ट और उसके बाद में प्रभुदेवा तो नरगिस परेश रावल आलिया भट्ट प्रभुदेवा एक हीरोइन है फिर एक हीरो है फिर एक हीरोइन है, है। फिर एक हीरो क्रीम कलर के कोट में इमेजेस देना आपको नरगिस है ब्लू कलर का शर्ट पहन के परेश रावल है फिर ब्लू कलर का ड्रेस पहन के आलिया भट्ट है फिर व्हाइट कलर का प्रभुदेवा नरगिस ये पहला क्लॉज है सीए सी ए कौन काम कर सकता है ये क्लॉज बताता है सीए के ऑफिस में सीए फर्म के बिहाफ में कौन सा व्यक्ति काम कर सकता है सबके डिटेल्स हम लोग देखेंगे अभी सिर्फ नंबर और किस चीज के लिए क्लॉज है डिटेल्स आएंगे कि करके परेश रावल चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए इन प्रैक्टिस किसको पे कर सकता है अपने फीस का शेयर पेइंग शेयर ऑफ द फीस परेश रावल पेइंग शेयर ऑफ द फीस आलिया भट्ट सी इन प्रैक्टिस एक्सेप्ट किससे एक्सेप्ट कर सकता है शेयर ऑफ द फीस एक्सेप्टिंग शेयर ऑफ द फीस उसके बाद में है प्रभु देवा हम हाँ, सी इन प्रैक्टिस के साथ पार्टनरशिप कर सकता है नरगिस नाम के बिहाफ में कौन काम कर सकता है परेश रावल पेइंग शेयर ऑफ द फीस आलिया भट्ट एक्सेप्टिंग शेयर ऑफ द फीस प्रभु देवा पार्टनरशिप हो गए चार क्लॉज आपको बस इमेज रिकॉल करना है नंबर अपने आप आएगा किसने बोला एक्सेप्टिंग शेयर ऑफ फीस आलिया भट्ट वन टू थ्री पार्टनरशिप प्रभु देवा वन टू थ्री बहुत जबरदस्त टेक्निक है 99% बच्चों को इतना मजा आता है टेक्निक के अंदर बहुत ही मजा आता है लेकिन अगर आपको इमेजेस से प्रॉब्लम है ऐसा कुछ अगर हो सकता है यार तो फिर थोड़ी दिक्कत हो सकती है तो भी मुझसे बात करें मैं जरूर आपको हेल्प करूंगा आपके मन में कोई भी डाउट है ऑडिट गुरु डॉट इन वेबसाइट पर जाइए अपनी मन की बात वहां पर लिखिए हम उसका जवाब देते रहते हैं और जनरली शाम के समय में बच्चों से बात करता हूँ आधा घंटा होता ही होता है ऑडिट गुरु टेलीग्राम चैनल पर कनेक्टेड रहिए वहां पर आपको टाइमिंग्स में अपडेट करता रहता हूँ कि अभी क्या टाइमिंग चल रहा है एंड सोन फिर अगर मैं बात करूं ये लोग चारों लोग ये चारों लोग घूमने जाते हैं तो इनकी चार अलग अलग गाड़ियां टॉल तो बॉय स्कॉर्पियो ठीक है तो पुरानी गाड़ी हो चुकी है स्कॉर्पियो फिर एक लंबी गाड़ी खड़ी है ऑडी ठीक है फिर वापस जो बहुत पॉपुलर बहुत चली स्टाइलिश गाड़ी खड़ी है डस्टर और एकदम सेडान कैमरी ठीक है तो नर्गिस परेश रावल आलिया भट्ट प्रभुदेवा के बाद यहां पे स्कॉर्पियो ब्लैक स्कॉर्पियो एकदम डार्क ब्लैक स्कॉर्पियो फिर सुपर लग्जूरियस ऑडी पॉपुलर डस्टर और उसके बाद में कैमरी रिपोर्ट कैमरी अब देखो इमेज में अगर फिक्स हो गया है इमेज में फिक्स हो गया है ठीक है ब्लैक कलर की क्या खड़ी है स्कॉर्पियो उसके बाद में ऑडी उसके बाद में अपोजिट डायरेक्शन में देख रही है डस्टर देखो स्कॉर्पियो और डस्टर अपोजिट डायरेक्शन में है और उसके बाद में स्टाइलिश आगे से आपकी टोयोटा कैमरी नाउ स्कॉर्पियो इज सिक्योरिंग वर्क सीए इन प्रैक्टिस काम कैसे ला सकता है सिक्योरिंग वर्क एंड ऑडी इज अबाउट एडवर्टीजमेंट सी इन प्रैक्टिस एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकता है डस्टर सीए इन प्रैक्टिस क्या डेजिग्नेशन यूज कर सकता है और भी चीजें देखेंगे उसके अंदर अभी यहां पर डेजिग्नेशन क्या यूज कर सकता है सर हम देख कर बिल्कुल सेक्शन सेवन में देख के भी उसके बारे में है फिर कैमरी सी एन प्रैक्टिस को कम्युनिकेशन करना पड़ता है प्रीवियस ऑडिटर से असाइनमेंट लेने से पहले कम्युनिकेशन विद प्रीवियस ऑडिटर ओके तो राइट right साइड में देख रहा है आपका स्कॉर्पियो सिक्योरिंग वर्क फिर आपकी खड़ी है चमचमाती ऑडी एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते फिर अपोजिट डायरेक्शन देख रहा है डस्टर डेजिग्नेशन को लेकर फिर सामने कैमरी दैट इज कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन विद प्रीवियस ऑडिटर तो चार गाड़िया है ठीक है चार गाड़िया है अगर ये चार गाड़िया अलग अलग कलर में हो तो और मजा आता है हमारी टीम ने और स्टाइलिश बनाने के लिए उसको एक जैसे कलर्स में रखा हो मतलब सो वीड रीडिजाइन द नोट दिस टाइम एंड रीडिजाइनिंग देंज द इमेजेस नॉजे देखो आठ क्लॉज हमको याद हो गए चार एक्टर एक्ट्रेस वो याद हो गए चार हमारी गाड़िया है वो हमको याद हो गए अब ये कहा घूमने गए ये लोग घूमने गए रांची रांची का जो मंदिर है रांची का मंदिर आपको दिखना चाहिए इमेज इज द मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ठीक है गाड़ियों में भी आप एक डायरेक्शन में स्कॉर्पियो है एक डायरेक्शन में डस्टर है बीच में आपकी ऑडी है आखिरी में आपकी कैमरी है ये इमेज आपके दिमाग में होना चाहिए दिस इमेज रिकॉग्निशन जो लिखा हुआ है वो अपने आप याद आएगा एक मंदिर दिख रहा है कहां का है रांची फिर ये एक फोर्ट है ये एक फोर्ट है कहां का है फिरोजाबाद का फिर आइकॉनिक ताज होटल कहां का है बॉम्बे फिर भगवान जी की मूर्ति है कहां की है ये शिरडी तो आपको एक मंदिर दिख रहा है कहां का रांची फोर्ट दिख रहा है कहां का फिरोजाबाद का फिर आपको आइकॉनिक होटल दिख रहा है कहां का बॉम्बे का भगवान जी की मूर्ति दिख रही कहा की शिरडी और चार क्लास हो गए रांची रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट सी इन प्रैक्टिस को पहले कंपनीज एक्ट की बातें देखनी पड़ती है उसके बाद ही कोई असाइनमेंट एक्सेप्ट करना पड़ता है देखेंगे हम लोग इसको फिरोजाबाद फीस हम परसेंटेज बेसिस पे चार्ज नहीं कर सकते सी फीस चार्जिंग कैसे होना चाहिए बॉम्बे हम दूसरा बिजनेस और ऑक्यूपेशन नहीं कर सकते we'll see. Shirdi, कौन साइन कर सकता है हु कैन साइन ऑडिट रिपोर्ट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ फर्म बारह क्लॉज हो गया यार मस्ती मस्ती में बारह क्लॉज हो गए चार एक्टर एक्ट्रेस चार गाड़िया और चार लोकेशंस और कहानी भी बन गई कि ये चार लोग थे इनकी चार गाड़ियां थी और ये चार जगह घूमने भी चले गए मस्ती मस्ती मजाक मजाक में बारह हो गए ठीक है मैं बोल रहा हूं आपको अब आप सिर्फ इमेज रिकॉल करिए प्रभुदेवा पार्टनरशिप ऑडी एडवर्टीजमेंट बॉम्बे बिजनेस एंड ऑक्यूपेशन नंबर अपने आप आएगा नंबर याद मत करो नंबर तो अपने आप आएगा प्रभुदेवा फोर नंबर पे था ऑडी चार के बाद पांच छह नंबर पे था ऑडी और आपका होटल चार आठ हो गए थे नौ दस ग्यारह ग्यारह नंबर पे है तो फर्स्ट शेड्यूल शेड्यूलॉजे ट्वेल्व फटाफट आपको याद हो गए पार्ट वन सिर्फ शॉर्टकट देख रहे थोड़ी देखे हमने मूवीज 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 पहले एक मूवी का पोस्टर दिख रहा है सलमान और कटरीना एक था टाइगर और उसके बाद में आपका आशिकी टू कुणाल कपूर करेक्ट तो कुणाल कपूर और श्रद्धा कपूर की आशिकी टू ठीक है बहुत सिंपल है ये पार्ट टू सी एज इन सर्विस के लिए हम आगे देखने वाले हैं सीएन सर्विस ले एक था टाइगर जो चार्ट अकाउंटेंट सर्विस कर रहा है जो चार्ट अकाउंटेंट सर्विस कर रहा है ठीक है वो अपनी सैलरी बोनस एमोल्यूमेंट्स प्रोफेशनली किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता पढ़ेंगे हम इसको अच्छे से शेयर नहीं कर सकता ही कैन नॉट शेयर इट विद एनीवन प्रोफेशनली इसका मतलब क्या है वो भी हम लोग देंगे फिर आशिक ये दूसरे लोगों से कमीशन एक्सेप्ट नहीं कर सकता ना खुद के एमोल्यूमेंट दूसरों के साथ शेयर कर सकता है ना दूसरों का पैसा एक्सेप्ट कर सकता है ना दो ना लो सी पार्ट 2 सीएन सर्विस के लिए हम देखेंगे दो मूवीज है एक था टाइगर दैट इज फॉर एमोल्यूमेंट्स और उसके बाद आशिकी that is accepting. अगर हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट अब यार ये लोग घूमे फिरे मूवीज देखी कुछ खाना भूख लग भूख कुछ खाएंगे तो ये लोग लगा आपको दिख रहा है फाफड़ा फाफड़ा ठीक है फिर तीखा लगा तो कुछ मीठा हो जाए रसगुल्ला तीखा भी हो गया मीठा भी हो गया चाय हो जाए टी फाफड़ा फेलो चार्ट अकाउंटेंट अगर कोई चार्ट अकाउंटेंट अपने आप को गलत तरीके से फेलो चार्ट अकाउंटेंट बोलेगा तो यह एक मिसकंडक्ट माना जाता है इट इज कंसिडर्ड एज मिसकंडक्ट रसोगुल्ला, अगर कोई चार्ट अकाउंटेंट रिप्लाई नहीं करता रिस्पॉन्ड नहीं करता सीए इंस्टीट्यूट को मिसकंडक्ट माना जाता है टी टेंडर में झूठी बातें लिखकर भेजोगे मिसकंडक्ट माना जाता है पार्ट थ्री चार्ट अकाउंटेंट्स को लगता है इन जनरल पहले चार्ट अकाउंट लिख रहे हो गलत तरीके से गए रिप्लाई नहीं कर रहे हो गए टेंडर में झूठी गए फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट फोर अदर मिसकंडक्ट के लिए होता है हथकड़ी लगी है जेल जाओगे किसी भी रीजन के वजह से अगर आप जेल गए प्रोफेशनल रीजन हो या पर्सनल रीजन हो किसी भी चीज कैसे आप घर गए आप जेल गए ठीक है तो इसको आप डिक्लेयर कर देंगे आपने अदर मिसकंडक्ट किया है डीम कर लेते आपने अदर मिसकंडक्ट किया है दो क्लॉजेस शेम 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 आप ऐसा कुछ करते हो इंस्टीट्यूट शर्म आनी चाहिए आपको आप ऐसा कुछ करो जिससे आप सीए इंस्टीट्यूट का नाम खराब हो रहा है तो आप बिंग डिसूट द इंस्टीट्यूट ठीक है देखो हंसते खेलते मजाक मजाक में 19 क्लॉज हो गए चार एक्टर एक्ट्रेस हो गई चार गाड़ियां हो गई चार लोकेशन हो गए दो मूवीज हो गई तीन खाने पीने की चीजें हो गई और इमेज पे ध्यान देना आपको पहले स्लाइड में आपको पहले इसमें आपको दिख रहा था चार एक्टर एक्ट्रेस चार गाड़ियां फिर आपको दिख रहा है चार लोकेशन और दो मूवीज फिर आपको दिख रहा है खाने पीने की चीजें तीन खाने पीने की चीजें और फिर आखिरी में दो आखिरी हो गए उन्नीस क्लास मजा है इस बात का है कि आप इमेज के थ्रू एग्जैक्टली पिन पॉइंट पिन पॉइंट आप इमेज रिकॉल करिए आपको एग्जैक्टली exactly क्या है वो याद आएगा एंड विल वेरी इफेक्टिव पहली बार पढ़ने के बाद अगर आप फिफ्टी परसेंट भी याद रख पा रहे हो अभी तो हम डिटेल में गए नहीं है में गए नहीं फिफ्टी परसेंट भी याद रख पा रहे हो इट्स वंडरफुल माइंड ब्लोइंग ठीक है दूसरी बार हम पढ़ेंगे तीसरी बार पढ़ेंगे तो फिर दिमाग में एकदम टका टक तक बैठ जाएगा चलिए नाउ स्टार्ट वंडरफुल पार्ट सी एक्ट के पीछे जो फर्स्ट शेड्यूल है उसका जो पार्ट वन है दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल द दार्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस मैंने आपको पहले बोला था अबाउट नाइनटी फाइव परसेंट ऑफ द प्रोफेशनल एथिक्स इज फॉर चार्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस तो ये जो पूरा पार्ट है इट इज एप्लीकेबल टू चार्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस ओनली जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए है यह पहला पार्ट जिसमें चार प्लस चार प्लस चार बारह क्लोजेस है उनके लिए सिर्फ जॉब वालों को जॉब वालों को यह फॉलो करने की जरूरत नहीं है तो पार्ट वन की एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेबल ओनली टू प्रैक्टिसिंग चार अकाउंटेंट फिर वो प्रैक्टिस कैसे भी करते हो इंडिविजुअली प्रैक्टिस करते हो वन मैन आर्मी खुद की फर्म बनाई है बहुत सारे लोग बैठे हुए उसमें एज अ प्रोप्रेटर प्रैक्टिस करते हो या फिर एज अ फर्म प्रैक्टिस करते हो प्रैक्टिस किसी भी तरीके से वो बंदा कर सकता है क्या बोलता है क्लॉज नंबर वन नाम के बिहाफ में कौन काम कर सकता है सीए सी ए फर्म जो काम कर रहे हैं उस काम में क्वालिटी होनी चाहिए इट शुड बी अ क्वालिटी वर्क बहुत सिस्टमैटिकली अच्छे से काम होना चाहिए अच्छे से फाइनल रिपोर्ट्स बननी चाहिए क्वालिटी वर्क होना चाहिए क्वालिटी वर्क को बरकरार रखने के लिए क्लॉज वन में ऐसा लिखा है सीए सी ए फर्म्स के जो ऑफिसेस होते हैं ठीक है ऑफिस होते हैं उसमें कौन सा बंदा बैठकर क्लाइंट्स को इंडिपेंडेंटली सर्विसेज दे सकता है हु कैन सिट एंड गिव सर्विस में फर्म के लिए इंडिपेंडेंटली कौन सा बंदा क्लाइंट्स को हैंडल कर सकता है सर्विसेज दे सकता है देखिए इंडिया में बहुत जगह ऐसा होता है बहुत जगह ऐसा होता है और इंस्टीट्यूट वो नहीं चाहता था इसलिए बनाया हुआ है ठीक है बहुत जगह क्या होता है शॉप्स पे खासकर गल्ले पे ऐसा बोलते हैं ना गल्ले पे या गल्ले पे कभी भाई को बिठा दिया कभी वाइफ को बिठा दिया पप्पा बैठे मम्मी बैठे भाई बहन बैठे कजिन बैठे गल्ले पे कोई भी बैठ जा रहा है दुकान पे कोई भी, भी बैठ जा रहा है कोई भी संभाल ले रहा है सीए ऑफिस के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए सीए ऑफिस के साथ में ऐसा गल्ले वाला काम नहीं होना चाहिए इसलिए क्लॉज वन में पहले सी एंस्ट्यूट ने घबराकर बोल दिया कि सीए सीए ऑफिस में क्लाइंट्स को इंडिपेंडेंटली सर्विस देने का काम क्लाइंट्स को हैंडल करने का काम कौन कर सकता है इट कैन बी डन ओनली बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस एक एक बुद्धिमान शक्तिमान एक बहुत चार्ट होन बुद्धि नॉलेज सी ए इन प्रैक्टिस या तो वो फर्म का पार्टनर होना चाहिए या तो वो फर्म का एम्प्लॉय होना चाहिए तो क्वालिटी बरकरार रखने बहुत सिंपल बोला है प्रैक्टिसिंग सीए किस किसको अलाउ कर सकता है ही कैन अलाउ ओनली प्रैक्टिसिंग सी अलाउ कर सकता है सीए इन प्रैक्टिस को जो कि फर्म का पार्टनर है या एम्प्लॉय है टू प्रैक्टिस इन द नेम ऑफ फर्म फर्म तो के के बड़े से, आपको करना, बड़े से से आपको इमेजिन करना ऑफिस में के अंदर बैठकर इंडिपेंडेंटली जो फाइनल सर्विसेज देने का काम है इंडिपेंडेंटली क्लाइंट्स को मैनेज करने का काम है उसका टैक्स संभालने काम है उसका अकाउंट संभालने काम है उसका फाइनेंस संभालने काम है उसका ऑडिट करने का काम है इंडिपेंडेंटली ये फाइनल सर्विस कौन दे सकता है तो कौन दे सकता है एक बहुत ही नॉलेजेबल ट्रस्ट व्यक्ति सी इन प्रैक्टिस जो कि ऐसा ही नहीं कोई भी हो फॉर्म से जुड़ा हुआ हो या तो एज अ पार्टनर या तो एज अ अंप्लॉ देखिए इसको कंपेयर करते हैं सेक्शन 27 हम पढ़ कर रहे सेक्शन 27 हम पढ़ कर पढ़कर वहां पे इंचार्ज की बात बोली गई थी ठीक है कि भैया एक बंदा इंचार्ज होना चाहिए वहां पे बोला था कि ब्रांच का इंचार्ज कौन होना चाहिए इंचार्ज शुड बी चार्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस में हो ना हो चलता है चार्ड अकाउंटेंट होना चाहिए और या तो ही शुड बी अ पार्टनर और ही शुड बी इंटू फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट और एक्टिव एसोसिएशन ठीक है भाई सुपरविजन करने वाला व्यक्ति जो है सुपरविजन करने वाला जो व्यक्ति है इंचार्ज जो बंदा है वो सिर्फ चार्ड अकाउंटेंट इंचार्ज बंदा वो सिर्फ चार्ड अकाउंटेंट रहा तो भी चलता है ये सोचना है सी का वो सिर्फ अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट रहता है तो भी चलता है

क्लाइंट को हैंडल करने वाला प्रैक्टिस वाला ही चाहिए ठीक है एग्जाम में एग्जाम में आप क्लॉस को कैसे लिखेंगे एक लाइन बहुत रिपीट होती है अ सी ए इन प्रैक्टिस विल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ये लाइन हमेशा आनी चाहिए यह स्टैंडर्ड है हर क्लॉस के पहले अ सी ए इन प्रैक्टिस विल बी डीम्ड विल बी डीम्ड to be guilty of professional misconduct, if he allows uh, deem karenge पर कब deem karenge agar wo allow karta hai if he allows any person other than CA in practice, other than CA in practice, अलग-अलग तरीके से लिख सकते हैं, other than CA in practice, and who is not partner or employee to practice in the name of CA, CFM, अगर वो किसी और को allow करता है

Graduate, M -com graduate MBA, certified financial CFP, क्या इनको हम लोग बोल सकते हैं? क्या इनको हम लोग सोच के देखिए आप सोच के देखिए आप सीए का ऑफिस चला रहे आप सीए का ऑफिस चला रहे इंडिपेंडेंटली हैंडल करो नो आप इनको एज ए एम्प्लॉय रख सकते हो एम्प्लॉय रख सकते हो लेकिन ये आपके अंडर काम करेंगे क्लाइंट से आप डील करोगे या आपके अंडर काम करेंगे या आपको हेल्प कर सकते हैं तो ये लोग आप सीए ऑफिस में बैठ के इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस नहीं संभाल सकते क्या रिश्तेदारों को बिठा सकते नहीं रिश्तेदार रिश्तेदार नहीं है लिस्ट के अंदर, नहीं, उसको बिठा सकते नहीं उसको भी नहीं बिठा सकते है, नहीं है, नहीं, उसको भी नहीं बिठा सकते क्या हम लोग हमारे ऑफिस में सीपीएस को बिठा सकते कि आ सीपीए आ सी एफ ए आ एफ आर एम तू आकर मेरे बिहाफ में काम कर मेरे बिहाफ में काम कर फॉरेन प्रोफेशनल्स को बिठा सकते सीधा नहीं वो भी अलाउड नहीं है नेक्स्ट है क्लॉज नंबर टू पेइंग शेयर ऑफ द फीस ठीक है एक सी इन प्रैक्टिस एक सी इन प्रैक्टिस जो फीस कमाता है जो फीस कमाता है उसको मिलती है वो फीस वो किसके साथ प्रोफेशनली किसके साथ शेयर कर सकता है कोई भी बंदा अपनी फीस किसके साथ शेयर करेगा जिसने उसके लिए कुछ काम किया होगा तो बेसिकली क्लॉस टू ये बताता है कि भाई सीए इन प्रैक्टिस प्रोफेशनली कमर्शियली फीस का पैसा और प्रोफेशनल काम कौन से लोगों के साथ शेयर कर सकता है देखिए सीए का, का काम बहुत हाई क्वालिटी काम होना चाहिए एथिकल काम होना चाहिए। इसलिए उसने अपना फीस का पैसा और अपना काम बहुत ही होनार बुद्धिमान शक्तिमान नॉलेजेबल और एथिकल लोगों के साथ ही उसने शेयरिंग करनी चाहिए तो वापस क्लॉज नंबर टू क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए बोलता है कि प्रैक्टिसिंग चार्ड अकाउंटेंट ने प्रैक्टिसिंग चार्ड अकाउंटेंट अग्रीज टू पे और अलाउज टू डिडक्ट एक्चुअली पेज और अलाउस डिडक्ट प्रैक्टिस ने ठीक है अलाउ अग्री पेडक्ट और डिडक्शन क्या बोलना था बहुत सिंपल देखिए लैंग्वेज में इतना टेंशन मत लीजिए प्रैक्टिसिंग चार्ड अकाउंटेंट ने अग्री करना चाहिए पे करने के लिए या एक्चुअली पे करना चाहिए या फिर अलाउ करना चाहिए किसी को डिडक्ट करने के लिए एक्चुअल डिडक्शन के लिए फीस का कोई भी पार्ट इन द नेम ऑफ शेयर ब्रोकरेज और कमीशन किसके साथ में मोटा मोटी ये बोलना चाहते हैं कि प्रैक्टिसिंग चार्ड अकाउंटेंट अपना फीस का पैसा ठीक है फीस का पैसा शेयर कर सकता है इन द नेम ऑफ शेयर ब्रोकरेज और कमीशन सिर्फ कुछ ही लोगों के साथ में लिमिटेड लोगों के साथ में कौन लोग हैं छह तरह के लोग हैं कुछ मेंबर रिलेटेड है उसको तीन लोगों को उसमें डाल दिया है कुछ पार्टनर रिलेटेड है लेट्स सी सबसे पहले प्रैक्टिसिंग चार्ट अकाउंटेंट अपने प्रैक्टिस अपने प्रैक्टिस का का फीस पैसा और काम शेयर कर सकता है मेंबर ऑफ आईसीएआई मतलब दूसरे चार्ट अकाउंटेंट तो सीएनसी बोलता है हाँ बिल्कुल तुम तुम्हारा पैसा और तुम्हारा काम बिल्कुल बिंदास तुम शेयर कर सकते हो किसी भी नाम से शेयर के नाम से ब्रोकरेज के नाम से कमीशन के नाम से किसी भी नाम से कर सकते हो किसके साथ दूसरे मेंबर ऑफ आईसीआई तो बोले सीए के साथ में शेयरिंग अलाउड है सीए के साथ में यू कैन पे शेयर टू चार्ड अकाउंटेंट वो बहुत ही होनार, बुद्धिमान शक्तिमान और एक नॉलेजेबल व्यक्ति है ठीक है फिर आप वापस अपना शेयर यू कैन पे शेयर ऑफ द फीस एंड वर्क टू मेंबर ऑफ प्रिस्क्राइब प्रोफेशनल बॉडीज ऐसे लोगों के साथ में शेयरिंग कर सकते जो मेंबर है ऑफ प्रिस्क्राइब्ड प्रोफेशनल बॉडीज सीए इंस्टीट्यूट ने जो प्रोफेशनल बॉडीज की लिस्ट दी है उनके मेंबर के साथ भी शेयरिंग अलाउड है तो सीए इंस्टीट्यूट ने रेगुलेशन 53 ए बनाया है पढ़ेंगे उसको हम लोग सीए इंस्टीट्यूट ने रेगुलेशन 53 ए बनाया हुआ है और उसमें उन्होंने लिस्ट दी है कि ये ये प्रोफेशनल बॉडीज के जो मेंबर्स है वो हुनर बुद्धिमान शक्तिमान एथिकल है उनके साथ आप फीस और काम शेयर कर सकते हैं या फिर मेंबर्स हैविंग प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन या फिर ऐसे लोग ऐसे लोग जिनके पास में बहुत ही रेप्यूटेड अच्छी क्वालिफिकेशन हो रेगुलेशन फिफ्टी थ्री ए में वापस ऐसे क्वालिफिकेशन की लिस्ट दी हुई है ठीक है वेरी सिंपल पूरा क्लॉज बता रहा क्लॉज नंबर टू भी बना है quality को बरकरार रखने के लिए कि इन द फॉर्म ऑफ शेयर इन ब्रोकरेज कमीशन टू नॉलेजेबल एंड एथिकल पीपल तो तीन लोग ऐसे हैं, ठीक है जहां पे उनको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ आई से शेयरिंग कर सकता है नंबर वन ऐसे मेंबर जो ऐसे लोग जो मेंबर है अच्छे प्रोफेशनल बॉडीज के उसकी लिस्ट फिफ्टी थ्री ए में दी है ऐसे मेंबर्स ऐसे लोग जिनके पास में अच्छी क्वालिटी के अच्छी क्वालिफिकेशंस है रिप्यूटेड क्वालिफिकेशन है उनके साथ उनको भी हम लोग पे कर सकते हैं शेयर ऑफ द फीस एंड वर्क फिर भले ही ये भले ही ये जो काम इंडिया का हो या इंडिया के बाहर का हो कोई फर्क नहीं पड़ता सीए एक्ट इज ऑलवेज एप्लीकेबल टू चार्ट अकाउंटेंट्स रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर वर्किंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया वेदर क्लाइंट इज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया हमेशा उनको सी एक्ट लगता रहता है रेगुलेशन फिफ्टी ए हम लोग देखेंगे तो तीन तरह के मेंबर्स के साथ में हम शेयरिंग कर सकते हैं तीन तरह के मेंबर्स तीन तरह अब पार्टनर रिलेटेड तीन पॉइंट है हम बिल्कुल हमारा काम और पैसा शेयर कर सकते हमारे पार्टनर के साथ पार्टनर ऐसे ही किसी के साथ भी नहीं बन सकते हैं बहुत ही अच्छे लोगों के साथ ही हम पार्टनर बन सकते हैं बहुत अच्छे लोगों तो के साथ हम पार्टनर बन सकते हैं तो जिनके साथ पार्टनर बन सकते हैं उनको तो आप पे कर ही सकते हो शेयर ऑफ द फीस रिटायर्ड पार्टनर इसने मुझे बहुत सिखाया बहुत समझाया इसने मुझे लाइफ में आगे लेके गया आज वो रिटायर हो चुका है रिटायर्ड पार्टनर के साथ में भी आप फीस की शेयरिंग कर सकते हो उनके वर्ड्स ऑफ विजडम होते हैं उनका नॉलेज होता है उनकी डायरेक्शन होती है बिल्कुल और मेरा ऐसा मानना है सीनियर्स का नॉलेज एक्सपीरियंस बहुत प्यारी चीज होती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ठीक है जितना आप उससे ले सको आपने लेना चाहिए फिर कभी अगर किसी पार्टनर की अचानक डेथ हो जाए तो पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है कि उनके जो लीगल हायर है उनको हम लोग रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट का हिस्सा शेयर करते रहेंगे ताकि उनकी लाइफ वो कंफर्टेबली जी सके तो लीगल हायर ऑफ डिसीज पार्टनर लेकिन ये शेयरिंग तभी पॉसिबल है अगर ये स्पेसिफाइड थी पार्टनरशिप डीड में तो अगर स्पेसिफाइड है तभी ये हो सकता है तो इन टोटल छह लोगों के देखो इतने प्यारे तरीके से उसको ग्रुपिंग करके रखा है याद रखना हम बहुत ही बड़े प्यारे प्यारे तीन तरह के मेंबर से तीन तरह के मेंबर से हम लोग हमारा काम और पैसा हमारा काम और पैसा पे कर सकते हैं और तीन तरह के पार्टनर वाले पॉइंट पार्टनर रिटायर्ड पार्टनर लीगल हायर ऑफ द डिसीज पार्टनर जिसकी डेथ हो चुकी है

एक एक करके मेंबर वाले पॉइंट में मेंबर ऑफ आईसीआई मतलब चार्ट अकाउंट हमको पता है ठीक है पार्ट वाले पॉइंट भी पता है ये रेगुलेशन 53 ए में ये कौन सी लिस्ट दी हुई है ये मैं आपको बताऊं चलिए देखिए बड़ा प्यारा सा रेगुलेशन 53 ए है पहले बताता है ठीक है मेंबर्स ऑफ इंडियन प्रोफेशनल बॉडीज 53A ए में तीन बातें बोली है 53A ए में जितनी स्क्रीन पे चेंजेस मैंने किए हुए आप भी करेंगे उसमें तीन बातें बोली है 53A ए का जो क्लॉज वन है वो आपको लिस्ट देता है लिस्ट ऑफ इंडियन प्रोफेशनल बॉडीज ये इंडियन प्रोफेशनल बॉडीज है इनके मेंबर्स के साथ में काम और पैसा हम लोग शेयर कर सकते हैं अब सोचो कौन होंगे ये लोग आप सोच के देखो कि सी के साथ साथ आप कौन से कोर्सेस करते बच्चे

अकाउंट ऑफ इंडिया इनके साथ भी आप शेयरिंग कर सकते हैं फिर बच्चे और क्या करते हैं बच्चे एल एल बी करते हैं इनके साथ भी आप शेयरिंग कर सकते हैं फिर बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो एक्चुअली का कोर्स का, का करते हैं तो मेंबर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअली इनके साथ भी आप शेयरिंग कर सकते हैं ठीक है तो देखो आप कौन से कौन से लोगों के साथ मिलकर काम कर सकते और नहीं एकदम बहुत ही कम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट इंडियन इंस्टीट्यूट आर्किटेक्ट ये भी बहुत नॉलेजेबल और एथिकल लोग इनके साथ भी आप शेयरिंग कर सकते तो इनके साथ मिलकर आप लोग काम कर सकते मेंचुअली एंड मेंबर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट बिल्कुल आप अपना काम इनके साथ में शेयर करके बिल्कुल बहुत बार बड़े बड़े क्लाइंट्स के लिए आप करते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे आप करते हैं लीगल मैटर सीएस के साथ मिलकर करो कॉस्ट के मैटर कॉस्ट वालों के साथ मिलकर करो एलएलबी के साथ मिलकर करो एक्चुअली के साथ मिलकर करो डिजाइनिंग का काम है आर्किटेक्ट के साथ मिलकर करो कोलैबोरेट करो इंस्टीट्यूट चाहता है कि आप काफी अच्छे लेवल पे पर कर करके आगे बढ़ो लेकिन अच्छे नॉलेजेबल और एथिकल लोगों के साथ में ये होना चाहिए फिर इसकी जो अगली लिस्ट है इसकी जो अगली लिस्ट है नेक्स्ट लिस्ट है सेकंड लिस्ट ऑफ फॉरेन प्रोफेशनल बॉडीज लिस्ट ऑफ फॉरेन प्रोफेशनल बॉडीज इनका कहना है कि आप शेयरिंग कर सकते हैं आप शेयरिंग कर सकते हैं मेंबर्स देखिए मेंबर्स ऑफ फॉरेन प्रोफेशनल बॉडीज ठीक है इनके साथ भी आप आपका काम और पैसा शेयर कर सकते हैं अगर ये फॉरेन प्रोफेशनल बॉडीज रिकॉग्नाइज है अंडर सेक्शन ट्वेंटी नाइन यह पहले भी सेक्शन ट्वेंटी बोला है सेक्शन ट्वेंटी बोलता है जो लोग हमको इज्जत दे हम उनको इज्जत देंगे रेसिप्रोसिटी वाला सेक्शन है इसी के अंदर साइन होते हैं मतलब जो भी फॉरेन प्रोफेशनल बॉडीज है जिनके साथ में एमओयूज और एम आर ए साइन किए गए हैं वो फॉरेन प्रोफेशनल बॉडीज के जो मेंबर है जैसे हम लोग बार बार बोलते आ रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स आयरलैंड साउथ अफ्रीका कैनेडा ऑस्ट्रेलिया मलेशिया नेपाल यहां के मेंबर्स के साथ हम हमारा काम और पैसा शेयर कर सकते हैं काम और पैसा दोनों इनके साथ में हम शेयर कर सकते हैं ठीक है तो जब मैं प्रोफेशनल बॉडीज की बात करूं दो तरह की प्रोफेशनल बॉडीज है इंडियन प्रोफेशनल बॉडीज और फॉरेन प्रोफेशनल बॉडीज ठीक है तीसरा हम ऐसे लोग अब ऐसे लोग जिनके पास में या तो पर्सन शुड बी मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज इंडियन और फॉरेन हो सकता है या फिर पर्सन शुड हैव गुड क्वालिफिकेशन तो ऐसे लोग जिनके पास में अच्छी क्वालिफिकेशन है तो उसकी भी लिस्ट दी है और लिस्ट में पहले पांच वापस वही है जो हम पढ़कर आए अगर कोई बंदा क्वालिफाइड सी है सर इसमें क्या फर्क है सी एस एज अ क्वालिफिकेशन एन मेंबर ऑफ सी एस इंस्टीट्यूट कभी कभी बच्चे क्या करते हैं सिर्फ एग्जाम्स पास करते हैं लेकिन ट्रेनिंग्स पूरी करके मेंबरशिप नहीं लेते तो अगर कोई बंदा क्वालिफाइड सीएस है भले उसने मेंबरशिप नहीं ली होगी उसके साथ में भी हम लोग मिलकर काम कर सकते वी कैन पे शेयर ऑफ द फीस टू हिम देम तो कोई अगर क्वालिफाइड सी है क्वालिफाइड सीडब्ल्यू एस सी है कोई अगर बंदा ठीक है एल है अगर कोई बंदा एल है या फिर कोई बंदा एक्चुअली है कोई बंदा आर्किटेक्ट है ठीक है ये पहले पांच एकदम सेम है कॉपी पेस्ट सेम कॉपी पेस्ट सेम है वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है बिल्कुल सेम है वैसे के वैसे तो क्वालिफाइड सीएस क्वालिफाइड सी डब्ल्यू क्वालिफाइड एल एल बी क्वालिफाइड एक्चुअली क्वालिफाइड आर्किटेक्ट इनके साथ में दो नए लोगों की एंट्री हुई है बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी ये दोनों इंजीनियर्स ही होते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट से जब आप इंजीनियरिंग करते तो आपको बीटेक की डिग्री मिलती है बेसिकली इंजीनियर्स है तो अगर हम बात करेंगे बीई बी जो है बीई बी और एम ये दो नए लोगों की एंट्री हुई है यहां पर ठीक है दो नए लोगों की एंट्री है इनके साथ में भी हमारा काम और पैसा शेयर कर सकते हैं तो पांच जो ऊपर पड़े वो तो है ही क्वालिफिकेशन में दो नए लोग भी हैं तो बिल्कुल देखो इंस्टीट्यूट चाहता है लोगों के साथ मिल मिलकर काम करो बड़े लेवल पर काम करो और सही बात है सोच बड़ी होनी चाहिए विजन बड़ा होना चाहिए आप अकेले ध्यान रखना कभी आगे नहीं बढ़ सकते प्रैक्टिस करने लोग उतरते हैं ना खुद अकेले अकेले बहुत कुछ लोगों की सोच बहुत नैरो माइंडेड होते हैं सब काम अकेले ही करना है सब मैं ही कर लू मैं ही कर लू मेरी बात ध्यान रखना अगर आप ग्रो करना चाहते हो और बड़ा होना चाहते हैं टीम को बनाइए टीम को बनाइए ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप जुड़िए और उनके साथ में शेयरिंग करिए प्रॉफिट शेयर करिए आपके हाथ में जो पैसा आने वाला है ठीक है परसेंटेज टर्म्स में कम होगा यस लेकिन जब काम बड़ा होगा तो छोटा परसेंटेज भी टर्म्स में बड़ा होगा ध्यान रखना इस बात को जितना टीम बड़ा रखोगे जितना आप शेयरिंग करोगे उतना परसेंटेज भले ही आपको कम मिले भाई टोटल फीस का एक परसेंटेज आपको मिल रहा है लेकिन टर्म्स में इट विल बी बोर और आपको काम करने में बहुत मजा आएगा आपकी ग्रोथ बहुत फास्ट होगी नई ऊंचाइया आप लोग शेयर करोगे तो दिल बड़ा रखिए और शेयरिंग करिए ठीक है ये जितनी भी डिग्रीज की हम बात कर रहे हैं एस्टैब्लिश और रिकॉग्नाइज बाय लॉ इन इंडिया ये डिग्रीज जब हम एल की बात करें बी बीबीटेक की बात करें एम की बात करें एस्टैब्लिश और रिकॉग्नाइज बाय लॉ इन इंडिया जैसे ए है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन सबसे रिकॉग्नाइज होनी चाहिए मतलब कोई बंदा ऑक्सफोर्ड से एमबीए करके आ सकता है उसके साथ में हम शेयरिंग नहीं करेंगे अगर किसी ने इंडिया में ठीक है इंडिया में कोई कॉलेज से एम किया तो उसके साथ हम शेयरिंग कर सकते हैं हमारे काम और फीस की तो ये जितनी भी डिग्रीज है इट शुड बी एस्टेब्लिश और रिकॉग्नाइज बाय लॉ इन इंडिया अलग अलग अथॉरिटीज होती है उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए तो छह तरह के लोग हमेशा ध्यान रखना अगर बंदा ये छह तरह के लोगों में आता है तो उसके साथ काम और पैसा शेयर करेंगे नहीं तो उसके साथ हम काम और पैसा शेयर नहीं कर सकते एग्जाम में क्वेश्चन एक होते बस ये लिस्ट में आया तो परफेक्ट है बैंक ऑन टारगेट देखिए केसेस देखिए बार बार ये केस सीए ऑफ ऑडिट फीस टू के साथ में शेयरिंग कुछ बोला हुआ नहीं है जब कुछ बोला नहीं जाता तो हमेशा अजम्शन ऐसा लेना चाहिए जिसमें मिसकंडक्ट हो आप एम्प्लॉय के साथ में शेयरिंग कर रहे हैं ठीक है अंडर द नेम ऑफ ऑफिस अलाउंस अलाउन्स अभी आपने बोला था शेयरिंग करना चाहिए ठीक है लेकिन यहाँ पे लिस्ट रिस्ट्रिक्शन है छे लोगों के साथ में आप परसेंटेज टर्म में मत करिए फिक्स्ड अमाउंट के थ्रू सामने वाले के साथ में पैसा आप शेयर करिए अच्छी सैलरी दीजिए लेकिन यहां पर एम्प्लॉय के साथ में शेयरिंग ठीक है एम्प्लॉय वर्ड कहीं पर भी कवर नहीं है या तो आप मेंबर होने चाहिए मेंबर ऑफ आईसीआई मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज या मेंबर हैविंग क्वालिफिकेशंस प्रोफेशनल बॉडीज दो अलाउड है फॉरेन प्रोफेशनल बॉडी भी अलाउड है इंडियन प्रोफेशनल बॉडीज अलाउड है और, और, और फॉरेन पार्टनर वाले है। तो ना पार्टनर वाले, वाले में आता है सर अगर एम्प्लॉय चार अकाउंटेंट रहा तो चलेगा ना ऐसा दिया नहीं ना जब तक दिया हम करेंगे कि वो बंदा ना मेंबर है पार्टनर तो है ही नहीं तो इट इज नॉट अलाउड अगर बोलता हूं ऑप्टेन लोन फ्रॉम फाइनेंस कंपनी फाइनेंस कंपनी से लोन लिया फाइनेंस कंपनी से लोन लिया है उनको बोला है कि मैं 6 आपको इंटरेस्ट दूंगा मेरे मेरे फाइनेंस कंपनी के साथ में फीस शेयर नहीं कर सकते अगर आप ऐसे लोग के साथ शेयरिंग कर दोगे ना तो आपके ऊपर दबाव डालेंगे अनिथिकल एक्टिविटीज करने का इसलिए अलाउ नहीं किया हुआ फिर परसेंटेज़ ऑफ़ प्रोफेशनल फीस फ्रॉम ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ये इंटरेस्टिंग है यहां पे फाइनेंस कंपनी था ये इंटरेस्टिंग है कि अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट करोगे तो उसकी जो फीस आपको मिलती है ना उसका एक स्पेसिफिक परसेंटेज आपको स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में शेयर करना पड़ता है यू हैव टू शेयर विद द स्टेट गवर्नमेंट्स एज एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस शेयरिंग करनी पड़ती है एक लाख रुपए तो उसका पांच हजार रुपए आपको स्टेट गवर्नमेंट को देता है देना पड़ता है उनका जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो डिपार्टमेंट होता है उनके साथ में शेयरिंग करनी पड़ती है आपको अब बताइए गवर्नमेंट लिस्ट में आता है क्या नहीं आता है तो चलेगा नहीं चलेगा चलेगा क्योंकि इन सब्सटेंस इन रियलिटी इंस्टीट्यूट ने क्लारिफिकेशन दिया ये जो गवर्नमेंट के साथ में आप परसेंटेज ऑफ द फीस शेयर कर रहे हो ये कोई वॉलेंटरी शेयरिंग नहीं है ये मैंडेटरी शेयरिंग है ये एक प्रकार का टैक्स है इट इज इन नेचर ऑफ टैक्स इट इज नॉट अ वॉल्ट्री शेयरिंग इट इज इन नेचर ऑफ टैक्स इट इज इन नेचर ऑफ टैक्स ठीक है इट इज नॉट अ वॉलेंटरी शेयरिंग तो ये टैक्स की जैसी चीज है टैक्स पे करने में थोड़ी कोई मनाई है टैक्स पे करने में थोड़ी कोई मनाई है तो ये टैक्स के जैसा है नेचर ऑफ टैक्स टैक्स पे कर सकते हैं इन जनरल सभी फॉरेन प्रोफेशनल्स को बोलना गलत होगा हम सिंपल बोल रहे हैं क्या हम सीपीए सीएफए के साथ में शेयरिंग कर सकते हैं क्या ठीक है सीपीए और सीएफए लिस्ट में नहीं आते सीपीए सीएफए लिस्ट में नहीं आते इनके साथ में शेयरिंग हम नहीं कर सकते अगर कोई बंदा लॉयर बन के आता है ऑक्सफोर्ड से एम करके आता है ठीक है बिजनेस स्कूल से बाहर से क्या उनके साथ में शेयरिंग कर सकते हैं क्या आंसर इज अगेन नो ठीक है एक पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर डाइज पार्टनर की डेथ हो जाती है जो उनकी विडो है उनकी वाइफ है उनको पे करते शेयर ऑफ द फीस और ये पहले से पार्टनरशिप डीड में दिया था अगर पहले से दिया था मतलब ये कोई अपॉर्चुनिस्टिक प्लानिंग नहीं है पहले से प्री प्लान चीज है बिल्कुल शेयरिंग कर सकते हैं शेयरिंग कैन बी डन डेफिनेटली लीगल डिसीज पार्टनर अगर पहले से दिया हुआ है तो बिल्कुल कर सकते हैं तो बड़ा प्यारा है जी छह लोगों के साथ में शेयरिंग करो खुश रहो लाइफ में नाउ एक स्पेशल केस है बड़ी प्यारी स्पेशल केस है क्या केस है आप मुझे बताएंगे देखिए प्रैक्टिस करते वक्त आप लोग ना आप, आप 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 लोग प्रैक्टिस करते हो बहुत दिमाग लगा सकते हो यू कैन अप्लाई लॉट ऑफ ब्रेन सीनियर चार्ट अकाउंटें सपोज ठीक है हमारा बंदा है सुरेश ठीक है सुरेश सुरेश करके चार्ट अकाउंटेंट है बड़ा ही इंटेलिजेंट है क्या करता है नया नया वो सुरेश सीए बना वो नजर रखता है कि आसपास नजर रखता है कि आसपास कौन से सीनियर चार्ट अकाउंटेंट है सेवेंटी फाइव प्लस एटी प्लस नजर रखता है ठीक है और जैसे ही डेथ हो जाती है ठीक है अगर कोई प्रोपराइटर की डेथ हो जाती है प्रोपराइटर की एक प्रोपराइटर चार्ट अकाउंटेंट था उनकी डेथ होगी या फिर एक फर्म थी जिसके सारे पार्टनर्स की डेथ गई एकदम लिस्ट बना के रखता है सब की डेथ हो गई सारे पार्टनर्स की डेथ हो गई ऐसे हाइपोथेटिकली सीनियर पार्टनर्स गए थे, सारे के सारे पार्टनर्स गए थे कौन से है? उनकी डेथ अगर फर्म में एक ही बंदा था उसकी डेथ हो गई या फिर पार्टनर्स थे, पा, सभी पार्टनर्स की डेथ हो गई वो जाता है फैमिली वो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा लाइफ में वेरी हैप्पी उनकी प्रैक्टिस को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं फॉर्म का नाम हमको दे दो फॉर्म का नाम हमको दे दो ठीक है क्लाइंट्स की फाइलें हमको दे दो फॉर्म का नाम हमको दे दो, क्लाइंट्स की फाइलें हमको दे दो ऑफिस लोकेशन हमको दे दो ठीक है पूरे स्टाफ से हमको मिलवा दो मैं आप लोगों को फीस का फोर्टी परसेंट दूंगा फीस का फोर्टी परसेंट पार्टनर्स की डेथ हो गई है और सुरेश बोलता है कि मैं मेरे फीस का फोर्टी परसेंट पे जो भी फीस आएगी उसका फोर्टी परसेंट आपको पे करने को तैयार हूं साठ परसेंट मैं खर्चे भी निकाल लूंगा खुद का प्रॉफिट भी निकाल लूंगा फोर्टी परसेंट क्या सुरेश ऐसा अरेंजमेंट ऐसा अरेंजमेंट सुरेश कर सकता है क्या कैन डू इट क्या लगता है आपको इज इट पॉसिबल कैन डू इट पार्टनरशिप डीड्स में ऐसी बातें लिखी हुई थी आंसर इज नो क्यों नो सर वाई नो देखो सुरेश ऑन पेपर कभी भी जिनकी डेथ हुई उनके साथ पार्टनर नहीं था सुरेश वॉज नेवर अ पार्टनर ऑफ द पर्सन हु डाइड प्रोपराइटर डाइड ऑल पार्टनर हु डाइड जब सुरेश कभी उनका पार्टनर ही नहीं था पार्टनर ही नहीं था तो वो कैसे शेयर कर सकता है फीस ये बोलकर कि दे आर लीगल हायर ऑफ माई पार्टनर्स आप शेयरिंग किसके साथ कर सकते हो पार्टनर के साथ रिटायर पार्टनर के साथ या फिर आपके पार्टनर के जिसका जो डिसीज जो मर चुका है उसके लीगल हायर के साथ द सिचुएशन इज मैं आपको फिर से वापस आई एम फ्रीजिंग इट अब उसको हम लोग ठीक है पूरा क्लोज कर रहे हैं कभी कभी ऐसा होता है कि फर्म में एक ही चार्ट अकाउंटेंट उसकी डेथ हो जाती है या फर्म के सभी पार्टनर्स की डेथ हो जाती है और नया बंदा आता है एक न्यू चार्ट अकाउंटेंट आता है प्रैक्टिस टेक ओवर करने के लिए ये नया चार्ट अकाउंटेंट और जो पुराने चार्ट अकाउंट है इनके साथ में कोई पार्टनरशिप का रिलेशनशिप नहीं था तो इस केस में ही न्यू पार्टनर न्यू पार्टनर न्यू सीए कैन नॉट शेयर पार्ट ऑफ द फीस विद द लीगल हायर तो फिर ऐसे इसमें क्या होगा इंस्टीट्यूट ने बोला ऐसे इसमें ट्रांसफर ऑफ गुडविल होगा नया सीए गुडविल परचेस कर देगा लीगल यर्स गुडविल को सेल कर देंगे और बदले में जो पेमेंट होगा वो फिक्स्ड होगा लमसम वो फिक्स्ड वो फिक्स्ड पेमेंट होगा या तो वन स्ट्रोक में उसका पेमेंट करना पड़ेगा या इंस्टॉलमेंट में उसका पेमेंट करना पड़ेगा लेकिन वो फिक्स्ड होगा उसका फीस कलेक्शन से कोई लेना देना नहीं होगा तो ये खास स्पेशल केस है गुडविल ट्रांसफर ऑफ गुडविल की गुडविल ट्रांसफर ऑफ गुडविल की अगर ऐसा होता है कि एक अकेला सीएन प्रैक्टिस था इंडियन प्रोपराइटर उसकी डेथ हो जाती है या सभी पार्टनर्स की डेथ हो जाती है दल डाई स्पेशल केस रेयर केस ठीक है तो लीगल इस केस के अंदर लीगल हायर ठीक है लीगल हायर कैन हैंड ओवर प्रैक्टिस टू अनदर सी एन प्रैक्टिस पूरा प्रैक्टिस है बिल्कुल नाम फॉर्म तो का नाम उसके फाइल्स उसके सब कुछ वो सेल कर सकता है गुडविल पूरा सेल कर दूसरे सीएन प्रैक्टिस ये जो दूसरा सीएन प्रैक्टिस है जिसको हम लोग न्यू सीए बोल रहे हैं न्यू सीए बोल रहे हैं ये न्यू सी ए कैनॉट शेयर कैनॉट शेयर फीस और प्रॉफिट विद लीगल हायर एज ही वॉज अ पार्टनर ऑफ डिसीज पीपल डिसीज जो लोग हैं उनका पार्टनर कभी था ही नहीं वो एक फिक्स लमसम अमाउंट दे सकता है लमसम अमाउंट मतलब फिक्स्ड अमाउंट दे सकता है फॉर परचेस ऑफ गुडविल ठीक है इसमें इंस्टॉलमेंट भी हो सकते है लेकिन इंस्टॉलमेंट फ्यूचर प्रॉफिट एंड अर्निंग्स या तो वन स्ट्रोक पेमेंट करो या मल्टीपल आप इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करो प्रोसीजर क्या होगी इसकी बहुत सिंपल सी प्रोसीजर है परचेस करने की प्रोसीजर क्या होगी एप्लीकेशन बना के देना पड़ेगा सी एंस्टिट्यूट को एप्लीकेशन पड़ेगा डियर सीएम मान्य महोदय मैं ये प्रोपराइटर या पार्टनरशिप फर्म का गुडविल परचेस करना चाहता हूं ये एक साल के अंदर डेथ के एक साल के अंदर बड़ा प्यारा सा एप्लीकेशन बनाकर ठीक है कि मैं यही ये ये इनकी इनकी डेथ हुई है इन लोगों का इस फर्म का मैं गुडविल परचेस करना चाहता हूं एप्लीकेशन के साथ क्या के देना पड़ेगा पहले प्रूफ देना पड़ेगा ठीक है डेथ के बाद में प्रैक्टिस पे राइट किसका है अगर कोई सक्सेशन आजकल लोग बना के आते कि मेरे डेथ के बाद में मेरा सक्सेसर कौन होगा कौन तय करेगा सक्सेशन सर्टिफिकेट या फिर कोई विल ठीक है लीगल हायर सर्टिफिकेट कोई एफिडेविट सोन लीगल हायर

कितने में खरीद रहे हो एक साथ पे करेंगे इंस्टॉलमेंट पे करेंगे कब कब पे करेंगे वहां पे क्लियरली कि भाई लीगल हायर जिनका राइट बनता है उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसको लेकर ये डॉक्यूमेंट्स पूरे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है लीगल हायर का न्यूज में एडवर्टीजमेंट दे चुके हैं कि हम ये परचेस करना चाहते हैं रीजनल ऑफिस को कॉपी भी दे चुके हैं ये सब के साथ तो एक एप्लीकेशन डेथ का प्रूफ किसका राइट है उसका प्रूफ फिर किस तरह का अग्रीमेंट है वो उसमें क्लियर कट टर्म्स होने चाहिए लीगल है कोई ऑब्जेक्शन नहीं है न्यूज पेपर एडवर्टीजमेंट दे चुके हैं रीजनल को भी दे चुके हैं ठीक है कहीं से किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया हुआ है देखा है, सब कुछ किया बंदे ने सब किया है अप्रूव कर देगा हम परचेस परचेस ऑफ 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 गुडविल 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 ट्रांसफर ट्रांसफर बोलो 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 सेल एक ही है हम अप्रूव करते हैं जैसे ही अप्रूव करेंगे ठीक है तीस दिनों के अंदर तीस दिनों के अंदर ये जो हमारा चार्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है तीस दिनों के अंदर ये फॉर्म एटीन जब भी आपको आपकी फॉर्म रजिस्टर करवानी होती है तो फॉर्म एटीन भरते हैं तो ये और फॉर्म एटीन इज अ वेरी पॉपुलर फॉर्म फॉर्म रजिस्टर करना फॉर्म के अंदर चेंजेस करना उसको लेकर ये ये फॉर्म होता है जैसे ही अप्रूव होता है वो फॉर्म नंबर एटीन वो भरेगा उसमें लेटर लगाएगा कि पहले ये फॉर्म के मालिक ये लोग होते थे अब इस फॉर्म का मालिक मैं हो चुका हूं तीस दिन के अंदर सीए इंस्टीट्यूट को भेजेगा सीए इंस्टीट्यूट अपने रिकॉर्ड में ये फॉर्म का पार्टनर प्रोपराइटर मालिक ये बंदा है अपने रजिस्टर में रिकॉर्ड कर लेंगे और ट्रांसफर को कंप्लीट कर देंगे ठीक है टाइम लिमिट एक साल हमने बोला अगर 1998 के बाद पहले का क्या करना है हमको पहले से कोई मतलब नहीं है कि बात डेथ हुई है वन ईयर फ्रॉम द डेथ एक साल आईसे विल कीप नेम इन अबियंस जैसी डेथ होती है तो जो फर्म का नाम है आईसे होल्ड पे रखता है अबियंस रखता है किसी को देता नहीं है लेकिन अगर कभी डिस्प्यूट हो जाए अगर कभी डिस्प्यूट हो जाए लीगल हायर में कि भैया आपस में लीगल हायर झगड़ रहे हैं कि ये जो प्रैक्टिस है

और अगर लीगल है को दे कि हमारा आपस में डिस्प्यूट चल रहा है तो इंस्टीट्यूट बोलेगा डिस्प्यूट खत्म होने के एक साल तक यह नाम हम किसी को नहीं देंगे लेकिन इंस्टीट्यूट को बताना पड़ेगा कि ऐसा हमारा डिस्प्यूट चल रहा है तभी इंस्टीट्यूट इसको ऐसा कर पाएगा तो ये टाइम लिमिट है नाउ परेश रावल के बाद में है परेश रावल के बाद कौन है परेश रावल के बाद है आलिया भट्ट एक्सेप्टिंग शेयर ऑफ द फीस हम किससे एक्सेप्ट कर सकते हैं शेयर ऑफ द फीस ठीक है सी एन प्रैक्टिस कैन अग्री कैन अग्री और अग्री टू एक्सेप्ट शेयर इन द फॉर्म शेयर ऑफ फीस अग्री टू एक्सेप्ट शेयर ऑफ द फीस और ब्रोकरेज और कमीशन तीन लोगों के साथ ये तीन मेंबर वाले लोग हैं वाह सर जब पे करने की बात है तो छह लोगों के साथ शेयरिंग है छह लोगों के साथ शेयरिंग है और जब पैसे लेने की बारी आई तो तीन लोगों से ले सकते हैं ऐसे चिंता मत करिए ठीक है जो मेंबर वाले लोग है ना वो मेंबर वाले लोग से हम एक्सेप्ट कर सकते हैं मेंबर ऑफ आईसीए जो लोग लो मेंबर है उ, प्रिस्क्राइब दो तरह की प्रोफेशनल बॉडीज है इंडियन प्रोफेशनल बॉडीज और उसके बाद में फॉरन प्रोफेशनल बॉडीज और फिर ऐसे लोग ऐसे लोग जिनके पास में जिनके पास में प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन है वापस रेगुलेशन 53 ए लगता है बिल्कुल कॉपी पेस्ट सेम एज इट इज तो हम लोग जब पैसे लेने की बारी आती है तो मेंबर ऑफ आई चार्ट अकाउंटेंट से मतलब पैसा लेना मतलब कमर्शियली कमर्शियली हम लोग पैसा कमर्शियली हम लोग पैसा और काम ले सकते हैं मेंबर ऑफ आईसीएआई से मेंबर ऑफ आईसीआई से हम लोग ले सकते हैं मतलब चार्ट अकाउंटेंट से फिर मेंबर ऑफ प्रिस्क्राइब बॉडी इंडियन प्रोफेशनल बॉडीज है पांच फिर फॉरेन प्रोफेशनल बॉडीज जो इनके साथ एमओ है और सात लोग हैं जिनके पास क्वालिफिकेशन है पांच तो कॉमन है इंजीनियर्स और एमबीए ये एक्स्ट्रा इन एक्सेप्ट कर सकते हैं तो तीन तरह के मेंबर्स हम एक्सेप्ट कर सकते हैं सर पार्टनर्स देखिए पार्टनर्स को एक पार्टनर को पे करना अलाउ किया है तो ऑटोमेटिकली अगले पार्टनर को एक्सेप्ट करना अलाउ किया है इसीलिए पार्टनर से रिलेटेड बातें उन्होंने क्लैरिफाई नहीं की है एक पार्टनर को अगर पे करना अलाउ किया मतलब एक्सेप्ट करना भी अलाउ किया रिटायर्ड पार्टनर से हम एक्सेप्ट करते नहीं प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता ही नहीं कि रिटायर्ड पार्टनर से पैसे ले रहे इसलिए वो बात निकाल दी लीगल हायर से भी पैसे लेना ऐसा भी होता नहीं है बेतुका है इलॉजिकल है इसलिए वो बात भी निकाल दी तो बहुत ही इंटेलिजेंटली इन्होंने मेंबर्स वाले पॉइंट रखे पार्टनर्स वाले पॉइंट निकाल दिए क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं थी अच्छा इसमें एक चीज और पेइंग शेयर ऑफ द फीस वाले इसमें क्या हम घर जाकर वाइफ के साथ शेयर कर सकते फीस रिश्तेदारों के साथ शेयर कर सकते फीस कुछ लोग तो भगवान के साथ शेयर करते हैं तिरुपति में बहुत है तिरुपति शिर्डी में लोग क्या करते हैं दस परसेंट प्रॉफिट भगवान के दस परसेंट प्रॉफिट भगवान के शेयरिंग करते हैं अरे लाखों करोड़ों में चंदा देते हैं सोना चढ़ाते हैं मुकुट चढ़ाते हैं तो वो चल सकता है क्या बिल्कुल वो कमर्शियल शेयरिंग नहीं है पर्सनल शेयरिंग है वो कमर्शियल शेयरिंग नहीं है शेयरिंग ऑफ वर्क एंड फीस नहीं है वो पर्सनल शेयरिंग है इट्स एप्लीकेशन ऑफ इनकम भाई जैसे अप्लाई करना है तो वैसे अप्लाई करो क्या प्रॉब्लम है कोई प्रॉब्लम नहीं रेफरल फीस सर रेफरल फीस क्या होती है ये ऐसा कि भाई ग्रुप है चार्ट अकाउंटेंट्स का चार्ट अकाउंटेंट्स का लॉयर्स का सीडब्ल्यू एस का आर्किटेक्ट का आर्किटेक्ट्स का एमबीएस का, इंजीनियर का काम रेफर करते तू मेरे को काम देगा तो मैं तेरे को कमीशन दूंगा ठीक है इफ यू गिव मी वर्क आई विल गिव यू रेफरल फी तूने मुझे क्लाइंट रेफर किया तो मैं तेरे को रेफर करूंगा मैं तेरे को क्लाइंट रेफर करूंगा तू मुझे दे एक मेक को क्लाइंट रेफर करते और एक में शेयरिंग करते बिल्कुल अलाउड है ठीक है क्लॉस टू में इट इज पेइंग शेयर क्लास थ्री में इट इज एक्सेप्टिंग शेयर क्लास टू और थ्री के हिसाब से पेइंग एंड एक्सेप्टिंग इज एब्सोल्युटली फाइन बिल्कुल सही है कोई चिंता की बात ही नहीं है बिल्कुल आप शेयरिंग कर सकते हो बिंदास आप शेयरिंग करिए ठीक है ट्वेल्व परसेंट फीस मेक को पे करते हैं बिल्कुल अलाउड है चिंता ही नहीं है एक्सेप्टिंग शेयर ऑफ द फीस फ्रॉम केमिकल इंजीनियर केमिकल इंजीनियर से एक्सेप्ट कर सकते हैं लिस्ट में आता है इंजीनियर इंजीनियर से पेइंग भी अलाउड है और एक्सेप्टिंग भी अलाउड है बिल्कुल अलाउड है एक्सेप्टिंग फ्रॉम travel एजेंट ब्रोकर डॉक्टर travel एजेंट हमने एक नया काम शुरू किया क्लाइंट बोलता है घूमने की इच्छा है ये ले को को बोला 10 मेरा. फिर बोलता है मेरे कुछ खरीदना बेचना है प्रॉपर्टी खरीदने, है, खरीदने। ये ले ब्रोकर का नंबर ब्रोकर दस परसेंट मेरा तबियत खराब है ये ले डॉक्टर दस परसेंट मेरा क्या हम ऐसे काम कर सकते क्या? ये बहुत बुरा वेरी बैड टेस्ट ठीक है ट्रैवल एजेंट कहीं पर भी लिस्ट में नहीं आता ठीक है कहीं पर भी लिस्ट में नहीं आता देखो लिस्ट हमारे सामने मेंबर्स की लिस्ट में नहीं आता पार्टनर की लिस्ट में नहीं आता तो ट्रैवल एजेंट नहीं आता ब्रोकर नहीं आता डॉक्टर नहीं आता नॉट अलाउड ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग ये देख चुके हैं कि हम किसको पे कर सकते हैं हमारे प्रॉफिट का शेयर हम ये देख चुके हैं कि किससे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं पैसा इसमें अगर आप एक पैटर्न देखोगे तो पैटर्न ऐसा है पैटर्न कि तीन तरह के मेंबर्स है बेसिकली तीन तरह के मेंबर है, है, है कि आप इनको पे करें शेयर ऑफ द फीस इंस्टीट्यूट चाहता है कि इनसे आप करे, मतलब चाहता है इनके साथ मिलकर काम करें ये बड़े ही नॉलेजेबल लोग हैं एथिकल लोग हैं प्रोफेशनल लोग हैं खुद को इन्होंने प्रूव किया हुआ है तो इनके साथ में आप काम करिए ठीक है हाँ क्लॉज नंबर टू में पार्टनर्स को लेकर भी बातें बोली हुई है ठीक है अब क्लॉज नंबर फोर अब ये पैटर्न समझिए अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दू प्रोफेशनल एथिक्स को आप डीटी आईडीटी लॉ की तरह से मत पढ़िए बाकी लॉ में क्या होता है एक एक लाइन हम लोग पढ़ते हैं उसके एक एक वर्ड का मतलब निकालते हैं एक एक वर्ड को हम लोग जीते हैं ये ऐसा नहीं है ये बहुत ही पुराना लॉ है नाइनटीन का लॉ है और ऊपर से इस लॉ में कोई फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं है दस दस पंद्रह पंद्रह साल लग जाते हैं एक एक चेंज आने में और आते तो छोटे मोटे छुटपुट छुटपुट चेंज आते हैं बहुत पुराना है, कोई खास नहीं रहते इंप्लीमेंट को, करना, करना काउंसिल ने अपने हिसाब से चीजें करके रखी हुई है इसलिए जो बेयर टेक्स्ट है जो बेयर टेक्स्ट है उसके ऊपर आप ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते इस बात का आप ध्यान रखना इसको पढ़ने का तरीका अलग रहने वाला है इसलिए जो मैं बता रहा हूं कई सालों से सब कुछ करके मैंने देख लिया है एंड नाउ आई एम गिविंग यू द मोस्ट रिफाइंड परफेक्ट सोल्यूशन ताकि चीजें समझ भी जाए चीजें याद भी रहे और हम एकदम निश्चिंत रहे तो नंबर पार्टनरशिप ये हमने चार्ट बनाया था लेकिन मुझे लगा कि मैं और बेहतर चार्ट बना सकता हूं और इसको बढ़िया तरीके से बना सकता हूं तो आपके लिए स्पेशल और एक चार्ट बना पार्टनरशिप भी वापस हम तीन तरह के मेंबर से कर सकते हैं पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप भी पार्टनरशिप कैन बी डन थ्री टाइप ऑफ विसन ब्रॉडली थ्री टाइप ऑफ मेंबर्स यहां पर भी हम लोग जहां पर आपको ऐसा लगे आप स्क्रीन आप वीडियो पॉज करके आप आपके नोट्स में ये लिख ले और पेज नंबर आपके मेन बुक में डाल दे या फिर अगर आप पोस्टिट यूज करते हैं तो ड्रॉ करके लेकिन पोस्टिट में बहुत कम जगह होती है बट देन एसोसिएशन शुड बी देयर करेक्ट कि भाई इसका चार्ट यहां पे हमने बना के रखा हुआ है तो

इन प्रैक्टिस अभी तक के सिर्फ मेंबर ऑफ आईसीएआई मेंबर ऑफ आईसीएआई बोल रहे थे अब मेंबर ऑफ इन प्रैक्टिस तो ये चेंज है कि पार्टनरशिप उस चार्ट अकाउंटेंट से कर सकते हैं जो बंदा प्रैक्टिस में हो प्रैक्टिस वाले ठीक है वापस पूरा बोलो सीए इन प्रैक्टिस पार्टनरशिप कर सकता है दूसरे सीए इन प्रैक्टिस के साथ सिर्फ सीए नहीं दूसरे सीए इन प्रैक्टिस के साथ भाई प्रोफेशन करना और जनरली ऐसे ही होता है दो सीएन प्रैक्टिस अब एक आपस में ये लोग पार्टनरशिप करते हैं आप पार्टनरशिप कर सकते हो मेंबर्स ऑफ अदर प्रोफेशनल बॉडीज आल्सो दूसरे जो प्रोफेशनल बॉडीज है उनके साथ भी आप पार्टनरशिप कर सकते हो और आपको पता है इंडियन प्रोफेशनल बॉडीज भी होती है और फॉरेन प्रोफेशनल बॉडीज भी होती है ये हम सेम पढ़ कर लेकिन खास बात क्या है ध्यान सुनिए ये जब

यहां पे इन्होंने क्या किया है वट डन पार्टनरशिप के लिए जो प्रोफेशनल बॉडीज की लिस्ट है उसके लिए एक स्पेशल रेगुलेशन बनाया देखिए आगे जाके इनके प्लान है पार्टनरशिप के लिए अलग रूल्स रेगुलेशंस लाना शेयरिंग फीस एक्सेप्टिंग फीस गिविंग एंड टेकिंग वर्क इसके लिए अलग रूल्स रेगुलेशंस लाना इसलिए इन्होंने अलग किया है थोड़ा सा तो ध्यान से सुनिए जो प्रोफेशनल बॉडीज की लिस्ट है इंडियन एंड प्रोफेशनल फॉर पार्टनरशिप उसके लिए नया रेगुलेशन बनाया गया रेगुलेशन फिफ्टी बी वापस वैसे फिफ्टी थ्री बी के वन में इंडियन प्रोफेशनल बॉडीज की है।, है और आपको जानकर खुशी होगी कि लगभग सेम है सेम जो सी एस इंस्टीट्यूट का मेंबर है बार काउंसिल का मेंबर है इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअली का मेंबर है इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट का, मेंबर है, Indian Institute of Architect का मेंबर है लिस्ट सेम है साहब इट द सेम लिस्ट इन्होंने एक और ऐड कर दिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग है अगर कोई बंदा यहां से मेंबर है यहां से मेंबर है ठीक है तो भाई साहब आप बिंदास बेधड़क होकर आप इनके साथ में पार्टनरशिप करिए ये सब बहुत ही हाईली वैल्यूड प्रोफेशनल बॉडीज है बिल्कुल इनके साथ में पार्टनरशिप करिए जब फॉरेन प्रोफेशनल की बात आई फॉरेन प्रोफेशनल बॉडीज तो बोले वो सारी की सारी फॉरिन प्रोफेशनल बॉडीज और इंस्टीट्यूट्स जिनके साथ में हमने एमओ यू और एम किया है वी हैव डन एमओयूर करेक्ट और आपको पता है एमओ यू एम हमने किसके साथ करके रखा हुआ है हम लोग पढ़ गया है इंग्लैंड इसका इंग्लैंड आयरलैंड साउथ अफ्रीका कैनेडा ऑस्ट्रेलिया मेरे दिल में है यार मेरे कि कोई ना ये रास्ता चुन ले कि भाई नेपाल से पहले सीए किया फिर इंडिया में आके सिर्फ दो पेपर दिए सीए बन गए

नहीं तो क्या होगा एक बार आपके ऊपर दाग लग गया ना मिसकंडक्ट का तो फिर बहुत मुश्किल होता है वो दाग को धोना तो फॉरेन प्रोफेशनल बॉडीज जो है है ठीक फॉरेन प्रोफेशनल्स इंडिया में आ सकते हैं एमओ यू के अंदर इंडिया में उनको कुछ पेपर देने पड़ते हैं खासकर लॉ और टैक्स के लॉ और टैक्स के दो पेपर उनको देने पड़ते हैं और वो लोग सी इंस्टीट्यूट के मेंबर बन जाते हैं एज पर एमओयू एंड एम सीए इंस्टीट्यूट के मेंबर बन जाते हैं लोग ठीक है नाउ अगर आप सीए इंस्टीट्यूट के मेंबर बन जाते हैं तो इनके साथ तो हंड्रेड परसेंट पार्टनरशिप कर सकते हैं ये बात नेचर की है अगर ये इंस्टीट्यूट के मेंबर नहीं भी बने हैं अभी ठीक है ये लोग वही के चार्ट अकाउंटेंट है वही के सीपीए तो भी हम उनके साथ में पार्टनरशिप कर सकते फिर भी हम उनके साथ में पार्टनरशिप कर सकते हैं साहब और अगर वो इंडिया के मेंबर बन गए तो हंड्रेड परसेंट डेफिनेटली कर सकते हैं तो एक तरीके से क्लैरिफिकेटरी नेचर की बात उन्होंने बोली हुई है और मेंबर्स हैविंग क्वालिफिकेशन ये लिस्ट तो सेम है ये लिस्ट कहां से आ रही है, 53 के थर्ड से आ रही है। सेम कॉपी पेस्ट नो चेंज एट ऑल किसी भी तरह का चेंज नहीं है तो जब मेंबर की बात करता हूं मेंबर ऑफ आईसीएआई की बात करता हूं बंदा प्रैक्टिस वाला होना चाहिए प्रोफेशनल बॉडीज की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पे एक चेंज है कि लिस्ट 53 ए में नहीं दी है 53 बी में दी है ठीक है और एक एडिशन यहां पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग और यहां पे बोला हुआ है कि कोई फॉरेन प्रोफेशनल अगर एमओयू यू एम के अंदर इंडिया का मेंबर बन जाता है तो उसके साथ भी आप उसके साथ भी आप पार्टनरशिप कर सकते हो और मेंबर्स हैविंग क्वालिफिकेशन की बात करूं तो बिल्कुल लिस्ट सेम टू सेम है मतलब अगर मोटा मोटी जितने लोग के साथ में हम वी कैन शेयर ऑफ द फीस एक्सेप्ट ऑफ द फीस मोटा मोटी उतने ही लोगों के साथ में आप बिंदास पार्टनरशिप कर सकते हैं जो में है, वो बड़ी बात है नौ लिसन अगर अब मैं ये चार्ट की बात करूं ठीक है इसको भी ही लेते ना यार अलाउड सी इन प्रैक्टिस हमने मेंबर ऑफ अदर प्रोफेशनल बॉडीज एज मे प्रिस्क्राइब

ठीक है बिल्कुल और ये नीचे क्लैरिफिकेटरी नेचर का है फॉरेन रेसिडेंट फॉरेन प्रोफेशनल्स वो सीए इंस्टीट्यूट के मेंबर बन जाते हैं अंडर सेक्शन फोर सबसे हैं कैसे अंडर सेक्शन ट्वेंटी नाइन आपका ट्वेंटी नाइन के अंदर एमओयू साइन किए गए फॉरन प्रोफेशनल्स के साथ कि आप आकर हमारे मेंबर बनो और हम आपके मेंबर बनेंगे तो उसके जरिए जो लोग मेंबर बनते हैं उनके साथ में भी हम पार्टनरशिप कर सकते हैं ये क्लैरिफिकेटरी नेचर की बात उन्होंने बोली हुई है फिफ्टी थ्री बी वन की लिस्ट बिल्कुल वैसी ही है मेंबर ऑफ सी एस इंस्टीट्यूट मेंबर ऑफ सी डब्लू इंस्टीट्यूट बार काउंसिल ऑफ इंडिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स और इंजीनियर्स भी एस सच इंजीनियर के साथ भी पार्टनरशिप करते वो तो आ ही जाता है ना में वो आ ही जाता है क्वालिफिकेशन में वी आर गोइंग टू सी देखिए जो ड्राफ्टिंग है लॉ इस की इसमें ना बारीकी भी नहीं कही कही पे सी इंस्टीट्यूट के क्योंकि ये लॉ का ठीक है अपना प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंस है जनरल पब्लिक के लिए इतना रेलेवेंस नहीं है इसीलिए तो लिस्ट बिल्कुल वही है सिर्फ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर का एडिशन हुआ है फॉरेनर्स की की बात करूं बिल्कुल वही फॉरेन बॉडी मेंबरशिप जो सेक्शन के अंदर है मतलब जिनके साथ में हमारा एमओयू है और जिनके साथ में हमारा एम है करेक्ट उनके साथ बिंदास पार्टनरशिप करिए जो चार्ट मैंने बाजू में बनवाया है उसी को हम रिपीट कर रहे हैं कुछ भी नया नहीं इसमें ठीक है फिर अगर मैं बात करूं रेगुलेशन फिफ्टी थ्री है पांच हमारे कॉमन लोग हैं दो नए लोग की एंट्री हुई है बी बी और एमबीए तो पार्टनरशिप भी तीन तरह के लोगों के साथ में हम लोग कर सकते हैं देखिए चार्ट्स को और बेहतर और बेहतर इंटरप्रिटेशन हम करते जाते हैं यार मुझे ये ना ये थोड़ी फिजिट मतलब इन द सेंस कि ऑलरेडी जो चीज़ें बनी हुई है ना उसको और बेहतर करते जाना उसमें और थोड़े बहुत चेंजेस लाते जाना आदत ही है उसमें तो कोई नहीं यार अगर बेहतर हो रही चीज तो क्या प्रॉब्लम है आप भी साथ साथ में और सुनते सुनते थोड़ा लिखना भी तो चाहिए थोड़ा लिखते हैं ठीक है तो थोड़ा एक्टिव बने रहते हैं एम ओ यू वही बात लिखी हुई है कि जो प्रोफेशनल्स एम ओ यू के अंदर इंडिया में आके अगर आप सी ए इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप ले रहे हो तो यू आर वेलकम इनके साथ तो हम पार्टनरशिप कर ही सकते हैं नो प्रॉब्लम एट ऑल पार्टनरशिप विद फॉरेन प्रोफेशनल इन और आउटसाइड इंडिया फॉरेन प्रोफेशनल आर ओनली इफ दे आर कवर्ड इन आर ए जो लोग ओनली लिख लेना आप लोग ओनली इफ दे आर कवर्ड इन एमओ यू एम वो कट कर दे नीचे की लाइन और क्लैरिटी और बेहतर एम ओ यू एम के अंदर आप कवर्ड है क्या आप वेलकम हो आपके साथ हम पार्टनरशिप भी कर लेंगे आप इंस्टीट्यूट आप के मेंबर बन जाएंगे तब तो डेफिनेटली कर ही सकते हैं ठीक है अब और खास बात है देखो ये बहुत एक्चुअली दिस इज गोइंग टू बी गेम चेंजिंग डायनामिक्स गेम चेंजिंग डायनामिक्स है ये ठीक है लेकिन सर प्रैक्टिकल लाइफ में तो देखने को नहीं मिलता ऐसे फॉरेन प्रोफेशनल्स के साथ में हम पार्टनरशिप कर रहे हैं हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एंड सो ऑन देखिए लॉ आने के बाद में उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको रेगुलेशंस लगते हैं आपको गाइडलाइंस लगती है इंस्टीट्यूट धीरे धीरे गाइडलाइंस ला रहा है और मैं बता रहा हूं कि प्रैक्टिस के अंदर इट इज गोइंग टू बी गेम चेंजिंग डायनामिक्स रहेंगे जबरदस्त चार्ट अकाउंटेंट्स जो बहुत आप अगर डायनामिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं बड़े लेवल पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपने इन सब बातों को ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि ये बहुत चीजें को बदलेगा जैसे अभी अगला पॉइंट उसी के ऊपर है एमडीपी मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप अगर आप लॉ को देखूंगा तो मैं सी के साथ सी के साथ बार काउंसिल के साथ एक्चुअली के साथ आर्किटेक्ट के साथ एमबीए के साथ एमबीए के साथ इंजीनियरिंग इंजीनियर्स के साथ सबके साथ सबके साथ मिलकर मैं पार्टनरशिप कर सकता हूं ठीक है सबके साथ मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हैं भाई साहब तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप फॉर्म बन जाएगी ये ऐसी वैसी पार्टनरशिप फॉर्म हम नहीं होगी मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप फॉर्म रहेगी ठीक है थीके? अब लॉ ने तो अलाउ कर दिया है वो कट कर देना उस पर तो चेंज है लॉ ने अलाउ कर दिया है और सीए इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली गाइडलाइंस भी इशू की है रिसेंटली गाइडलाइंस भी इशू किए कि मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप फर्म कैसे बनाना बट पॉइंट है अभी भी देखो मल्टी डिसिप्लिन पार्टनरशिप फर्म में अगर सपोज सी एस के साथ बार काउंसिल के साथ करना है तो वो इंस्टीट्यूट ने भी तो परमिशन देनी चाहिए जैसे हम लोग बात कर रहे थे ड्यूएल सीओपी में सामने वाले इंस्टीट्यूट ने भी तो परमिशन देनी चाहिए अभी तक सीएस इंस्टीट्यूट सीडब्ल्यू इंस्टीट्यूट बार काउंसिल इन्होंने या तो परमिशन नहीं दी है या तो गाइडलाइंस नहीं दी है कि मल्टी डिसम में उनके मेंबर्स ने कैसे आना चाहिए हाउ दे शुड कम तो एज ऑन टूडे प्रैक्टिकली एमडीपी बनाना पॉसिबल नहीं है वापस सीए इंस्टीट्यूट ने तो अपने गाइडलाइंस इशू कर दिए जैसे ड्यूएल सीओपी के लिए सीए इंस्टीट्यूट ने अपने तरफ से कर दी थी। सामने वालों ने वेलकम नहीं किया अब एमडीपी के लिए भी सीए इंस्टीट्यूट तैयार है सीए इंस्टीट्यूट की सोच बहुत ही ओपन माइंडेड है बहुत फ्यूचरिस्टिक सोचते हैं बहुत आगे का सोचते हैं ड्यूएल सीओपी भी अलाउ करके बैठे हैं और एमडीपी भी अलाउ करके बैठे हैं लेकिन सामने वाले नहीं कर रहे अभी हम क्या करेंगे उसके अंदर इसलिए अपने कोर्स में भी नहीं आया देखो यहां पर एक नोट लिखा है सीए इंस्टीट्यूट गाइडलाइंस इशू कर चुका है जुलाई 2021 में कर चुका है पहले ही कर चुका है काफी काफी पहले कर चुका है बट अदर बॉडीज आर येट टू अलाउ इट लेकिन जो बाकी बॉडीज है उन्होंने अभी तक गाइडलाइंस नहीं इशू की है अलाउ नहीं किया है कि आप मल्टी डिसिप्लिन पार्टनरशिप फॉर्म में एंटर करिए इनफैक्ट उन्होंने तो एडवाइजरी इशू की है कि जब तक हम कुछ बोलते नहीं है स्टे अवे फ्रॉम एमडीपी स्टे अवे फॉर्म एमडीपी शक की निगाहों से देखते हैं सी ए फॉर्म्स को चार्ड अकाउंटेंट्स को दूर रहो बोले सो प्रैक्टिकल इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर्म एमडीपी आज के डेट में आप एम डी पी नहीं बना सकते आईसीआई गाइडलाइंस ठीक है नॉट इन कोर्स राइट नाउ हमारे कोर्स में नहीं है आईसीआई गाइडलाइंस अभी तक हमारे कोर्स में नहीं है और क्या बोर्ड ऑफ स्टडीज भी वेट कर रहे हैं पहले प्रैक्टिकल में तो आने दो पहले प्रैक्टिकल में आने दो फिर हम कोर्स में लेके आएंगे तो अभी कोर्स में भी नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है इट्स नॉट इन द कोर्स ऑल्सो ठीक है नाउ अगर मैं बात करता हूं इफ आई टॉक अबाउट नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने पार्टनर्स हो सकते हैं हमारे साथ कितने लोगों को पार्टनर्स बना के हम आगे बढ़ सकते हैं मैं तो आपको सच बोल रहा हूं ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टनर बनाओ अपने साथ चलो अरे बड़ा काम करो ना यार सब मिलकर सोच को खत्म करो कुछ लोग ना अपने को सब कुछ करना है अपने को ही सब कर लेना है इस चक्कर में ग्रो ही नहीं हो पाते मेरे को सब चाहिए मेरे को सब चाहिए कर बेटा तू सब कुछ कर फिर तो नंबर ऑफ पार्टनर ऑफ पार्टनर्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं ये पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा हुआ ये कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट बोलता है लिमिट के ऊपर पार्टनर्स बढ़ते हैं तो पार्टनर्स नहीं आप कंपनी बनाई है ठीक है और वो बोलता है कि गवर्नमेंट के ऊपर बताया कितने

तो बोले फिर उनमें उनको ये लिमिट नहीं लगती मतलब दे कैन हैव एनी है कितनी इंटरेस्टिंग बात है अब एक प्यारा सा केस देखिए प्यारा सा केस क्या है ये केस अभी हम आगे जाकर पढ़ने वाले की एक क्लॉज इलेवन होता है एक क्लॉज इलेवन होता है और क्लॉज इलेवन बोलता है कि सीए तो सिर्फ सीए रिलेटेड वर्क कर जो सीए रिलेटेड वर्क हम डिस्कस करके आए हैं सेक्शन टू पे हम लोग पढ़ेंगे फिर लेकिन सीए इंस्टीट्यूट की परमिशन लेके कभी कभी आप दूसरा काम भी कर सकते हो सीओपी के साथ ये जितनी भी बातें हम लोग पढ़ रहे चार्ट अकाउंटेंट प्रैक्टिस के लिए पढ़ रहे वी आर टॉकिंग अबाउट चार्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस तो अब वहां पर एक सीए ने परमिशन ली कि मुझे ना टेक्सटाइल का बिजनेस करना है मेरे परिवार का टेक्सटाइल का बिजनेस करना है वो मेरे अंकल के साथ मिलकर तो वहां पर उन्होंने परमिशन दे दी तो फिर ऐसा माना गया कि भाई तेरे को अगर दूसरा दूसरा बिजनेस करने की परमिशन मिली है तो वो दूसरे बिजनेस के लिए तेरे को पार्टनरशिप में उतरना पड़ेगा किसी के साथ मिलकर आगे जाना पड़ेगा मतलब वो भी ऑटोमेटिकली अलाउ हो गया बहुत ही रेयर केस है इसका मतलब क्या निकलता है कि अगर आपको दूसरा बिजनेस या ऑक्यूपेशन करने की परमिशन मिली तो वो दूसरे बिजनेस ऑक्यूपेशन के लिए आपको अगर पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी तो उसकी परमिशन भी ऑटोमेटिकली मिल गई है ऐसा मान लो इंस्टीट्यूट ने अगर अलाउ किया है तो ऑटोमेटिकली उसकी परमिशन भी मिल गई है ठीक है तो रेयर केस में अगर इलेवन में आपको परमिशन मिलेगी तो ऑटोमेटिकली आप पार्टनरशिप भी उसके लिए कर सकते हो क्लास फोर की चिंता ना करे तो बड़ा प्यारा सा था और मुद्दे की बात वही थी वही तीन तरह के मेंबर है विद सम चेंजेस देखिए आपके नोट्स में ब्लैंक पेज है वहां पे आप ये लिख सकते हैं रेगुलेशन 53 ए और 53 बी के बारे में मैंने और थोड़ी सी क्लैरिटी में आपको दे रहा हूं देखिए क्लॉज नंबर हमारा था कि हमारे ऑफिस में आकर बैठकर कौन प्रैक्टिस कर सकता है इंडिपेंडेंटली क्लाइंट्स कौन हैंडल कर सकता है वो तो हमने स्ट्रिक्टली बोला है सी एन प्रैक्टिस होना चाहिए या तो पार्टनर या तो एम्प्लॉय क्लॉज टू में बोला हम लोग हमारा काम और पैसा शेयर कर सकते हैं छह लोगों के साथ तीन तरह के मेंबर्स तीन तरह के पार्टनर्स वाले लोग ठीक है पार्टनर्स वाले लोग तो एक तरह का क्लरिफिकेशन चीज है तो पार्टनरशिप में पढ़ा हम लोगों ने तीन तरह के लोगों के साथ हम पार्टनरशिप भी कर सकते हैं ठीक है आगे अभी हम क्लॉज नंबर फाइव आएगा कि आपको काम कहां कहां से आ सकता है तो कहां, -कहां से आ सकता है ये जो तीन तरह के लोग बोले हैं ये आपको काम दे सकते हैं बिल्कुल दे कैन गिव यू वर्क और आप बदले में इनको जो रेबुलेशन देना चाहो दे सकते हो परसेंटेज बेसिस फिक्स बेसिस जैसा भी है वैसा भी आप दे सकते हो तो क्लास फाइव इज फॉर सिक्योरिंग वर्क अभी हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद सिक्योरिंग वर्क सिर्फ मैं आपको ड्राफ्टिंग बता रहा हूं तो इंस्टीट्यूट चाहता है लोग के साथ मिलकर काम करो क्लास टू में क्लास थ्री में क्लास फोर में क्लास फाइव में दे वॉन्ट दैट वी शुड कोलेबरेट विद अदर्स एंड वी शुड वर्क एट अ बिगर लेवल एंड वी शुड ग्रो और अब ये कौन होंगे ये लोग इसके लिए इन्होंने रेगुलेशन फिफ्टी थ्री ए बनाया और फिफ्टी थ्री बी बनाया ठीक है फिफ्टी थ्री ए बनाया और फिफ्टी थ्री बी बनाया अगर चाहते तो फिफ्टी थ्री ए में लिख देते कि भाई फिफ्टी थ्री ए की जो लिस्ट है फिफ्टी थ्री ए की जो लिस्ट है इंडियन प्रोफेशनल बॉडीज की फॉरेन प्रोफेशनल बॉडीज की क्वालिफिकेशन वालों की यह क्लास टू क्लास थ्री क्लास फोर क्लास फाइव के लिए लाइफ एकदम सिंपल होती लेकिन सिर्फ क्लास फोर जो पार्टनरशिप है सिर्फ क्लास फोर जो पार्टनरशिप है उसके लिए इन्होंने अलग से रेगुलेशन फिफ्टी थ्री बी बना दिया बस ये मुझे आपको बताना था कि फिफ्टी थ्री ए की लिस्ट बहुत जोरदार है लिस्ट ऑफ इंडियन प्रोफेशनल बॉडीज फॉरन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बहुत बढ़िया लिस्ट है सभी क्लॉजेस में लगती है सिर्फ क्लॉज फोर के जो प्रोफेशनल बॉडीज है उसके लिए फिफ्टी थ्री बी बनाया गया बस मुझे इतना बताना था तो मोटा मोटी हम क्या समझे क्लॉज फोर के जो प्रोफेशनल बॉडीज की लिस्ट है उसके लिए स्पेशल फिफ्टी थ्री बी बना हुआ है और ऐसा उन्होंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि आगे जाकर वो अलग अलग सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस बनाना चाहते हैं इसके लिए उन्होंने ऐसा करके रखा हुआ है बहुत आगे की तैयारी है मैंने पूरे बैकग्राउंड मटेरियल रीड किए हुए कि जब ये लॉ आया था उसके और ये आगे की तैयारी के लिए ऐसा करके रखा है नाउ क्लास फाइव सी ए इन प्रैक्टिस काम कैसे सिक्योर कर सकता है उसके पास में काम कैसे आ सकता है सिक्योर करना मतलब ठीक है यहां पर सीए इन सीए इन प्रैक्टिस के लिए उसके बिहाफ में लोगों से लोगों से मिलना बातचीत करना ठीक है उनकी क्वेरी सॉल्व करना उनको कन्विंस करना कि हमसे आप सर्विस लीजिए यह सिक्योर करने वाला काम कौन कर सकता है देखो मार्केट में कंपनी स्टैंडर्ड निकालती आइए हमको प्रेजेंटेशन दीजिए कंपनी बोलते अप्लाई करिए हमको प्रेजेंटेशन दीजिए आकर बात करिए हमसे हमको बताइए ठीक है कि आप क्या आपकी कितनी बड़ी फर्म है कैसे आप काम करते हैं हम, हम आप, आपको काम देंगे तो एक सीए सी ए फर्म के लिए कौन जाकर प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट से बात करके काम ला सकता है ठीक है तो सीए सी ए लिए या तो सीए खुद जाए वो तो अंडरस्टूड है तो उनका कहना है पार्टनर्स पार्टनर्स जा सकते हैं या फिर एम्प्लॉय जा सकते हैं इसका मतलब सी ए सी ए फॉर्म को अगर क्लाइंट्स प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स से आके बातचीत करनी है उनकी क्वेरी सॉल्व करनी है उनको कन्विंस करना है कि हमसे सर्विसेस लीजिए यह बातचीत कर, करने के लिए कौन जा सकते हैं आइदर फर्म के पार्टनर्स या तो फर्म के एम्प्लॉज इन शॉर्ट वो बोलना चाहते हैं कि आप एजेंट्स अपॉइंट नहीं कर सकते यू कैन नॉट अपॉइंट एजेंट्स ठीक है आप हर सिटी में हर मोहल्ले में हर इंडस्ट्री में आपने एजेंट अपॉइंट कर दिए जब मार्केट में घूम घूम के मेरे लिए काम लेकर आ फ्रीलांसिंग जो एजेंट्स होते हैं वो आप अपॉइंट नहीं कर सकते अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके लिए काम लाए तो उनको पार्टनर बनाइए लोग आपको उनको पार्टनर बनाइए लोग आप एम्प्लॉय बनाइए ठीक है नो फ्री लांसिंग एजेंट्स तो मार्केट में आप ऐसे एजेंट्स नहीं छोड़ सकते नहीं सीए सर्विसेज बहुत ही सेंसिटिव बहुत इंपॉर्टेंट सर्विसेज है ऐसे किसी भी एजेंट को बोल दिया तू मेरे लिए ले काम लेके आ कुछ भी बकवास करके किया कुछ भी प्रोमिस करके कर ऐसा नहीं चलेगा जिम्मेदार लोग जाने चाहिए जो आपको रिप्रेजेंट करते हो या तो पार्टनर या तो एम्प्लॉय और कैसे एथिकल तरीके से आप काम लेके आओगे अनएथिकल तरीके आप यूज नहीं करोगे ठीक है आप ब्राइबरी यूज नहीं करेंगे अब यहां लिखा हुआ है एथिकल तरीके ब्राइबरी यूज करना ब्लैकमेलिंग करना ऐसी चीजें आप नहीं करेंगे इस पर और केसेस देखेंगे हम लोग फिर इसके अलावा हम जो पढ़कर आए क्लॉस टू थ्री फोर में ऊपर कि लोग एक एकमेक को काम रेफर कर सकते हैं वो बोले वो चलने दीजिए कंटिन्यू विद जो हम लोग ऊपर पढ़ के आए की सी एस सी डब्ल्यू एडवोकेट एक्चुअज को काम रेफर कर सकते हैं और पैसा शेयर कर सकते वो 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 करो बोले। वो करो वो करो बोले उसमें कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है नो प्रॉब्लम एट ऑल तो क्लास फाइव हमको बताता है कि सीए इन प्रैक्टिस को कौन रिप्रेजेंट फॉर्म को प्रैक्टिस को कौन रिप्रेजेंट करके प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट से बात कौन कर सकता है किस तरह के वो किस तरह का जरिया यूज कर सकता है काम लाने के लिए और फिर हम लोगों ने देखा कि भाई साहब आप जो भी करें आप जो भी करे ठीक है जो पहले के तरीके वो तो अलाउड ही है तीन सिंपल सिंपल बातें बोली हुई है क्या हम एजेंट रख सकते हैं कमीशन बेसिस नो कोअर्शन डरा धमका के गन पॉइंट पे काम ले सकते हैं अनथिकल मीन नो ब्राइबरी नो लोगों की गलतियां निकालना और बोलना कि मैं रिपोर्ट कर दूंगा भाई अपना एक दोस्त है कॉमेडी पीस है वो लेने अनफॉर्चुनेट है कॉमेडी पीस है हद काम कर डालता है कभी कभी कुछ मानता नहीं है मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी की पहले गलतियां निकालता है और बोलता है रिपोर्ट कर दूंगा अगले साल का अपॉइंटमेंट लेटर छापो हद होती है लोगों के ऊपर दबाव डालता है ब्लैकमेल करता है अगले साल का अपॉइंटमेंट मेरे नाम से निकालो नहीं तो रिपोर्ट मार दूंगा ऐसा भी होता है हैक है करना गवर्नमेंट साइड टेंडर अपने नाम पे करना नॉट अलाउड और ये तो इंस्टीट्यूट ने बहुत पहले केस फैलाई तो खास ही है बहुत सारे हर बैंक से पांच बैंक से पांच पांच लाख रुपए का लोन ले लिया पच्चीस लाख पांच 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 सीए को तो मिल जाता भाई को मिल जाता है भाई सीए को कहीं नहीं गए और अगर आपके इनकम के रिकॉर्ड स्ट्रांग है तो करोड़ों कहीं नहीं गए तो बहुत सी बात बोलना बस रे भैया ठीक है लोग फोन मारते सर क्रेडिट कार्ड ये वो कितना इंटरेस्ट है ओनली टू परसेंट ओनली वन हाफ परसेंट पर मंथ ठीक है तो मैं बोलता हूं मेरे को पैसे लगाने हैं मेरे को लगाने हैं पैसे आई वॉन्ट टू ले लो प्लीज मेरे से पैसे ले लो और मेरे को बोला दो परसेंट भी मत देना आधा डेढ़ परसेंट दे दो यार अठा टक्का मेरे लिए बहुत हो गया ठीक है फोन रख देते एनी तो बंदे ने क्या किया खास है तो यार अति में इसने सब लोगों से इसने सब लोगों से लोन ले लिया ठीक है पांच 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 बैंकों से लोन ले लिया और लोन लेने के बाद में जब पैसे रिपेमेंट की बारी है तो बोले पैसे तो नहीं है काम करवा लो जैसे होटल में खाना खाते पैसे तो नहीं है बर्तन धुलवा लो इसलिए बोला पैसे तो नहीं है काम करवा लो जो बोलोगे वो करवा दूंगा अकाउंटिंग का काम कर दूंगा सिस्टम का काम कर दूंगा ऑडिट का काम कर दूंगा टीडीएस का काम कर दूंगा जो बोलोगे वो, का बोलो वो काम कर लूंगा काम करवा दो सही है पच्चीस लाख रुपए पहले ले लिए और फिर लोगों को बोला काम करवा लो लोग पीछे भाग रहे हैं काम कर दे बोले यह तरीका भी सही नहीं है नाउ बड़े ही इंटरेस्टिंग क्लॉज क्लॉज सिक्स और उसके बाद में क्लॉज सेवन बड़े इंटरेस्टिंग से लेकिन हमने इतना देखो क्वेश्चन की लिस्ट तो देखो आप एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस बीस बीस पच्चीस पच्चीस क्वेश्चन है इस क्लास पे बीस पच्चीस क्वेश्चन है इस क्लास पे सोचो ठीक है सोचो सोचो कितना इंटरेस्टिंग कितना इंपॉर्टेंट क्लॉज है क्लाज नंबर 6 बहुत ही प्यारा हमने इतनी प्यारी रिसर्च करके इतना प्यारा फ्लो बनाया है आप मेरे फ्लो के साथ-साथ में चलो यार मेरे फ्लो के साथ-साथ में चलोगे ना जीवन एकदम सुखी हो जाएगा जिस दुरुस्त तंदुरुस्त रहोगे एकदम ठीक है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मना किया हुआ है प्रोहिबिट किया हुआ है यू कैन नॉट सोलिसिट यू कैन नॉट सोलिसिट यू कैन नॉट कन्विंस क्लांस फॉरवर्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू थ्रू ठीक है आप क्लाइंट्स को आप क्लाइंट्स को अप्रोच नहीं कर सकते काम के लिए आप क्लाइंट्स के पास जाकर आप क्लाइंट्स को अप्रोच नहीं कर सकते उनसे काम की भीख नहीं मांग सकते यू कैन नॉट सॉलिसिट क्लाइंट्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू इंटरव्यूज मतलब न्यूज newspaper, पेपर्स में रेडियो में न्यूज पेपर्स में रेडियोज में जगह जगह पे इंटरव्यूज में जाना इंटरव्यू देना किसी भी लाइन पे बजट पे इंटरव्यू देना अकाउंटिंग पे इंटरव्यू देना क्या चल रहा है जनरल नॉलेज पे इंटरव्यू जगह जगह पे जाकर इंटरव्यूज देना और इंटरव्यू में डायरेक्टली डायरेक्टली बोलना ठीक है आप मेरे पास आइए मुझसे काम करवाइए मेरे पास आइए मुझसे काम करवाइए मेरे पास आइए मुझसे काम करवाइए हम डायरेक्टली वी कैन नॉट आस्क फॉर वर्क वी कैन नॉट सॉलिसिट वर्क ठीक है वी कैन नॉट बेक फॉर वर्क डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू इंटरव्यूज इंटरव्यू में जा जाकर काम मांगना नहीं कर सकते इंटरव्यू तो भी थोड़ा इज्जत वाला काम है उससे थोड़ा और गिर गए एडवर्टीजमेंट ठीक है होर्डिंग्स लगा दिए होर्डिंग्स लगा दिए रेडियो पे एड चल रहे हैं आइए नंबर वन सी ए के पास आइए आपके सारे दुख दर्द हम दूर कर देंगे टैक्स की क्वेरी हम दूर कर देंगे आपको पैसों से माला माल कर देंगे ठीक है फाइनेंस ही फाइनेंस आपको मिलेगा अब हर आदमी धंधा करेगा क्योंकि हम आपको फाइनेंस देंगे ठीक है हम एडवर्टीजमेंट नहीं इसलिए आप देखिए सीए प्रोफेशन में आप सॉलिसिट नहीं कर सकते काम डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरव्यूज के थ्रू या फिर उससे ठीक है और थोड़ा गिरा हुआ एडवर्टीजमेंट होर्डिंग्स न्यूज पेपर एड्स रेडियो एड्स नहीं चला सकते उससे और सीए अभी अभी बनाऊ मुझे, अभी अभी मुझे काम चाहिए ऐसा भी नहीं कर सकते हैं सर्कुलर फर्रेबा पैम्पलेट्स ठीक है और एनी अदर मीन्स ऐसे और कोई मीन्स यूज नहीं देखो मैंने एक बहुत प्यारे सीक्वेंस में इसको अरेंज किया तो यू कैन नॉट गो एंड आस्क फॉर वर्क सोलिसिट वर्क फ्रॉम अदर्स जबरदस्ती लोगों के पास जा जाके आप काम नहीं मांग सकते ठीक है ना इंटरव्यू के थ्रू उससे गिरा हुआ एडवर्टीजमेंट के थ्रू उससे गिरा हुआ पर्सनल कम्युनिकेशन उससे गिरा हुआ फर्रे बटवाना पैम्पलेट्स बटवाना एनी अदर मीन्स ऐसी चीजें आप नहीं कर सकते प्रैक्टिकल लाइफ में लोगों को ऐसा करते हुए पाया गया है ठीक है और इनिशियली आपको अच्छा लग सकता है ये लेकिन आपका नाम ये बहुत ज्यादा खराब करेगा और अगर आपके अगेंस्ट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का केस लग गया तो आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी बहुत जगह पे इसलिए बी केयरफुल ऐसी चीजें ना करें इसके पीछे की सोच एकदम सिंपल है आप आप इतने नौल, आपका नॉलेज आपका कैरेक्टर ठीक है इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि लोग आपसे मिलकर प्रभावित हो आपका अच्छा नेटवर्क बने और वो नेटवर्क से आपके पास में काम आता रहे ठीक है मार्केटिंग गिमिक से आपके पास में काम ना आए आपके नॉलेज स्किल्स कैरेक्टर बिहेवियर की वजह से आपके पास में काम आए ऐसा इंस्टीट्यूट चाहता है एंड नॉट दी मार्केटिंग और इसमें कहीं ना कहीं फायदा है कहीं ना कहीं फायदा है अगर मार्केटिंग अलाउड होती तो चार्ट अकाउंटेंट्स की बहुत बड़ी मात्रा में जो फीस है वो सब लोग एडवर्टीजमेंट में डाल देते और एक में ऊपर कीचड़ भी उछालते तो एक तरीके से चार्ट अकाउंटेंट्स में एडवर्टीजमेंट बैन करके रखा हुआ है ये अच्छी बात है इट इज रियली really अ गुड थिंग ठीक है क्योंकि एडवर्टीजमेंट का खर्चा भी कम हो गया और एक में के ऊपर कीचड़ नहीं उछाल रहे इंस्टीट्यूट का नाम खराब नहीं होता है तो ये हमारा प्रैक्टिस करने का आप महसूस करिए इस बात को एक बहुत बड़ी चीज गायब कर दी हमारे प्रोफेशन में वी नॉट सोलिसिट क्लाइंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू मोटा मोटी एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू हम नहीं कर सकते काम और देखो ये सीक्वेंस भी बड़ी प्यारी है ठीक है पांच चीजें हम नहीं कर सकते तो ये अलाउड नहीं है क्या अलाउड है आप दूसरे से इन प्रैक्टिस के पास जा सकते हो अगर आपको काम की जरूरत है आप नए नए चार्ड अकाउंटेंट बने हो ये बात को ध्यान रखिए आपको बहुत काम आएगा बहुत सारे सीनियर चार्ट अकाउंटेंट्स होते हैं जिन्होंने बहुत दुनिया देखी है बहुत काम किया है उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर बैठे ऐसे जो गॉड फादर चार्ड अकाउंटेंट होते हैं उनकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए हर हर चाहिएजन पे जाकर उनसे मिलिए उनसे बातचीत करिए उनके गुड बुक्स में रहिए उनसे आप काम मांग सकते हैं एज पर क्लास सिक्स यू नॉट सॉलीस डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू एंड रिलेटेड एक्टिविटीज में आप नहीं कर सकते हो लेकिन आप दूसरे सी एन प्रैक्टिस के पास जाकर पर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू उनके पास जाइए उनके दूसरे सीएन प्रैक्टिस के पास जाइए पर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई साहब आप तो बहुत बड़े सी हो आप तो लाखों काम करते हो लेकिन बीस पच्चीस हजार पचास हजार का काम मिले आपको करने की इच्छा ना हो तो प्लीज मुझे याद रखे मुझे दे दे तो अगर आप ध्यान रखना अगर आपको प्रैक्टिस ग्रो करनी है तो आपको गॉड फादर चाहिए रहेगा ठीक है और मार्केट में बहुत सारे टेंडर्स जैसे पीडीआईसीआई करके वेबसाइट है पीडीआईसीआई करके वेबसाइट है पीडी मतलब प्रोफेशनल डेवलपमेंट वहां पे आप जाओगे तो बहुत सारे आपको सी इंस्टीट्यूट चलाता है साइट को बहुत सारे टेंडर्स मिल जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे टेंडर्स निकालता है स्टेट गवर्नमेंट निकालता है इनके डिपार्टमेंट्स निकालते हैं यूज निकालते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले लोग निकालते हैं बैंक निकालते आए दिन टेंडर निकालते रहते हैं सिस्टम डेवलपमेंट का टेंडर है अकाउंटिंग का टेंडर है ए एस इंडिया पे शिफ्ट होने का टेंडर है बहुत सारे टेंडर आते रहते हैं ऑडिट का टेंडर tender है टेंडर्स आते रहते हैं अगर टेंडर्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली हम लोग अप्लाई कर सकते हैं टेंडर आ रहे यार लोग खुद होके बुला रहे आओ 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 तो बिल्कुल जाके अप्लाई कर सकते, तो सकते, सकते हैं है। जब टेंडर में अप्लाई करने की बात आती है तो टेंडर मोटा मोटी दो एरिया के हो सकते हैं एक्सक्लूसिव सीए रिलेटेड एरिया जैसे कंपनी ऑडिट एक्सक्लूसिवली सिर्फ चार्ट अकाउंटेंट कर सकते हैं ऑक्सफोर्ड से डबल एमबीए भी करके आया ना बंदा डबल एमबीए भी करके आया तो वो तो वो बंदा ऑडिट नहीं कर सकता सिर्फ हम कर सकते मोनोपली हमारी टैक्स ऑडिट सिर्फ हम कर सकते मोनोपली है, 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 सिर्फ सिर्फ हम हम तो है सिर्फ चार्ड अकाउंटेंट्स के लिए और किसी के लिए नहीं है तो इंस्टीट्यूट बोलता है सिर्फ हमारे लिए टेंडर है ना ठीक है तो इसमें टेंडर इश्यू करने वाले ने सिर्फ हमारे लिए सिर्फ चार्ड अकाउंटेंट्स के लिए टेंडर है तो टेंडर के अंदर मिनिमम फीस दी होनी चाहिए टेंडर में जो काम दिया हुआ है जितना काम है उसके हिसाब से एक अच्छी मिनिमम फीस दी होनी चाहिए ताकि चार्ट आपस के कॉम्पिटिशन में बिलो कॉस्ट ना चले जाए इंस्टीट्यूट का कहना है जब आप टेंडर में अप्लाई करते हो अगर वो टेंडर एक्सक्लूसिव सीए वाले एरिया के लिए एक्सक्लूसिव अगर वो सीए वाले एरिया के लिए है तो उस टेंडर में मिनिमम फीस स्पेसिफाइड होनी चाहिए अगर स्पेसिफाइड है तो अप्लाई करें इससे क्या होगा कि जितने भी लोग टेंडर निकाल रहे हो वो, वो इस बात को समझ जाएंगे वो इस बात को समझ जाएंगे कि भाई मिनिमम इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी सबको बोल के रखा है प्लीज मिनिमम फीस रखिए ताकि हमारे मेंबर बिलो कॉस्ट काम ना करें तो इंस्टीट्यूट ने बोला देखो हमने तो हमारी तरफ से इन्फॉर्म कर दिया है सबको हमने हमारी तरफ से इन्फॉर्म किया तुम भी यूनिटी दिखाओ तुम भी यूनिटी दिखाओ सी वाले एक्सक्लूसिव एरियाज में जब तक मिनिमम फीस नहीं दी जाएगी तब तक हम अप्लाई नहीं कर सकते और नॉन एक्सक्लूसिव एरियाज है जैसे अकाउंटिंग कोई भी कर सकता है अकाउंटेंट कोई भी कर सकता है नॉन एक्सक्लूसिव एरियाज है जहां पे बाकी लोग अकाउंटिंग कोई भी कर सकता है कंप्यूटराइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स कोई भी कर सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आता है 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 कि भाई कंप्यूटराइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स का काम ठीक फिर इंटरनल ऑडिट सीए भी भी कर सकता है, भी कर सकता सकता सीडब्ल्यू है जीएसटी ऑडिट पहले जीएसटी ऑडिट अब तो जा चुका है अब तो जा चुका है लेकिन वो भी सीए भी कर सकते थे और सीडब्ल्यू भी कर सकते थे दोनों कर सकते थे जीएसटी ऑडिट तो अगर एक्सक्लूसिव एरियाज नहीं है अगर एक्सक्लूसिव एरियाज नहीं है तो अपने अकड़ में मत रहो मिनिमम फीस दी हो ना दी हो अप्लाई कर दो नहीं तो कोई और काम लेकर चला जाएगा तो इंस्टीट्यूट ने बोला दो एक्सेप्शन के पास जा जा जाके टेंडर अप्लाई कर टेंडर में दो बातों ख्याल रखना, ख्याल रखना रखना एक्सक्लूसिव एरियाज में मिनिमम फीस होनी चाहिए नॉन एक्सक्लूसिव एरियाज में कोई मिनिमम फीस की जरूरत नहीं है अब मैंने आपको बार बार समझाया प्रोफेशनल एथिक्स इज नॉट अबाउट इंटरप्रिटेशन ऑफ दर्ड्स इट इज अबाउट दी उट द्लैरिफिकेशन विच आर इशूड बाई इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ने क्या क्लैरिफिकेशन इशू किए इसके ऊपर पूरी कहानी है ये क्लैरिफिकेशन क्लॉस के वर्डिंग से नाइन परसेंट टाइम मैच होते हैं कभी कभी के से नहीं भी होते हैं अगर आपको सुखी जीवन रखना है सही नॉर्मल जीवन रखना है तो आप इस क्लैरिफिकेशन को समझे पैटर्न को समझे और इसको याद रखने के तरीके को समझे याद तो रखना पड़ेगा जी ये याद रखने वाली देखो बैकग्राउंड लॉजिक तो हम समझते हैं क्यों है ये क्या है ये कैसे अप्लाई करें प्रैक्टिकल लाइफ में ये समझते हम लोग लेकिन वो लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा और याद रखने के लिए मैं हूं ना यार आप अभी तक के देखो हर चीज को कैसे याद रखना मैं आपको बताते जा रहा हूं तो अगर मैं बात करूं क्लॉज नंबर सिक्स की शॉर्टकट है रजिस्ट्रार बैंस वायलेंट मूवीज एंड प्रमोट प्रमोट्स पब्लिक काउंसिलिंग एंड प्रमोट पब्लिक काउंसिलिंग सोला क्लैरिफिकेशन भाई साहब सोला क्लैरिफिकेशन अब कोई बोलेगा सोलह क्लैरिफिकेशन बच्चे देखकर ही घबरा जाते हैं देखकर ही घबरा जाते हैं पढ़ते ही नहीं है इसलिए मेरे लिए बहुत जरूरी है रजिस्टर बैन वॉयलेंट मूवीज वॉयलेंट मूवीज को बैन करो और प्रमोट पब्लिक काउंसिलिंग लोगों की काउंसिलिंग ऐसी शॉर्टकट है लेट्स आर सेंड फॉर रिस्पॉन्डिंग टू टेंडर्स एडवर्टीजमेंट एंड सर्कुलर्स ये तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि टेंडर्स मार्केट टेंडर्स टेंडर्स आते रहते हैं एडवर्टीजमेंट आते हैं सर्कुलर आते रहते हैं वी वी डेफिनेटली कैन अप्लाई अलाउड सी ए इन प्रैक्टिस क्लॉज सिक्स का क्लॉज का एक्सेप्शन है सी कैन रिस्पॉन्ड टू टेंडर्स एंड रिक्वेस्ट मेड बाय यूजर्स बाय प्रोफेशनल वर्क रिपीटेशन इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफाई किया ठीक है ये हम ऑलरेडी मैंने आपको क्लॉज के साथ ही पढ़ा दिया था इंस्टीट्यूट ने इस पर क्लैरिफिकेशन इशू किया है कि अगर ये टेंडर एडवर्टीजमेंट और सर्कुलर एक्सक्लूसिव एरियाज में जैसे ऑडिट अटेस्टेशन फंक्शन सर्टिफिकेशन जो सिर्फ हम कर सकते हैं मिनिमम फीस होना चाहिए ठीक है और ख्याल रखे मिनिमम फीस सिर्फ नाम का नहीं मिनिमम फीस शुड बी एज पर नेचर वॉल्यूम ऑफ वर्क एंड मैन पर कितने लोग लगेंगे कितने समय काम करना पड़ेगा कितना कॉम्प्लिकेशन है वक्त उसको ध्यान में रखकर मिनिमम फीस होनी चाहिए ऐसा नहीं सौ रुपए मिनिमम फीस रखती हजार रुपये मिनिमम फीस रख दी ऐसी हरकतें मत करिए तो बोले बिल्कुल आप टेंडर में अप्लाई करिए लेकिन केयरफुली ठीक है Now, अगर ऐसे एरियाज में है ऐसे एरियाज में है जो एरियाज दूसरे प्रोफेशनल्स के लिए भी ओपन है अकाउंटिंग एंड इंटरनल ऑडिट तो मिनिमम फीस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है काम ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे जाओ ठीक है तो टेंडर वेंडर बिल्कुल अप्लाई करिए और वो जो पुरानी बात है वही है एक्सक्लूसिव हमारे एरियाज है तो मिनिमम फीस होनी चाहिए वो भी लॉजिकल मिनिमम फीस होनी चाहिए ठीक है तो मिनिमम फीस के बारे में टेंडर को लेकर क्लैरिफिकेशन है और पहला मिनिमम फीस को लेकर ठीक है तो मैं ये आपका पहला इसमें बोलूंगा फीस को लेकर क्लैरिफिकेशन है फिर दूसरी बात है बहुत सी बार टेंडर क्या बोलते हैं ईएमडी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट या डिपॉजिट मांगते सिर्फ सीरियस लोगों ने ही टेंडर में अप्लाई करना चाहिए एडवर्टीजमेंट में अप्लाई करना चाहिए सर्कुलर में अप्लाई करना चाहिए तो उनको बोलते हैं आप ईएमडी भरो जो सही में सीरियस है काम करना चाहते हैं तो सीरियस लोगों को रखने के लिए ईएमडी सिक्योरिटी डिपॉजिट आईसीआई ने बोला कि ये लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगते हैं तो ठीक है मांगते हैं आप भरिए है, हम इंटरफियर नहीं करेंगे डिपॉजिट वाली रिक्वायरमेंट को हम बैन नहीं कर रहे ठीक है लेकिन अगर एग्जॉर्बिटेंट एग्जॉर्बिटेंट ई या डिपॉजिट है तो इंस्टीट्यूट के एथिकल सैंड बोर्ड को आप कंप्लेन करिए और इंस्टीट्यूट उस केस को हर केस टू केस बेसिस पे उसको देखेगा और बताएगा चार्ट अकाउंटेंट्स को अपने मेंबर्स को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तो आज के डेट में अगर कोई डिपॉजिट मांगता है चलेगा बिंदास डिपॉजिट भर के आप अप्लाई करिए एक्सॉर्बिटेंट लगता है तो एथिकल सैंड बोर्ड में जाकर कंप्लेन एथिकल सैंड बोर्ड उनको भी समझाएगा और अपने मेंबर्स को भी समझाएगा कि दूर रहिए ऐसे कामों से क्वेश्चन जब भी आप टेंडर भरते हो ना तो आपको बोलना पड़ता है कि मैं काम कितने में कर दूंगा ठीक है तो सोच समझ कर बोलिए इसलिए बोला है कि जब भी टेंडर भरते हो तो क्वास्टशीट बनाइए डिटेल बनाइए कितने लोग लगेंगे क्या क्वालिफिकेशंस होगा कितने घंटों के लिए काम होगा ये पूरा बनाइए उनको कितना पैसा देना पड़ेगा ये पूरे इसके हिसाब से एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी निकल रही है तुम्हारे एक्सपेक्टेड लोगों की कॉस्ट ट्रैवलिंग कॉस्ट तुम्हारे प्रॉफिट सब जोड़ करके आपने कॉस्टशीट हमेशा जब भी आप अप्लाई करते हो कॉस्टशीट बनानी चाहिए सीए इंस्टीट्यूट की इंस्टीट्यूटशीट आपसे मंगवा सकता है तो बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हैं टेंडर में अप्लाई करने को लेकर तीन बातें एक है मिनिमम फीस की बात एक है डिपॉजिट की बात डिपॉजिट कोई बैंड नहीं है ठीक है और तीसरा है तीसराट की बात अब अगर हम बात करते हैं इफ यू टॉक अबाउट ठीक है रजिस्ट्रार आर फॉर रिस्पॉन्डिंग टू टेंडर हो गया ंडर एडवर्टीजमेंट सर्कुलर देन ईज फॉर एम पैनलमेंट सर यह क्या होता है पहले आपको समझना पड़ेगा पैनल मतलब क्या पैनल मतलब list of professionals. मतलब क्या होता है, list of professionals. Professionals लिस्ट है भाई साहब ठीक है बहुत सारे लोग गवर्नमेंट अथॉरिटीज स्टैच्यूटरी बॉडीज स्टैचु रेग्युलेटरी अथॉरिटीज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कोर्ट लिस्ट मेंटेन करते हैं चार्ट अकाउंटेंट्स की ताकि जब भी उनको काम देना रहे ठीक है काम देना रहे किसी एक को चुनकर वो काम दे दे तो पैनल मेंटेन करना ये एक बहुती, बहुत ही बहुत बहुत ही पॉपुलर प्रैक्टिस है पैनल मतलब लिस्ट लिस्ट ऑफ ऑफ प्रोफेशनल्स मेंटेन करना ठीक है अगर आपको ये लिस्ट में आपका नाम लिखवाना है तो आपको एप्लीकेशन भेजकर खुद को एम पैनल करवाना पड़ता है मतलब पैनल में, में मेरा नाम लिख लीजिए ठीक है तो बोले अगर अगर आपको पैनल के बारे में पता चला ठीक है आपको न्यूज पेपर से पता चला कि वो लोग पैनल मेंटेन करते हैं एडवर्टीजमेंट से पता चला कोई सर्कुलर से पता चला ठीक है आप आपको कोई कलिग्स ऑफिशियल चैनल से पता चला डिपार्टमेंट से पता चला कहीं से भी ऑफिशियल चैनल से अगर आपको पता चलता है कि कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री या कोर्ट कोई भी अगर पैनल मेंटेन करता है पता चला है तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो लेकिन मतलब पैनल मतलब क्या हमने समझा पैनल में अप्लाई भी कर सकते हो

वेलेंटाइंस डे है हैटाइंस डे है और वैलेंटाइंस डे में आप एक मॉल के सामने खड़े हो तुमको दोस्त चाहिए तो मैं हूं ना तुमको दोस्त चाहिए तो मैं हूं ना तुमको दोस्त चाहिए तो मैं हूं तो ना अरे सामने वाला कौन है क्या है इसको जानते नहीं पहचानते नहीं स्टेटस क्या है पता नहीं ठीक है बहुत पड़ेगी ठीक है गाल तो लाल हो ही जाएंगे मार खा खा कर तो ऐसे पैनल में बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं आपको अगर उसका नॉलेज तो अप्लाई करिए रोविंग इंक्वायरीज मत करिए बिना प्रायर नॉलेज के किसको भी जाकर अपने पूछना अप्लाई करना ऐसी हरकतें मत करिए जब आप पैनल करते हैं ठीक है थीके, तो फीस खुद होकर मत बताइए फीस बताइए आप अगर इंक्वायरी कोई आपसे इंक्वायरी पूछता है फीस पूछता है तो आप बताइए जब पैनल आप पैनल में जब पैनल में आप जाते हो तो खुद होकर आप फीस मत बताइए अगर कोई पूछता है व्हेन इंक्वायरी इज रिसीव कोई अगर बंदा पूछताछ करता है क्या सर्विस दोगे कैसी सर्विस दोगे डोंट डू इट ऑन योर ओन ऐसे छोटी बातें मत करो पैसों की बात इमीडिएट पैनल में नाम एंटर करते वक्त पैसों की बात मत करो कुछ चार्ट अकाउंटेंट्स ने क्या था मेन्यू कार्ड जैसे छाप दिया था ए ये इसका इतना ये इसका इतना और मेन्यू कार्ड भेज दो अरे ऐसे थोड़ी चलेगा हम कोई चने फुटाने बेच रहे क्या चने फुटाने बेच रहे हम लोग ग्रोसरी शॉप चला रहे ये इतने का वो उतने का ये उतने का उत्तर उत होता उत्तर ऐसा कर रहे क्या बहुत स्पेशलाइज्ड काम करते हैं कॉम्प्लिकेट काम करते हैं इस पर एग्जाम में क्वेश्चन है खुद होके कोटिंग कोट नहीं करना फीस डोंट कोट ऑन योर ओन कर सकते हैं अगर उन्हें पूछा है तो ही उसमें भी उसमें भी आगे नो मेन्यू कार्ड आपने मेन्यू कार्ड बनाकर छाप के दे दिया आपका एक बल्क प्रिंटिंग कर लिया आपने डाल दे फर्रा फर्रा मतलब समझते हो ना बहुत ही पतला पेज होता है उसको बोलते हैं फर्रा ऐसी हरकतें मत करो ठीक है रजिस्टर जी फॉर ग्रीटिंग्स ग्रीटिंग कार्ड Uh, अलग अलग समय पे साल भर में त्यौहार होते हैं इंपॉर्टेंट डेज होते हैं ठीक है थीके? उसमें लोगों को खुशियां बांटना ग्रीट करना ग्रीटिंग कार्ड्स ग्रीटिंग कार्ड चार्ट अकाउंटेंट ठीक है बहुत अलग अलग फेस्टिवल्स अलग अलग ओकेजन पे ग्रीटिंग कार्ड्स और इन्विटेशन भेज सकता है क्या ये ग्रीटिंग कार्ड्स और इन्विटेशन पे ठीक है प्रोफेशनल डेजिग्नेशन और क्वालिफिकेशन मैं चार्ट अकाउंटेंट हूं चार्ट अकाउंटेंट ऐसा लिखकर भेज सकता है क्या नॉट अलाउड ग्रीटिंग कार्ड जब सी ए इन प्रैक्टिस ग्रीटिंग कार्ड भेजता है लोगों को ठीक है त्यौहारों के ऊपर न्यू ईयर के ऊपर ठीक है आपके दिवाली होली क्रिसमस ठीक है बहुत सारे त्यौहार सब है सबके अपने अपने त्यौहार है त्यौहारों के ऊपर जो ग्रीटिंग्स है ठीक है या फिर एनिवर्सरी का ग्रीटिंग है बर्थडे का ग्रीटिंग है इन्विटेशन कार्ड इन सब पे क्या डेजिग्नेशन चार्ट अकाउंट यूज कर सकते हैं नॉट अलाउड सुनो 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 पहले बोला नॉट अलाउड फिर बाद में बोला अलाउड आप लिख सकते हैं लेकिन कुछ शर्तें हैं शर्त है हमारी क्या शर्त है सबसे पहली तो ये शर्त है कि ये जो ग्रीटिंग कार्ड और इन्विटेशन है इट शुड बी सेंड टू लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल हमारे रिश्तेदार हमारे एकदम क्लोज हमारे रिश्तेदार क्या है लोगों ने इसके जरिए मार्केटिंग और पब्लिसिटी वाला कांड नहीं करना चाहिए इंडिया में कर रहे थे लोग इंडिया में नहीं क्या ग्रीटिंग कार्ड और इन्विटेशन कार्ड के थ्रू मार्केटिंग का कांड कर रहे थे मार्केटिंग का ब्रांडिंग का काम कर रहे थे इसने नाक दबाना पड़ा सी इंस्टीट्यूट को जगह जगह पे जाके नाक दबाना पड़ा क्योंकि लोग इन सबके जरिए मार्केटिंग के हटकंडे मार्केटिंग के हथकंडे लगा रहे थे लोग तो नाक दबाना पड़ रहा है लोगों का ये नाक दबाते नहीं ना जब तो तक लोग संभलते नहीं सुधरते नहीं तो आप भेज सकते हो किसको को रिलेटिव को भेजो रिलेटिव को भेजो फ्रेंड्स को, को, फ्रेंड को भेजो रिलेटिव को भेज सकते हैं फ्रेंड्स को भेज सकते हैं ग्रिट नाम आ सकता है प्रोवाइडेड यू आर सेंडिंग इट टू रिलेटिव फ्रेंड्स एंड क्लाइंट्स एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स नॉट प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स ऑफ कंसर्न मेंबर जो मेंबर ग्रीटिंग कार्ड भेज रहा है जो मेंबर ग्रीटिंग कार्ड भेज रहा है इनविटेशन भेज रहा है उसके रिश्तेदार उसके फ्रेंड्स उसके क्लाइंट्स को भेजो ग्रीटिंग कार्ड इन्विटेशन ठीक है तो चार अकाउंटेंट डेजिग्नेशन आ सकता है शर्त सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन लोगों को भेजना है ठीक है क्या भेजना है ग्रीटिंग कार्ड यस भेजो ग्रीटिंग कार्ड न्यू ईयर का भेजो बर्थडे का भेजो एनिवर्सरी का भेजो त्योहारों का भेजो कोई प्रॉब्लम नहीं है एब्सोल्युटली फाइन डेजिग्नेशन के साथ ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है इनको भेजना इनविटेशन सिर्फ कुछ सिलेक्टेड इनविटेशन ही है ग्रीटिंग कार्ड में कोई रोक टोक नहीं है ग्रीटिंग कार्ड में कोई रोक टोक नहीं है आप ऐसा बताइए कि आप ठीक है ग्रीटिंग दूसरा पर्पज ग्रीटिंग कार्ड हो सकता है और इन्विटेशन इन्विटेशन कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा रिलीजियस सेरेमनी ठीक है तो रिलीजियस कोई माता की चौकी रिलीजियस सेरेमनी आप रिलीजियस फंक्शन कुछ कर रहे हो तो उसमें आपका डेजिग्नेशन आ सकता है अलाउ किया है इंपॉर्टेंस के हिसाब से रिलीजन को लोग बहुत इंपॉर्टेंट मानते तो बोले वहां पे लिखना अलाउ किया है खुद की शादी ठीक है खुद की शादी सीए इन प्रैक्टिस खुद की शादी में डेजिग्नेशन यूज कर सकता है भाई बहन कजिन इन सब की शादी में नहीं खुद की शादी है जैसे कोई सीए अपने बेटा बेटी की शादी में नहीं खुद की शादी में यूज कर सकता है नॉट अदर्स फिर ऑफिस सीए का ऑफिस ओपन कर रहे हैं, वहां तो बताना ही पड़ेगा ना वहां पर तो डेजिग्नेशन डालना ही पड़ेगा ठीक है फॉर चेंज इन फॉर चेंज इन ऑफिस प्रिमाइसिस अगर ऑफिस प्रिमाइसिस में चेंज होता है ऑफिस प्रिमाइसिस में अगर चेंज होता है टेलीफोन नंबर चेंज होता है तो उसमें भी चेंज इन प्रिमाइसिस ठीक है चेंज इन ऑफिस आप नए ऑफिस में जा रहे हो आप नए ऑफिस में जा रहे हो उसके लिए इन्वाइट कर रहे हो उसके लिए इन्वाइट कर रहे हो वो नए प्रीमाइसिस में आप इन्वाइट कर रहे हो तो वहां पर भी आप इन्विटेशन में हो सकता है तो बड़ा इंटरेस्टिंग था पहले तो बैन कर दिया फिर धीरे से खोला पहली शर्त है इतने लोग को ही जाएगा दूसरी शर्त है यही पर्पस के लिए कम्युनिकेशन हो सकता है इनविटेशन में बस ये चार रिलीजियस सेरेमनी उससे छोटा मैरिजेस और चेंज ऑफ ऑफिस उसके इन्विटेशन में आप दे सकते देखिए ये प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ सकते हैं मैं आपको एकदम सिंपल बात बता दूं जितनी बात इन्होंने यहां पर बोली है उसी के ऊपर क्वेश्चन आने के 99.99 .99 चांस है ठीक है इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं आते आपके दिमाग में आ गए इंस्टाग्राम पे ये कर सकते क्या फेसबुक पे ये कर सकते हैं क्या गूगल पे ये कर सकते क्या इस पे उस पे कर सकते क्या जितनी बातें लिखी है इसके अलावा आपके दिमाग में बहुत सारी बातें आ सकती है ठीक है मैं आपको फिर बता रहा हूं डी टी में ऐसा होता होगा यहां पर जितनी बात लिखी है उसी के ऊपर केस आता है क्योंकि बोर्ड ऑफ स्टडीज भी घबराता है कि उनके हाथ से कोई इंटरप्रिटेशन गलत ना हो जाए आपको एक सच्ची बात बताऊ पेपर कैसे बनता है पहले वो सिलेक्ट करते हैं आंसर कि ये आंसर बनने वाला है फिर उसका क्वेश्चन बनता है हंड्रेड परसेंट ऐसे ही होता है तो अलग से कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा और बहुत ही नया कुछ आ जाएगा ऐसा यहां पर नहीं देखो हर सब्जेक्ट का एक फीचर होता है ठीक है तो इस सब्जेक्ट का फीचर है जितनी बात बोली उसके आजू बाजू रहेंगे कुछ और दिमाग नहीं लगाना अगर इसके बाहर कुछ पूछा तो कॉमन सेंस से आपको जो लगता है उसके हिसाब से जवाब देना पड़ेगा ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर बोला हुआ है कि ग्रीटिंग कार्ड्स और इन्विटेशन रिलेटिव फ्रेंड्स और क्लाइंट्स को भेजिए और पर्पज ग्रीटिंग कार्ड हो सकता है ये इन्विटेशन हो सकते हैं फॉर्म का नाम लिख सकते हैं क्या कुछ दिया हुआ नहीं है मैं गारंटी देता हूं कि कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि ग्रीटिंग कार्ड पे फॉर्म का नाम ये आपके दिमाग में आ सकता है मेरे दिमाग में आ सकता है उस पर क्वेश्चन नहीं आने वाला सर लेकिन आ गया तो तो फिर हमको कॉमन सेंस से आंसर देना पड़ेगा कॉमन सेंस जैसे उन्होंने डेजिग्नेशन लिखना अलाउ किया है तो मतलब उनका इंटेंशन है कि वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि बंदा प्रैक्टिस में है तो उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि फॉर्म का नाम भी लिख सकते हैं ये एक इंटरप्रिटेशन निकल कर आता है कॉमन सेंस से लगता है डेजिग्नेशन अगर अलाउ किया है ना इफ देव इफ देव अलाउड डेजिग्नेशन करेक्ट है. तो अपने दिमाग के घोड़ों को बहुत ज्यादा इधर उधर मत दौड़ाइए कोई रिसर्च मत करिए आप कोई साइंटिस्ट नहीं हो कोई आप नया मटेरियल निकाल लोगे नया लिक्विड निकाल लोगे ऐसा कुछ नहीं होने वाला तो प्लीज जितना दिया है उसको शांति से क्यों दिया है क्या दिया है कैसे इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे वो सोचो तीन बातें सोचनी हर पे क्यों दिया है क्या दिया हुआ है क्या दिया है वो और कैसे इसको अप्लाई करेंगे जैसे इस एक बंदा रिलीजियस सेरेमनी करता है दोनों पार्टनर के रिलेटिव फ्रेंड्स और क्लाइंट्स को इन्विटेशन जाते हैं तो इंस्टीट्यूट ने बोला गलत है जिस पार्टनर ने रिलीजियस सेरेमनी रखी है सिर्फ उसके रिलेटिव सिर्फ उसके फ्रेंड्स और उसके क्लाइंट्स को जाना चाहिए ठीक है और क्लाइंट्स को भी जा रहा है इससे भी एक हिंट मिलती है कि शायद वो फर्म नेम चाहते हैं कुछ बोला नहीं है साइलेंट अबाउट फर्म नेम साइलेंट है किसको लेकर फर्म नेम को लेकर इंटरप्रिटेशन है वो भी ये जबरदस्ती की फालतू की चीज है आपके दिमाग में आ सकता है इसलिए लिख रहा हूं मैं कोई चांस नहीं इसमें पूछेंगे इंटरप्रिटेशन है ठीक है की अलाउड क्योंकि क्लाइंट तो आपको फर्म नेम के हिसाब से जानता है ना भाई ओके okay, नाउ तो रजिस्ट्रेशन हमारा रिस्पॉन्डिंग आ गया पहला एम्पैनलमेंट आ गया ग्रीटिंग कार्ड्स और इनविटेशंस आ गया फिर ये बड़ा ही प्यारा सा इंट्रोडक्शन टू क्लाइंट ऑफ अनादर सी बहुत बहुत ही प्यारा सा, बहुत, ही, बहुत ही प्यारा है। तो सिचुएशन ऐसा है कि रमेश एक चार्ट अकाउंटेंट है प्रैक्टिसिंग चार्ट अकाउंटेंट है बुद्धिमान शक्तिमान वो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का ऑडिट करता है उनका ऑडिटर है अच्छा खासा काम चल रहा है रमेश क्या करता है सुरेश को बुलाता है सुरेश यार चलना मैं ते को मेरे क्लाइंट से मिला तो जो भी उनसे मिलाता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वालों से अब सुरेश अपने ऑफिस में वापस आ जाता है कुछ दिनों बाद एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वाले लोग सीधा सुरेश को कांटेक्ट करते हैं और बोलते कि अब हमारा ऑडिट का काम ठीक है रमेश नहीं कर आप कर लीजिए नहीं कर सकता If a client is introduced by another CA in practice, ठीक है देन चार्टर्ड अकाउंटेंट accept एक्सेप्ट सेम असाइनमेंट फ्रॉम client. मतलब जिसने इंट्रोड्यूस किया उसके पीठ में छुरा घोप के उसका काम हथिया लेना अलाउड नहीं है बहुत ही अनएथिकल माना जाएगा बहुत ही ओरिजिनल प्रोफेशनल वर्क तो एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता अगर दूसरा प्रोफेशनल वर्क कुछ आ रहा है तो उसमें भी हम बोलेंगे कि देखिए आपको मुझसे किसने मिलाया रमेश ने रमेश ने मिलाया ना तो आप अगर कोई और काम करवाना चाहते हैं तो पहले रमेश को यह बात बताइए रमेश को यह बात बताइए कि दूसरा काम करवाना चाहते हैं ऐसे उसको इन्फॉर्म रखिए उसको लूप में रखिए उसको बताकर मेरे पास में आइए ठीक है उसको बोलिए या उसको उसको बताइए उसको उसके थ्रू मेरे पास में आइए वो नहीं आ रहा है तो ठीक है उसको बता के मेरे पास में आइए उसको लूप में रखिए लेकिन पीठ पीछे कुछ नहीं होना चाहिए ठीक है तो कॉन्सेप्ट क्या बना अगर आप एक सीएन एन प्रैक्टिस आपको अगर किसी सीएन प्रैक्टिस ने दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाया दूसरे क्लाइंटों से इंट्रोड्यूस करवाया है तो ध्यान रखना ठीक है जो ओरिजिनल वर्क है सीएन प्रैक्टिस का पहले सीएन प्रैक्टिस का वो ओरिजिनल वर्क आप डायरेक्टली एक क्लाइंट से एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपने उसने मिलाया था आपको दूसरा कोई दूसरा काम है तो आप उनको बोलेंगे उसको इन्फॉर्म करके आइए उसको बत, उसके प्रेफर्ड उसके थ्रू आइए लेकिन उसके थ्रू अगर नहीं आ पा रहे आप वो नहीं सपोर्ट कर रहा है तो कम से कम उसको इन्फॉर्म करके हमारे पास में आइए ही शुड बी सी इन प्रैक्टिस आपने भी जो बंदा आपको दूसरों से मिलवाता है क्लाइंट से मिलवाता है उसका सम्मान आपने करना चाहिए उसका ओरिजिनल वर्क नहीं लेना चाहिए और दूसरा काम भी उसको बता करके लेना चाहिए उसको लूप में रखना चाहिए पीठ पीछे नहीं होना चाहिए

वो डायरेक्टली हमको ऑफर नहीं कर सकता उसके थ्रू आना है या उसको इन्फॉर्म करके आना है स्पॉन्सरिंग क्या हम स्पॉन्सरिंग का, का काम कर सकते पहले तो एकदम नहीं बोल दिया बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होते रहते हैं स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं कल्चरल इवेंट्स होते हैं फेस्टिवल के इवेंट्स होते रहते हैं अलग अलग डेट्स पे इवेंट्स होते रहते हैं ये सब इवेंट्स को हम स्पॉन्सर नहीं कर सकते नॉट परमिटेड टू स्पॉन्सर इवेंट्स हम कोई इवेंट वाले लोग नहीं हैं हम कोई गाड़ी बेचने वाला काम नहीं करते हम लोग

तुमको नहीं करना मैं ये नहीं बोल रहा सबने सुपेस्टिकेट रहना चाहिए कुछ लोगों को रॉ रहना बहुत पसंद है आउट ऑफ द वे जाके काम करना बहुत पसंद है अजीबो गरीब पी करना पसंद है करो अपने मन की सुनो आ, मैं तो बोलता हूं अपने मन की सुनो जो अच्छा लगता है वो करो लेकिन फिर प्रैक्टिसिंग ये छोड़ दो सीओपी छोड़ के करो जो करना है फिर ठीक है फिर वो बोलते हैं ये हमेशा हर बार पहले मना ही बोलते हैं इवेंट्स और कंडीशन में पहले मना कर देते कैन स्पॉन्सर इफ टू से दो कंडीशन पहले तो प्रोग्राम शुड बी कंडक्टेड ठीक है

और आपको अपना प्रोफेशनल नॉलेज अपडेटेड रखना पड़ता है उसको सीपी कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन सीपी डायरेक्टरेट मतलब एक तो सीए इंस्टीट्यूट वाला प्रोग्राम होना चाहिए जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग यूनिट ने अप्रूव किया है आ, किया है बनाया है बनाया और दूसरा उसमें भी जो सीपी वाला इवेंट है जिसमें बहुत सारे चार्ड अकाउंटेंट्स आते हैं बस उसको स्पॉन्सर कर सकते हो तो बहुत लिमिटेड इवेंट्स को आप स्पॉन्सर कर पाओगे इन शॉर्ट सिर्फ सीपी वाले जो इवेंट्स है वही आप स्पॉन्सर कर पाओगे सीएसआर का काम कर रहे हो सीएसआर एक्टिविटी है तो वहां पे इंडिविजुअल नेम आना चाहिए इंडिविजुअल नेम गिवन सीए फर्म नाम CA लोग नहीं आना चाहिए no नाम से बहुत ही इनको एलर्जी है देखो जहां पे साइलेंट है वहां पे कॉमन सेंस लगाना है कि प्रैक्टिकली क्या होता है क्या चल सकता है क्या नहीं चल सकता है कॉमन सेंस लगाना है लेकिन बहुत जगह इनको सीए फर्म के नाम से बहुत एलर्जी क्योंकि सीए को इंस्टीट्यूट को उससे डर है, के है EY, KPMG, PwC, Deloitte, GT, Porten, ये लोग, लोग भयंकर ब्रांडिंग पे उतर जाएंगे बिना ब्रांडिंग के इतने बड़े ब्रांड है ये बिग फोर अगर ब्रांडिंग अलाउ कर देंगे तो क्या ही कर देंगे लोग? तो बोल रहे फर्म नेम अलाउड नहीं है फर्म नेम से इनको भयंकर एलर्जी है जहां जहां तो देखिए

तो आप प्रीफिक्स लगाइए लोगो लगाइए फर्म के नाम से दूर रहिए रजिस्टर एस फॉर सिल्वर गोल्डन प्लैटिनम सेनेटरी सेलिब्रेशन सेनेटरी सेलिब्रेशन का एडवर्टीजमेंट बहुत बड़ा मौका होता है पच्चीस साल पूरे करना पचास साल पूरे करना साठ साल पूरे करना 75 साल पूरे करना सौ साल पूरे करना किसी भी सीए फर्म के लिए बहुत बहुत बड़ा ठीक है अब इन जनरल तो किसी भी इवेंट कोई भी इवेंट अगर सीएफर्म करे उसकी पब्लिसिटी एडवर्टीजमेंट न्यूज पेपर में एड देना अलाउड नहीं है लेकिन सिल्वर गोल्डन डायमंड प्लेटिनम सेनेटरी सेलिब्रेशन है एडवर्टीजमेंट आप आपके आप आपके पुराने पार्टनर्स आप आपके पुराने पार्टनर्स आपके एम्प्लॉयज आपके आर्टिकल्स आपके कस्टमर्स आपके एसोसिएट्स इन सबको इनवाइट करने के लिए पेपर में एड दे सकते हो ध्यान रखना पेपर में एड दे सकते हो आप ठीक है इनविटेशन कार्ड पेपर में आप बिल्कुल एड दीजिए लेकिन आप आपके विजिटिंग कार्ड और लेटर हेड पे सेलिब्रेटिंग सेवेंटी फाइव ईयर्स हंड्रेड ईयर्स ऐसा नहीं लिख सकते आपके फर्म का इतिहास पूरा लिख करके छापना और सब तक भेजना ऐसा नहीं कर सकते सिर्फ ऐसा सेलिब्रेशन हो रहा है इसका पेपर में एडवर्टीजमेंट दे सकते हो जितना बोला है उतना ही आपको ठीक है ये institute का मानना है बहुत बड़ा इवेंट है किसी भी firm के केस में और ये छोटी सी छूट तो हमने देनी चाहिए तो छोटी सी छूट दी हुई है ज्यादा उछलिए नहीं छोटी सी छूट दी हुई है फिर टीचिंग कोचिंग एक्टिविटीज बाय सी अभी क्लॉज इलेवन आने वाला है सबसे पहले परमिशन अगर अगर आपको पढ़ाना है ठीक है अलग अलग लेवल पे आदमी पढ़ा सकता है हम लोग पढ़ेंगे या फिर आप तो प्राइवेट ट्यूटरशिप एक अलग गेम है सीए इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ा सकते हैं और फिर आप किसी बैनर के अंदर किसी ब्रांड नेम के अंदर बैनर के अंदर कोचिंग क्लासेस के अंदर आप बना सकते आप पढ़ा सकते हो हम लोग आगे क्लास इलेवन में पढ़ेंगे किसी भी चार्ट अकाउंटेंट को अगर किसी कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाना है किसी बैनर के अंदर पढ़ाना है किसी ब्रांड नेम के अंदर पढ़ाना है तो परमिशन लगती है क्लॉज इलेवन में उसके ऊपर चर्चा करेंगे ना आगे जब आएंगे तो तो भाई पढ़ाई है लेकिन आपने परमिशन लेनी चाहिए आप लोगों के मन में यह भी सवाल होगा सर आपने परमिशन ली है क्या तो जब मैं क्लॉज इलेवन रहेगा तब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या किया है ठीक है तो पहले परमिशन लेनी चाहिए फिर ठीक है परमिशन लेके पढ़ा सकते तो बेसिकली चार्ट अकाउंटेंट्स सीए इंस्टीट्यूट से परमिशन लेके बिंदास पढ़ा सकते पढ़ाने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई आपत्ति नहीं है लेकिन एडवर्टीजमेंट मत करो

अगर कोई कोचिंग क्लास वाला है सपोज कोई कोचिंग कोई ब्रांड नेम है ठीक है और उसके, कोई ब्रांड नेम है वो एडवर्टीजमेंट कर रहा है उसको करने दो लेकिन उसके बैनर्स पे पोस्टर्स पे कहीं पर भी आपका नाम नहीं आना चाहिए मतलब आप पढ़ा रहे हो तो आप तो खुद एडवर्टीजमेंट कर ही नहीं सकते आप एडवर्टीजमेंट कर ही नहीं सकते क्योंकि बोल रहे हैं वो इनडायरेक्टली एडवर्टीजमेंट करोगे तो इनडायरेक्टली आप खुद को पॉपुलर करके आपको और काम चाहिए ऐसे काम आप कर रहे हो उनका कहना है और दूसरा कोई कोचिंग क्लास वाला कोई कोचिंग क्लास ब्रांड वाला एडवर्टीज करे उसमें आपका नाम भी नहीं आ सकता है ठीक है। ये आ, काफी साल हो गए ये आया हुआ है लेकिन प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है फ्रेंकली स्पीकिंग मैं भी इसको इंप्लीमेंट नहीं करता फॉर दैट मैटर कोई भी इसको इंप्लीमेंट नहीं करता नो नोवन इंप्लीमेंट ठीक है इंस्टीट्यूट ने बेसिकली बेसिकली डेली में एक फॉर्म है डेली में एक फर्म है उनका प्रैक्टिस का काम है मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उन्होंने साथ में कोचिंग एक्टिविटी शुरू की और कोचिंग की बड़ी बड़ी एड लगाना शुरू किया इनडायरेक्टली वो खुद को पॉपुलर करना चाहते थे तो इंस्टीट्यूट ने देखा कि कुछ फॉर्म वाले कोचिंग शुरू करके खुद के नाम की ब्रांडिंग कर रहे तो उन्होंने उठा के बैन कर दिया ये चीजें ठीक है अब जैसे मैं तो दिन आया हूं फुल टाइम प्रोफेसर यार मैं तो कोई प्रैक्टिस का काम कर ही नहीं रहा मैं प्रैक्टिस का कोई काम कर नहीं रहा तो मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मैं पढ़ा करके मैं और मेरी प्रैक्टिस सेट करूँ फुल टाइम आई एम इन आई एम इन टीचिंग प्रोफेशन हाँ जो भी मेरे दोस्त भाई बहुत सारे जो मैं पार्टनर हूँ ऑडिट के असाइनमेंट्स में रिव्यू करता रहता हूँ एनालाइज करता रहता हूँ स्टडी करता रहता हूँ उसमें एडवाइजरी देता रहता हूँ मैं मेरी तरफ से ठीक है तो बेसिकली दिल्ली में एक फर्म के लिए उन्होंने लाया लेकिन अक्रॉस इंडिया कोचिंग क्लासेस वालों के लिए इसको इंप्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है तो इंस्टीट्यूट ने कुछ ऐसी चीज बना ली है जिसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन बहुत ही मुश्किल है तो इसको कोई भी फॉलो नहीं करता और किसी के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं हुआ हुआ है बट ये मैटर ऑफ टाइम है अगर कोई, अगर कोई 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 ऐसा ऐसा आदमी आ आ गया गया टॉप में प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट वाइस जिसका दिमाग गर्म है और कोचिंग क्लासेस से अगर उसको बहुत ज्यादा दिक्कत है तो एनी टाइम एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट ऑलमोस्ट ऑल द प्रोफेसर एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट ऑल द प्रोफेसर अंडर दिस क्लैरिफिकेशन बिल्कुल तो बारूद के ढेर पर खड़े हैं सारे प्रोफेसर कभी भी इनके अगेंस्ट एक्शन हो सकता है ठीक है लेकिन एक्शन क्या होगा एक्शन क्या होगा डांटेंगे रिप्रीमांड करेंगे पेनाल्टी लगाएंगे हो सकता है कुछ समय के लिए मेंबरशिप सस्पेंड कर दे ऐसा कुछ हो जो मुझे लगता है ठीक है तो चलिए एनीवेज एकेडमिकली खुद एडवर्टीजमेंट भी नहीं कर सकते और दूसरों के एडवर्टीजमेंट में हमारा नाम भी नहीं आ सकता क्या करना अलाउड है अगर आप कोचिंग करते हो ठीक है तो साइन बोर्ड लगाओ आप। आपके कोचिंग क्लास के बाहर साइन बोर्ड लगाओ वहां पे उसका नाम लिखो कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं कांटेक्ट डिटेल्स ठीक है आउटसाइड कोचिंग वो जो प्रिमाइसिस है उसके बाहर होना चाहिए उसके बाहर आप लगा सकते हैं साइन बोर्ड मतलब कोचिंग क्लासेस के बाहर वो साइन बोर्ड होना चाहिए उस पर नाम होना चाहिए कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते वो होना चाहिए सब्जेक्ट टॉट कॉन्टैक्ट डिटेल्स होने चाहिए ठीक है बाहर होना चाहिए साइज शुड भी साइज कैसे होना चाहिए जो जनरली नेम बोर्ड सी एफ फॉर्म का नेम बोर्ड जितना बड़ा होता है ना बस बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं कर सकते आप कोचिंग क्लास के बाहर लगाइए नेम बोर नेम बोर्ड लगाइए ठीक है ऑफ द नाम लगाइए सब्जेक्ट बताइए कॉन्टेक्ट डिटेल्स प्रोफेसर का नाम नहीं आना चाहिए तो मुझे लगता है यार ये सब चीजें पॉसिबल नहीं जो इंस्टीट्यूट कर रहा है दैट्स नॉट पॉसिबल रोविंग इंक्वायरीज की अगर हम लोग बात करते हैं रोविंग इंक्वायरीज मतलब किसको कौन पैनल मेंटेन करता नहीं करता इसका कोई नॉलेज नहीं आपको किसको सर्विसेज की जरूरत है नहीं है ये कुछ भी नहीं आपको बल्क में आपने पैम्पलेट छाप लिए सबको भेज दे रहे पैनल मेंटेन करते हो तो मेरा नाम रख लीजिए सर्विसेज की जरूरत होगी तो मेरा नाम ले लीजिए नाम मेरा विजिटिंग कार्ड रख लीजिए मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल सेव कर लीजिए ऐसी हरकत है रोविंग इंक्वायरी मतलब बिना किसी नॉलेज के बिना किसी इंफॉर्मेशन के बिना बिना किसी इंफॉर्मेशन बिना किसी नॉलेज के किसी को भी जाकर ठीक है जाकर के लोगों को लोगों से बातचीत करना उनको परेशान करना उनको बोलना चाहिए भाई जरूरत होगी तो रख लो जरूरत होगी तो रख लो नॉट अलाउड नॉट परमिशन टू एड्रेस लेटर्स ई मेल्स और सर्कुलर्स टू पीपल विदाउट एनी रिक्वेस्ट और रिक्वायरमेंट फ्रॉम देर साइड इट वुड टेंट अमाउंट टू एवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट का मतलब ही तो ये होता है किसी ने पूछा नहीं फिर भी बता रहे एडवर्टीजमेंट वर्ड का मतलब समझोगे अगर आप किसी ने मांगा नहीं पूछा नहीं फिर भी बता रहे उसी को तो एडवर्टीजमेंट बोलते हैं किसी ने बोला था होर्डिंग लगा तो फिर भी दिखा रहे इट इज एडवर्टीजमेंट किसी ने बोला था कि मेरे को देखा मेरे को मैगी खानी है फिर भी मैगी 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 चल रहा है ठीक है जबरदस्ती बताया जाता है उसी को तो एडवर्टीजमेंट बोलते फिर रजिस्ट्रार ए फॉर एडवर्टीजमेंट एंड नोट इन प्रेस एंड नोट इन प्रेस ये इंटरेस्टिंग है आप इन जनरल किसी भी न्यूज में न्यूज में आप एडवर्टीजमेंट नहीं दे सकते कि भाई मैं एक नया चार्ड अकाउंट हूं बहुत बढ़िया चार्ड अकाउंटेंट हूं आपको सर्विसेज की जरूरत होगी तो मेरे पास में आइए ये मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स है ठीक है सर्कुलेटिंग लेटर्स फर्रे भी हम नहीं कर सकते पर्सनल भी नहीं आ सकते हम ना एडवर्टीजमेंट डाल सकते हैं न्यूजपेपर्स एडवर्टीजमेंट डाल सकते हैं ना हम पैंपलेट बटवा सकते हैं नॉट अलाउट भैया लेकिन अगर पार्टनरशिप में कुछ चेंजेस है अगर आपकी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स चेंज हो रहा है पार्टनर्स चेंज हो जा रहे हैं ठीक है पार्टनर ऑफ पार्टनर टेलीफोन नंबर

या तो लोग साइलेंट होंगे या तो क्लैरिफाइड साइलेंट होंगे या तो फर्म नेम को मना करेंगे नो फर्म नेम अलाउड जहां पे साइलेंट है वहां पे कॉमन सेंस से आपको जवाब देना पड़ेगा फर्म नेम अलाउड नहीं है इसके पहले कहां पे अलाउड नहीं किया था आपके सीएसआर uh, में फर्म नेम अलाउड नहीं किया था सीएसआर आप इवेंट स्पॉन्सर करिए फर्म नेम नहीं डाल सकते फर्म नेम से बहुत दिक्कत है जब एड्रेस डालने की बारी आएगी तो एड्रेस देखो सोशल में व्हाट्सएप व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक ठीक है इन सब के बारे में ट्विटर इन सब के बारे में कुछ खास बोला नहीं है बहुत लिमिटेड बातें बोली हुई है जैसे आपको आप ये एड डालिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालिए टेलीफोन नंबर डालिए फैक्स नंबर डालिए आप यहां पर ठीक है सोशल नेटवर्किंग साइट है उसकी डिटेल्स भी सकते हैं लेकिन वापस इंडिविजुअल बंदे का नाम आना चाहिए जब हम यंग होते हैं हम खुद को बहुत होशियार समझते हैं मतलब जब हमको एक्सपीरियंस है खुद को बहुत होशियार समझते हैं कभी कभी ठीक है मैं भी खुद को समझता था ऐसे तो मैंने वो द चार्ट अकाउंटेंट जर्नल में एक बार एड देखी मैंने और वहां वह पर देखा मैंने अरे सिर्फ सी का नाम लिखा मतलब क्या आदमी इतनी बड़ी एड थी इतना पैसा खर्च किया होगा उसने और यहाँ पे उसने फॉर्म का नाम भी नहीं लिखा यार खुद को होशियार समझ रहा था मैं लेकिन जब मैंने पढ़ा फिर मेरे को समझ में आया कि भाई साहब फॉर्म का नाम नहीं लिख सकते सिर्फ इंडिविजुअल का नाम आना चाहिए ठीक है कैन स्पेसिफाई एक्सपीरियंस इन एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन एक्सपेक्टेड सामने वाले से क्या एक्सपेक्ट करते वो तो बिल्कुल डाल सकते कॉमन सेंस है यार फॉर्म का नाम मत डालिए तो अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस लेकर चलोगे ना तो आपके दिमाग में क्लैरिटी और बढ़िया बनेगी अच्छी तगड़ी बनेगी रजिस्ट्रार आर फॉर रिप्रेजेंटेशन बाय ऑडिटर अंडर सेक्शन 144 ऑफ कंपनीज कंपनीज एक्ट एक्ट चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि जब चार्टर्ड अकाउंटेंट को रिमूव किया जाता है जब चार्टर्ड अकाउंटेंट को रिमूव किया जाता है तो उसको अपने मन की बात को बोलने का मौका मिलता है उसको बोलते हैं रिप्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर भेजने का मौका दिया जाता है बिल्कुल Law, आपको मौका दे रहा है आपकी मन की बात बोलने का मौका दे रहा है अलाउड है बिल्कुल चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अलाउड टू 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 सेंड रिप्रेजेंटेशन लेटर द द कंपनी विल बी ऑल शेयर होल्डर्स सभी शेयर होल्डर्स को भेजा जाता है उसके बाद में रेजोल्यूशन पास होता है कि रिप्लेस करना चाहते सीए को कि नहीं करना चाहते डिग्निफाइड मैनर में इज्जत से यह सीए बता एक्टेड इंडिपेंडेंटली कंसेंटियसली केयरफुली थ्रू आउट दम वो इतना मान सकता है कि भाई मैंने मेरे टर्म के दौरान इंडिपेंडेंटली बिना किसी दबाव में इंडिपेंडेंटली बिना किसी दबाव में बिना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मैंने काम किया और मैंने केयरफुली काम किया और मैंने केयरफुली काम किया और क्या मैं आगे काम करना चाहता हूं बस इतना बताना है तीन बातें मैंने डिग्निफाइड मैनर में काम किया डिग्निफाइड मैनर और केयरफुली डिग्निफाइड मैनर में काम किया केयरफुली मैंने काम किया, किया ठीक है और क्या मैं आगे करना चाहता हूं विलिंगनेस तीन बातें बतानी है सिंपल सिंपल सी इससे ज्यादा नहीं मैं हम इतनी बड़ी फर्म है इतने सारे लोग हैं मैंने इतने रिसोर्सेस को लगाया था इतने बड़े लेवल पे काम किया मैंने कंपनी के व्यारे नारे कर दिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को सुधार दिया मैंने इनके फाइनेंस को सुधार दिया मैंने इनकी तो औकात ही क्या थी क्या तो समझते थे खुद को क्या तो लेवल था जब ठेले थे तब से इनको कंसल्टेंसी दे देकर इतना बड़ा किया मैंने ऐसी फालतू की बातें नहीं करना एग्जाम में क्वेश्चन इस पर क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है कि मैंने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में बहुत बढ़िया काम किया मैंने फाइनेंस में बहुत बढ़िया काम किया मैंने इनका सब कुछ बदल डाला लिखना अलाउड नहीं है सिर्फ इतना बताना डिग्निफाइड मैनर एक तो डिग्निफाइड मैनर में क्या मैंने इंडिपेंडेंटली डिग्निफाइड मैनर में और अगर मैं यहां पर इंडिपेंडेंटली काम किया केयरफुली काम किया और विलिंगनेस किया बस तीन बातें बहुत सिंपल इसमें पब्लिसिटी एनीथिंग वि स्टैंड डायरेक्टली तारीफों को फूल बांधना ठीक है बूस्टिंग योर वर्क नॉट अलाउड खुद की डायरेक्टली इंडायरेक्ट बहुत पब्लिसिटी करना खुद के काम की तारीफे करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है सोला क्लैरिफिकेशन से मैं आपको बता रहा हूं सोलह के सोलह पे केस आए हुए है हर देखिए बहुत सिंपल है मैंने आपको बताया क्लॉस सिक्स के इस इसपे आप इंटरप्रिटेशन बच जाइए क्लैरिफिकेशन का गेम है सोलह क्लैरिफिकेशन है और बराबर ये सोलह क्लैरिफिकेशन को हिट करता हुआ केस आता है ये क्लैरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जितनी बातें बोली ना उतनी समझ लो बहुत ज्यादा इंटरप्रेट करने की कोई जरूरत नहीं आपको जो चीजें साइलेंट है उस पर कुछ पूछने वाले पूछा तो भी कॉमन सेंस है बुक्स हम क्या किताबें लिख सकते हैं अरे हम इतने नॉलेजेबल लोग हैं हमारे ऊपर हजारों पेजेस का दबाव डाला हुआ है हजार डेढ़ दो हजार पेज से तो घबराते ही नहीं साहब हर सब्जेक्ट के पेज हमने हजारों में पढ़े हैं सीए फाइनल में बंदा दस दस हजार पेज पढ़ लेता है कोई मजाक है दस हजार पेजेस पढ़ता है बंदा दस हजार पेज सीए फाइनल में और पांच छह हजार पेज कम से कम इंटर में और दो तीन हजार पेज आपके फाउंडेशन में ठीक है बीस हजार पेजेस तो हम ही लेते इतना कूट कूट के ज्ञान भरा है कूट कूट के ज्ञान भरा हुआ है हम किताबें लिख सकते हैं बिल्कुल हम बुक्स लिख सकते हैं हम आर्टिकल्स वी कैन राइट बुक्स हम बुक्स लिख सकते हैं हम आर्टिकल्स लिख सकते हैं प्रेजेंटेशन सब कुछ कर सकते हैं वी कैन डू दैट ठीक है लेकिन क्या इसमें इसमें पहले मैं अलाउड बताना चाहूंगा बुक्स बिल्कुल लिखिए आप चार्ट अकाउंटेंट डेजिग्नेशन फर्म नेम यस ये एक तरीके से अमेंडमेंट है पहले अलाउड नहीं था फर्म नेम लिखना अलाउड है इनफैक्ट ठीक है फॉर्म नेम लिखना अलाउड है मैंने बोला बहुत कम जगह पे वो लोग खुद होकर बोलेंगे या तो साइलेंट रहेंगे या तो मना करेंगे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जहां पे बोला फर्म नेम अलाउड किया बताओ क्या करूं मैं यहां पे तीन हैशटैग टैग देता हूं ऐसे स्टार तो है अलाउड लेकिन प्रोफेशनल अटेंडमेंट्स को हाईलाइट नहीं कर सकते ठीक है मैं इतने साल से हमारी फॉर्म है इतने साल से सीए हूं मैं इतने लोगों को मैंने ट्रेन किया हुआ है इतने बड़े बड़े असाइनमेंट्स किए हैं इतने करोड़ों की असाइनमेंट्स मैंने किए इतनी मेरी फीस है इतने मेरे रिसीट्स है ठीक है ये प्रोफेशन के दौरान आपने जो जो अचीव किया है माइलस्टोन आपने अचीव किया वो सब आप नहीं लिख सकते नॉट अलाउड तो केयरफुल रहना फर्म का नाम एक ही क्वेश्चन में लिख डालते फर्म का नाम भी लिखा है एजुकेशनल आज है। है? वीडियो आजकल एक नई लहर है और कोई बुरी बात नहीं यार उसमें मैं भी हूं एक नई लहर है अगर किसी नॉलेज है और वीडियो बनाकर बताना चाहता है तो क्यों ना बताए एक नई लहर है चार्ट अकाउंटेंट्स में ठीक है आप लोगों में भी एक नई लहर है इंस्टाग्राम पे वीडियोस यूट्यूब पे वीडियोस टैक्स के वीडियोस स्टॉक मार्केट के वीडियोस फाइनेंशियल एनालिसिस के वीडियोस अकाउंटिंग के वीडियोस लोगों को बहुत इंटरेस्ट है जो मुद्दे पे उस सबके वीडियोस वीडियोस एजुकेशनल बनाओ अलाउ जितने एजुकेशन वीडियो बनाना है, बनाओ फर्म का नाम फिर से अलाउड नहीं है एनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स और वेबसाइट एड्रेस भी नहीं ना फर्म का नाम ना वेबसाइट एड्रेस ना कॉन्टैक्ट डिटेल्स कुछ भी नहीं करेक्ट इसमें शेयरिंग प्रोफाइल खुद के फर्म का अरे फर्म का नाम ही अलाउड नहीं फर्म का प्रोफाइल मतलब फर्म का नाम कब बनी उसके पूरे डिटेल्स क्या काम करते हैं कितने लोग जुड़े हुए हैं विजन क्या है पूरा प्रोफाइल एजुकेशनल वीडियो बनाओ अपने क्लाइंट्स को एजुकेट करो लोग को एजुकेट करो फर्म का नाम नहीं वेबसाइट एड्रेस नहीं कॉन्टेक्ट डिटेल्स नहीं प्रोफाइल नहीं ये सब नहीं ठीक है रजिस्ट्रार ने मूवीज बैन कर दी वॉयेंट मूवीज वी फॉर वीडियो वॉयलेंट Violent, कर दिया है। फिर उसके बाद movies. आप जानते हैं में movies में में इन सब जितने लोगों ने काम किया है उन सबका नाम आता है या तो शुरुआत में आता तो आखिरी में आता है क्रेडिट्स आते नाम कैमरा संभालने वाला कौन था मेकअप वाला कौन था कॉस्ट्यूम वाला कौन था प्रोड्यूसर कौन था डायरेक्टर कौन था सिंगर कौन था म्यूजिक कौन था ये कौन था सबके नाम आते इन सब चीजों को बनाने के लिए एक प्रोडक्शन बजट लगता है और आपको एक कंट्रोल लगता है कि जो बैठ करके समझता है कितना बजट है सिस्टोमेटिक बजट बनाता है बजट बनाने के बाद में बजट के हिसाब से पैसा रिलीज करता है पैसा रिलीज सिग्नेचर देखे पैसा रिलीज करता है और उसके बाद में उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग करता है और उसके स्टेटमेंट्स बनाकर देता है ये काम चार्ट अकाउंटेंट्स करते हैं मूवी की पूरी अकाउंटिंग करके देना मूवी का बजट और अकाउंटिंग करके देना वेब सीरीज का बजट और अकाउंटिंग करके देना बड़ा इंटरेस्टिंग काम है बड़ा ही इंटरेस्टिंग काम है और क्या उसका नाम आ सकता है क्या क्या उसका नाम क्रिएट में वो भी इसको बनाने का एक है वो बनाने के लिए एक क्रू मेंबर है उसका नाम आ सकता है ठीक है फर्म नेम आ सकता है क्या यस नेम ऑफ मेंबर और फर्म कैन बी इंक्लूडेड इसलिए आप देखो मूवीज में आता है अलाउ किया है मूवीज में फॉर्म करना कितने लोगों ने देखा होगा इतने लोग बहुत देखा ही देखा होगा आप लोगों ने और सीए तो दिखता है वहां पे हमारी आंखें गड़ जाती है कोई ऑब्जर्व करे ना करे हम तो कर ही लेते हैं लेकिन ये नाम बहुत बड़ा चढ़ाकर अलग तरीके से नहीं लिख सकते आप बहुत ही बड़ा चढ़ाकर लिख रहे हैं सबसे बोल्ड में लिख रहे हैं बहुत ही चमचमाते हुए लिख रहे हैं जैसे बाकी नाम आ रहे वैसे नाम आने चाहिए बहुत बड़ा चढ़ाकर नहीं होना चाहिए नॉट बिगर और बोल्डर देन अदर्स ऐसा नहीं चलेगा ठीक है मूवीज बहन कर दी अब प्रमोट्स काउंसिलिंग प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट ठीक है आप आ, चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रोग्राम्स हो रहे हैं वहां पर अलग अलग फंक्शंस में इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम्स में रोटरी क्लब में अलग अलग क्लब्स में आप लोगों से मिलते अलग अलग क्लब्स में आप से लोगों से मिलते रहते ठीक है ऑफिशियल प्रोग्राम्स मिलते हैं नॉन ऑफिशल प्रोग्राम्स मिलते हैं बहुत सारे लोगों से मिलते हैं और वहां पर ऐसे लोग रहते हैं जो आपके प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स हैं जो आपके क्लाइंट बन सकते हैं ठीक है थीके? होता ही है ये तो जब भी आप ऐसे जब भी जब भी आप लोगों से मिले अलग अलग फंक्शंस प्रोग्राम्स में आप लोगों से मिले या कोई प्र, प्रोग्राम कहीं पर भी कोई मीटिंग में आप लोगों से मिले कोई प्रेजेंटेशन में आप लोगों से मिले ठीक है कहीं पर भी आप लोगों से मिलते हो हो सकता है काम के सिलसिले में हो सकता अगर इसमें खुद होके पूरा फर्म का चिट्ठा प्रोफाइल सीवी रेज्यूम ये लो मेरा रेज्यूमे मेरा है ऐसी हरकतें मत करो प्लीज डोंट बी चीप चीपस्टर जैसे काम मत करो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड दिखाओ डोंट बी चीप ठीक है अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाता है फर्म के बारे में तो आप जवाब दो ना खुद होके मरी मरी मत करो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो ऐसे मरी -मरी मत करो कोई आपको पूछे तो फिर आप जवाब दे सकते हो ना ठीक है एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ में आप सब शेयर कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट के साथ में जितना वो जब जब जितना पूछे उतना उतना तब तब शेयर करो तो सीए इंस्टिट्यूट बोलता है कि यार तुम ऐसे आ, प्लीज थोड़ा तो खुद की इज्जत रखो सेल्फ रिस्पेक्ट रखो सेल्फ रिस्पेक्ट से चलो फिर पब्लिक इंटरव्यूज जहां पर भी वर्ड इंटरव्यू आया क्लास सिक्स का क्लरिफिकेशन लगेगा न्यूज का इंटरव्यू हो टीवी का इंटरव्यू हो रेडियो का इंटरव्यू हो यूट्यूब चैनल का इंटरव्यू हो जूम का इंटरव्यू हो कोई भी इंटरव्यू हो क्लास सिक्स लगेगा आप बिल्कुल इंटरव्यू दे सकते हैं आप इतने नॉलेजेबल होना बुद्धिमान शक्तिमान हो इतना पढ़ा क्यों आपने आप बिल्कुल इंटरव्यू दे सकते ठीक है अलाउड है नेम ऑफ द फर्म भाई साहब और एक चीज मिल गई जहां पे अलाउड है अभी तक के तीन चीजें मिली हुई है जहां पे अलाउड है ऐसे कंपेयर करके पढ़ना होगा आपको ठीक है बुक पे लिखना अलाउड है मूवी क्रेडिट्स में अलाउड है फॉर्म का नाम इंटरव्यू में अलाउड है तीन जगह पे सोलह में से अभी तक पंद्रह तीन जगह पे मतलब इसमें अगले वाले में तो यही नहीं ठीक है तीन जगह सोलह में से सिर्फ तीन जगह पे फॉर्म का नाम लिखना अलाउड है लेकिन शर्त है और जो जो सवाल पूछेंगे उसमें आप जवाब दीजिए फैक्चुअल नेचर के आप जो भी सच सच बातें बताइए ठीक है इस तरीके से मत करिए कि आपकी पब्लिसिटी हो प्रोफेशनल अटेनमेंट जो जो पूछेंगे बताना है खुद का नाम आएगा फॉर्म का नाम आएगा ठीक है खुद की तारीफे करवा ऐसा नहीं जो सवाल जवाब रहेंगे उसमें बातचीत कर सकते आप लेकिन ऐसा नहीं ठीक है खुद की पब्लिसिटी और अटेनमेंट नहीं चलेंगे भाई साहब वर्क फ्रॉम दूसरे सीए के पास जा सकते दूसरे सीए के पास बिल्कुल जा सकते यार दूसरे सीए के पास जा सकते हैं जा उससे मिल उससे फोन पे बात कर व्हाट्सएप पे बात कर सर मेरे को काम दे दो मैं नया सीए हूं काम दे दो मुझे नया सीए हूं काम दे दो काम दे दो बिल्कुल बिल्कुल अलाउड बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल यार हंड्रेड परसेंट अलाउड है लेकिन पर्सनल कम्युनिकेशन होना चाहिए पेपर में ऐड दे दी मैं नया नवेला सीए हूं जितने भी सीओ के पास एक्स्ट्रा काम होगा मेरे को दे दो मास कम्युनिकेशन एडवर्टीजमेंट सर्कुलर छाप दिया ये नहीं चलेगा न्यूज पेपर में डाल दिया फर्रे बटवा दिए, ये नहीं चलेगा बात का बतंगड़ मत बनाओ यार एडवर्टीजमेंट इन न्यूज पेपर कांग्रेस ओपनिंग न्यू ऑफिस नया ऑफिस ओपन किया उसका नया ऑफिस उप, ओपन किया है ठीक है उसका एडवर्टीजमेंट बोले मैंने न, उसका डाल नहीं सकते आप नया ऑफिस ओपन का एडवर्टीजमेंट ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन ही नहीं है एडवर्टीजमेंट है ये ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है और कॉमन सेंस से मैं सोच के देखू तो ये तो एडवर्टीजमेंट है ब्रांडिंग एडवर्टीजमेंट है नॉट अलाउड कोई अलाउड नहीं करता किसी और ने दे दिया ऐसा होता क्या पचास हजार एक लाख की एड किसी और ने दिया तुम ही हो नॉट अलाउड इंटरव्यू बढ़ आया ना क्लास सिक्स लगेगा इंटरव्यू बढ़ आया नाम अलाउड है फॉर्म का नाम अलाउड है बातचीत करना अलाउड है सवालों का जवाब देना अलाउड है अपने प्रोफेशनल अटेंडमेंट्स को हाईलाइट करना अलाउड नहीं है बायोटा अलाउड नहीं है प्रिंटिंग विजन वैल्यू विजिटिंग कार्ड विजिटिंग कार्ड को भी क्लास सिक्स लगता है भाई साहब विजिटिंग कार्ड को भी हमेशा आपका विजिटिंग कार्ड में आपको क्लास सिक्स हमेशा लगाना है मतलब काफी सारी चीजें क्लास सिक्स से ही गवर्न होती है विजिटिंग कार्ड की ठीक है सॉरी क्लास सिक्स बोला मैंने क्लास सेवन एक हाथ चीज क्लास सिक्स से गवर्न होती है विल we'll सी ठीक है नाउ अब लिखा भी है मैंने पढ़ा नहीं ठीक है लिखा भी है मैंने जल्दी जल्दी ने पढ़ा नहीं नेम ऑफ द फर्म इज अलाउड नेम ऑफ द फर्म इज अलाउड ठीक है तो बिल्कुल नेम ऑफ द फर्म अलाउड है यहां पर भी हमने हैशटैग लगा दिए तो बहुत ही लिमिटेड जगह पे नेम ऑफ द फर्म अलाउ किया है उसमें ये है चार जगह पे इन टोटलिटी ये बी फॉर बुक्स है एक काम करते हैं यहां पर B फॉर बॉक्स नंबर दो B कर देंगे ना भाई बुक्स बॉक्स नंबर एडवर्टीजमेंट नॉट अलाउड तो पीओ पुराने जमाने में पीओ बॉक्स नंबर हुआ करते थे जब मोबाइल फोन इतने फेमस नहीं थे तो आप न्यूज़पेपर में ऐड नहीं डाल सकते न्यूज़पेपर में आपने ऐड डाल दिया एक कि भाई किसी को सर्विसेज की जरूरत है मेरा नाम नहीं फर्म का नाम नहीं पीओ बॉक्स नंबर डाल दिया इस पीओ बॉक्स नंबर पे कांटेक्ट करो इस तरीके से न्यूज पेपर में एड डालकर करना बॉक्स नंबर यूज करना पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर बोलते थे पोस्ट ऑफिस बॉक्स नंबर यूज करना अलाउड नहीं है आउटडेड है आज के जमाने में ऐसा नहीं होता लेकिन लिखा हुआ इसलिए ठीक है भाई कर लेते और क्या देखिए क्लॉज नंबर सिक्स में एक और खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं वेबसाइट को लेकर इंस्टीट्यूट की एक बहुत प्यारी सी गाइडलाइंस है जो इसके पहले का एडिशन था मॉड्यूल का उसमें वो लोग वेबसाइट गाइडलाइंस को क्लास सिक्स के अंडर में उन्होंने उसको रखा था उसके साथ वो उसको कवर करते थे मॉड्यूल में जब क्वेश्चन के आंसर्स भी देने होते थे तो वेबसाइट के ऊपर जो भी क्वेश्चन होते थे पहले क्लास सिक्स लिखते हैं फिर वेबसाइट के गाइडलाइंस लिखते हैं केस का डिस्कशन होता है और फिर आंसर दिया जाता है इस बार जब इन्होंने मॉड्यूल को रिवाइज किया तो कि पे, वेबसाइट पे के जो है इट इज ऑफ आखिरी में है वहां पर लेकर चले गए तो हम भी हमारे नोट्स में उसको क्लास सिक्स के साथ हमने नहीं रखा हमने उसको एडवर्टीजमेंट गाइडलाइंस जो होते वहां पर उसको लेकर गए एग्जाम में आज भी क्वेश्चन अगर आएगा वेबसाइट गाइडलाइंस का तो पहले हम क्लास सिक्स रेफर करेंगे फिर वेबसाइट को लेकर जो गाइडलाइंस है उसको रेफर करेंगे केस डिस्कशन और कंक्लूजन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि क्लास सिक्स के नीचे नहीं डिस्कस करेंगे हम लोग उसको अलग से आखिरी में एडवर्टीजमेंट गाइडलाइंस के साथ में डिस्कस करेंगे उसके जो क्वेश्चन है यहां पे लिंक किए हुए हैं क्लास सिक्स में लेकिन उसको भी हम लोग जब वेबसाइट गाइडलाइंस देखेंगे उसके साथ साथ हम लोग कवर कर लेंगे चलिए क्लॉज नंबर सेवन क्लॉज नंबर सेवन भी पॉपुलर है लेकिन क्लॉज नंबर सिक्स सबसे ज्यादा पॉपुलर है ठीक है क्लॉज नंबर सेवन क्या बोलता है सीए इन प्रैक्टिस कैनॉट एडवर्टाइज प्रोफेशनल अटें उसने अपने प्रोफेशनल लाइफ में जो भी अचीव किया है उसको वो एडवर्टाइज नहीं कर सकता बहुत हाईलाइट नहीं कर सकता उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया होगा वो वो हाईलाइट नहीं कर सकता रैंक होल्डर होगा वो बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं कर सकता उसको बहुत साल हो गए प्रैक्टिस में हाईलाइट नहीं कर सकता उसके बहुत सारे क्लाइंट्स है वो हाईलाइट नहीं कर सकता उसकी फीस बहुत सारी वो हाईलाइट नहीं कर सकता बहुत बड़ा ऑफिस है बहुत सारे स्टाफ है ये जो उसके प्रोफेशनल अटेंडमेंस है माइल्ड है ये वो हाईलाइट नहीं कर सकता ही के नॉट हाईलाइट दिस ठीक है इन जनरल सभी तरह की हाईलाइटिंग बंद कर दिए सर लेकिन हम लोगों ने तो ये हाईलाइटिंग वाली चीजें क्लास सिक्स के क्लैरिफिकेशन में भी थी वो तो है ना मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रोवर्शियल पुराना लॉ है पुरानी बातें हैं वर्ड बाय वर्ड इंटरप्रिटेशन पे आप नहीं जा पाएंगे

डीटी आईडीटी के जैसे डीटी आईडीटी के जैसे आप इसको पढ़ नहीं सकते आपने इसको उस तरीके से पढ़ना नहीं चाहिए ठीक है आप क्लैरिफिकेशन का पैटर्न समझिए इस क्लैरिफिकेशन का है तो छे में जाएगा सात का क्लैरिफिकेशन तो सात में जाएगा तो पहले तो प्रोफेशनल अटेंडमेंट आप हाईलाइट मत करिए और खुद को बाकी सीए लोगों से बहुत अलग हो आप इस तरीके से मत बताइए भाई सीए सीए होता है सीए सीए होता है चार्ट अकाउंटेंट चार्ट अकाउंटेंट होता है आप ऐसा मत करिए डोंट डू दिस

और अपने प्रोफेशनल अटेंडमेंट को बहुत हाईलाइट मत करो ठीक है आप एडवर्टाइज कर सकते हो अपने सर्विस को राइटअप right के थ्रू राइटअप right के थ्रू राइटअप इज अ रिटर्न पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रिटर्न पीस ऑफ इंफॉर्मेशन राइटअप के थ्रू आप एडवर्टाइज कर सकते हैं right राइटअप के थ्रू आप लोगों तक पहुंच सकते हैं ऐसा एक्सेप्शन दिया क्लास सेवन में देखो क्लास सिक्स के दो एक्सेप्शन थे यू कैन गो टू अनादर सी इन प्रैक्टिस एंड यू कैन अप्लाई फॉर टेंडर ऑल्सो दो एक्सेप्शन थे यहां पर एक एक्सेप्शन राइटअप लेकिन राइटअप क्या होता है उसमें क्या लिखेंगे क्या नहीं लिख सकते कैसे प्रेजेंट करना यह पूरा एडवर्टीजमेंट गाइडलाइंस में दिया है तो हम उसके साथ ही इसको पढ़ेंगे जैसे ठीक है जैसे अगर आप देखेंगे क्लास सिक्स की अगर मैं बात करूं तो क्लास सिक्स के अंदर भी वेबसाइट गाइडलाइंस की बात की थी लेकिन क्या बोला कि उसको बाद में देखेंगे ठीक है यहां पर भी राइटअप को हम लोग बाद में देखने वाले हैं नाउ तो अभी हम लोग जो फोकस कर रहे हैं क्लास सिक्स और उसके पे फोकस करेंगे और यहां पर भी क्लास सेवन और उसके क्लैरिफिकेशन पे फोकस करेंगे दैट्स इट वेबसाइट के गाइडलाइंस बाद में अलग से देखने वाले राइटअप के बारे में भी बाद में हम लोग देखने वाले ये दोनों भी एडवर्टीजमेंट गाइडलाइंस में कवर होते हैं अब ये बहुत ही वाहियात सर है फ्रेंड स्लैब्स डॉक्टर नेने फ्रेंड स्लैब्स बेचारे डॉक्टर नेने की धुलाई कर दी सर आपने डॉक्टर नेने ठीक है एफ स्टैंड फॉर फॉर्म नेम तो एफ इज फॉर फर्म नेम फर्म नेम डेफिनेटली फर्म नेम आप आपके प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स पे तो डाली सकते चार्ड अकाउंटेंट डेजिग्नेशन चार्ड अकाउंटेंट डेजिग्नेशन तो आप डाल ही सकते हो इनफैक्ट प्रीफिक्स प्रीफिक्स सीए तो कोई भी मेंबर यूज कर सकता है सीए इन प्रैक्टिस प्रीफिक्स सीए ये जहां जहां पे आपका नाम है वहां वहां पे आप ये प्रीफिक्स डालिए कोई प्रॉब्लम नहीं है जहां पर भी आप आपका नाम लिखते हैं वहां पे प्रीफिक्स ये डाल दीजिए नो प्रॉब्लम इंडिविजुअल मेंबर कैन यूज प्रीफिक्स विद नेम एवरीवेयर जहां करना वहां डेजिग्नेशन की बात आती है चार्ट अकाउंटेंट एंड डेजिग्नेशन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स में बिल्कुल यूज करिए विजिटिंग कार्ड सबसे छोटा फिर लेटर हेड है साइन बोर्ड है जहां पर भी फर्म नेम लिखना अलाउड है डेजिग्नेशन लिखना अलाउड है वहां पर सब जगह पर लिखिए कहां अलाउड नहीं है बाकी जगह पर अलाउड नहीं है आप बोलोगे पेन के ऊपर मेरे को फर्म का नाम और डेजिग्नेशन लिखना है बैग्स के ऊपर लिखना है किचन के की ऊपर लिखना है वो अलाउड नहीं है तो प्रीफिक्स आप हर जगह लिखिए कोई रोक टोक नहीं है डेजिग्नेशन और फर्म का नाम सिर्फ प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स में आप लिखिए हर जगह पे लिखते मत फिरिए वो सही नहीं होगा साइज ऑफ द साइन बोर्ड आप आप आपके office, आप आपके ऑफिस 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 के office पे ठीक है जहां पर भी आपका ऑफिस है उस लोकेशन पे आप साइन बोर्ड बिल्कुल डाल सकते हैं कैसा होना चाहिए साइन बोर्ड ऐसा होना चाहिए कि साइन बोर्ड का साइज साइन बोर्ड का साइज उसका नेचर इस तरीके से होना चाहिए ठीक है साइज इस तरीके से कि विजिबल हो आसानी से उसको पढ़ सके इस तरीके से कि भाई इतना ही बड़ा होना चाहिए कि ताकि उसको आसानी से जब कोई भी व्यक्ति आए तो उसको दिखे आसानी से वो पढ़ सके और उसके ऊपर लाइट्स भी उतनी लगानी चाहिए कि भाई रात के समय में जब रोशनी नहीं होती बाहर तब उसको अच्छे से पढ़ सके इलिमिनेशन भी इतना होना चाहिए कि आसानी से पढ़ सके तो साइज और उसका इलिमिनेशन उसकी लाइटिंग ऐसी हो कि लोग आसानी से बिना प्रॉब्लम के उसको पढ़ सके ठीक है और उसको बनाते वक्त अपना खुद का दिमाग लगाइए इट शुड बी अब गुड टेस्ट प्रोफेशनल होना चाहिए गुड टेस्ट होना चाहिए आपने बड़े बड़े ग्लो साइन बोर्ड लगा दिए लगा दिया आपने ऐसे बन चालू साइन बोर्ड लगा दिया आपने ठीक है आपने ऐसा बहुत ही बहुत ही फैंसी ग्लो साइन बोर्ड लगा दिए बहुत बड़ा बोर्ड लगा दिया उस लाइट के लाले उसके ऊपर होल्डिंग जैसे कर दिया आपने काम ठीक है जैसे शॉपकीपर ट्रेडर्स ये नहीं बी प्रोफेशनल बी सोफेस्टिकेटेड साइन बोर्ड यूज करना लाइट लार्ज साइन बोर्ड यूज करना विथ लाइट जैसे शॉपकीपर्स ट्रेडर्स करते हैं ये अलाउड नहीं है शॉप कीपर्स ट्रेडर्स हॉस्पिटल्स होटल्स बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं ऐसा नहीं चलेगा दिस इज नॉट अलाउड तो साइज साइन बोर्ड बस इतना बड़ा हो ताकि पढ़ने में आसानी हो लाइटिंग इतनी हो ताकि पढ़ने में आसानी हो गुड टेस्ट का होना चाहिए जो बाकी कमर्शियल एंटिटीज करती है बड़े बड़े ग्लोसाइन बोर्ड लाइट साइन बोर्ड वो ना करे घर पे घर पे खुद का खुद के नाम और उसके नीचे चार्ट अकाउंटेंट डेजिग्नेशन वाला बोर्ड लगाइए लेकिन फर्म का नाम फर्म का नेम बोर्ड अलाउड नहीं है फ्रेंड स्लैप्स एल फॉर एक ब्रांड बनना चाहिए ब्रांड कब बनेगा ब्रांड कब बनेगा जब सब लोग मिलकर ब्रांड कब बनेगा जब सब लोग मिलकर वही चीज यूज करेंगे अक्रॉस द नेशन इसीलिए कोई भी सीएन प्रैक्टिस खुद का लोगो अलग से लोगो बना नहीं सकता लोगो वाली बातें क्लास सेवन में कवर्ड है आप ऐसा मान लीजिए उसका क्लैरिफिकेशन यहां पर और एडवर्टीजमेंट गाइडलाइंस भी है उसके ऊपर तो लोगो अलग से नहीं बना सकते किसी भी तरह का ओन लोग ऑफ एनी काइंड ऑफ एनी फॉर्म और एनी डॉक्यूमेंट और एनी मेटल कहीं पर भी खुद का लोगो नहीं रहेगा मोनोग्राम जब स्टाइलिश तरीके से लिखते हैं नाम को तो वो मोनोग्राम बनता है तो खुद के नाम को बहुत स्टाइलिश तरीके से लिखवाना ठीक है ताकि उसमें बहुत एक अलग से फील आए लोगो जैसा फील आए वो भी नहीं प्रिंटिंग मेंबर फर्म फर्म नेम नेम भी इन एनी मैनर जिससे वो मोनोग्राम लगे लोगो लगे अलग तरीके से प्रिंट कराना ये भी अलाउड नहीं खुद का लोगो अलाउड नहीं है मोनोग्राम अलाउड नहीं है अलग तरीके से प्रिंट करवाना ताकि बहुत उठ के दिखे चमक के दिखे ऐसा भी अलाउड नहीं है क्या अलाउड है फिर सीए लोगो अलाउड है सभी मेंबर यूज कर सकते वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट सीए लोगों सबको पता है और हम ये डिटेल अपने नोट्स में प्रिंट किया हुआ है जब हम लोग एडवर्टीजमेंट गाइडलाइंस भी देखेंगे आपका सबसे पहले ब्लू आपका रेक्टेंगल आता है सॉफ्ट एजेस से ब्लू रेक्टेंगल और व्हाइट कलर का उसका बैकग्राउंड है बिल्कुल तो राउंडेड रेक्टेंगल विथ व्हाइट बैकग्राउंड ताकि उठकर दिखे ठीक है आपका रेक्टेंगल आपका नॉर्मल ब्लैक कलर में है रेक्टेंगल आपका ब्लैक कलर में व्हाइट बैकग्राउंड है फिर जो सीए लिखा है वो ब्लू कलर में लिखा हुआ है तो उनका कहना है ब्लू कलर क्रिएटिविटी नॉलेज इंटीग्रिटी क्रिएटिविटी दर्शाता है नॉलेज दर्शाता है इंटीग्रिटी ऑनेस्टी दर्शाता है टिक मार्क ग्रीन कलर में है प्रॉस्पेरिटी ग्रोथ इट शोज ग्रोथ एंड हार्मनी ठीक है नेचर फ्रेंड नेचर हार्मनी बताता है तो इसलिए ग्रीन कलर है टिक अपसेट डाउन है विजडम एंड वैल्यू देखो सब लोग जब चेक करते ना तो टिक लगाते हैं लेकिन सीए जब चीजों को चेक करता है तो वो उल्टा टिक लगाता है तो उल्टा टिक बहुत कम लोग चार्ट अकाउंटेंट्स प्रोफेशनल्स ही लगाते हैं कि भाई किसने चेक किया है चार्ट को इतने नॉलेजेबल व्यक्ति ने ट्रस्ट वर्दी ने, ने चेक किया है इसे जब उसका टिक लगता है तो उल्टा टिक लगता है सो so, उल्टा टिक स्टैंड सो मच ऑफ नॉलेज विजडम एक्सपीरियंस विद चार्ड अकाउंटेंट हैज उसने किसी चीज को सही अप्रूव किया है ऐसा हम लोग मानते हैं इसलिए उल्टा टिक लगता है तो सिंपल आप रेक्टेंगल बैकग्राउंड ब्लू कलर के बारे में बोलिए ग्रीन कलर के बारे में बोलिए अपसाइड टिक अपसाइड डाउन टिक है उसके बारे में बोलिए फिर ए फॉर ऑफ ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंक्लूडिंग इंटरनेट बिल्कुल सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड क्या हम इंटरनेट पे अपियर हो सकते बिल्कुल अपियर हुई है वहां वहां पे पे कोई 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 वीडियो मूवी टीवी वेब सीरीज बिल्कुल उससे थोड़ा कम रिच फिल्म बिल्कुल सबसे ज्यादा स्प्रेड है इंटरनेट सोशल मीडिया उससे फिर फिल्म उसके बाद में टेलीविजन उसके बाद में रेडियो उससे छोटा लेक्चर्स लेक्चर एनी फोरम आप बिल्कुल जाकर आपका अपियरेंस आप दे सकते हो आप इन्वॉल्व हो सकते हो किसी भी प्रोग्राम इंटरनेट फिल्म, इंटरनेट, फिल्म टेलीविजन रेडियो लेक्चर बिल्कुल मे गिव नेम्स एंड डिस्क्राइब एज चार्ट अकाउंटेंट फर्म नेम भी अलाउड है बहुत ही बड़ी बात फर्म नेम अलाउ किया बहुत कम जगह फर्म नेम अलाउ होता है वहां पर है ये कि फर्म नेम ने किया हुआ है भाई साहब ठीक है क्लास सिक्स में चार जगह पे अलाउ किया क्लास सिक्स के अंदर अगर मैं बोलू एक शॉर्टकट से आप याद रख सकते हैं बिग एम क्लास सिक्स की बात करूं बिग एम में फॉर्म का नाम अलाउड है बुक्स में अलाउड है इंटरव्यू में अलाउड है ग्रीटिंग कार्ड्स और इनविटेशन में अलाउड है और मूवी क्रेडिट्स में अलाउड है बिग एम में अलाउ करके रखा हुआ है इन्होंने और यहां पे ये पहला है जब क्लास सेवन में भी अपियरेंस है तो फॉर्म का नाम अलाउड है लेकिन बहुत एग्जैग्रेट बहुत हाईलाइट करना हाईलाइट करना प्रमोट करना एग्जैगरेट करना पब्लिसिटी करना ये अलाउड नहीं है दिस इज नॉट अलाउड ठीक है आप देखिए इंटरव्यू वर्ड टीवी इंटरव्यू वर्ड जहां पर भी आएगा क्लास सिक्स लगेगा सिर्फ टीवी पे अपियरेंस बोला तो क्लास सेवन लगेगा क्लास बदल जा रहा है क्यों बदल रहा है इसका लॉजिक क्या है क्योंकि क्लरिफिकेशन इंटरव्यू के बारे में क्लास सिक्स के क्लैरिफिकेशन ने बोला है अपियरेंस के बारे में क्लास सेवन के बोला है यही उसका लॉजिक है क्लैरिफिकेशन अलग अलग क्लॉज के अंदर जाते तो अलग अलग हम क्लॉज लगाते क्लॉज सिक्स की बात करूं मैं देखिए क्लॉज सिक्स की बात करूं अगर मैं तो आप मूवीज और टीवी शोज में आपका क्रेडिट्स में नाम आ सकता है टीवी पे इंटरव्यू न्यूज़पेपर पे इंटरव्यू क्रेडिट्स इन मूवीज एंड टीवी शोज इंटरव्यूज इन टीवी न्यूज पेपर एक्सेट्रा क्रेडिट्स की बात आती है क्रेडिट में नाम लिखने की बात आती है इंटरव्यू में बात आती है तो क्लॉज सिक्स है उसके अलावा कोई अपियरेंस है कोई एक्ट है हो रहे है आप देखो मूवीज बनाने में हेल्प करना वो अलग चीज हो गए इंटरव्यू देना अलग हो वो 6 में हेल्प कर करना क्लास सिक्स में, में। इंटरव्यू देना क्लास सिक्स में खुद जाके इनके अंदर एक्टिंग करना अपियरेंस देना क्लास सेवन में खास बात सब दोनों में फॉर्म नेम अलाउड है क्लास नंबर बदल रहे दोनों में फॉर्म नेम अलाउड है और दोनों में हाईलाइटिंग प्रमोशन करना वो नॉट अलाउड है तो चलो सिमिलैरिटी है दोनों अलग अलग क्लॉज में चीजें कवर्ड है लेकिन इज सिमिलैरिटी फॉर्म नेम हर जगह पे अलाउड है आप पॉज करके इसको लिख सकते हैं पी फॉर पब्लिक इंपॉर्टेंस कभी कभी सीए बहुत ही पब्लिकली इंपॉर्टेंट पोस्ट पे बैठता है ही कैन बिकम एमपी एमएलए कैन बिकम बहुत बड़े पोस्ट पे बैठा है एमपी एमएलए बनकर बैठा है मिनिस्टर बनकर बैठा है कोई का चेयरमैन बनकर बैठा है बहुत बार सीएस बड़े बडे आपके गवर्नमेंट्स में कैबिनेट में, बड़े ट्रस्ट में बहुत बड़े जो से बैठ सकता है, है इतना बोलना अलाउड है ठीक है ताकि सीए इंस्टीट्यूट का नाम भी ऊंचा मिस्टर पीयूष गोयल साहब इतना अच्छा काम करते पूरे कम्युनिटी का नाम उससे इंप्रूव होता है लेकिन फर्म का नाम नहीं चलेगा क्लास सेवन में तो और भी एलर्जी है फर्म का नाम नहीं चलेगा अभी तक फर्म का नाम सिर्फ अपियर में अलाउ किया है क्लास सिक्स में तो चार जगह के यहां पे भी एक ही जगह किया हुआ है ठीक है फिर पीस स्लैब्स एस फॉर सेमिनार आप सेमिनार दीजिए इतने नॉलेजेबल आप सेमिनार दीजिए ट्रेनिंग कोर्स दीजिए खुद के स्टाफ के लिए दूसरे सीएस के स्टाफ को भी समझाओ क्लाइंट और उसके स्टाफ को भी समझाओ सबके लिए आप सेमिनार कर सकते हो सीए का नाम अलाउड है ठीक है नेम इज अलाउड

सी डायरेक्टर तो बिल्कुल बन सकता है कैन बी अपॉइंट एज डायरेक्टर आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे क्लॉज ठीक है इलेवन के अंदर यह बात आई डायरेक्टर बिल्कुल बन सकते कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन जैसे ही डायरेक्टर बन जाए उसने क्या करना चाहिए इन्फॉर्म करना चाहिए कंपनी को कि देखिए मुझे क्लास सिक्स और सेवन लगता है ऑफ फर्स्ट रूल सी एक्ट रिक्वेस्ट करना चाहिए कि प्रोस्पेक्टर्स या कोई भी पब्लिक अनाउंसमेंट कम्युनिकेशन जिसमें मेरा नाम है वो पहले मुझे बताई जाए मुझसे अप्रूव की जाए फिर पब्लिक को पब्लिश की जाए वहां पर चार्ट अकाउंट आप लिख दीजिए डेग्नेशन चार्ट अकाउंट ठीक है तो आप चार्ट अकाउंट डेजिग्नेशन बताइए जब डिस्क्रिप्शन होता है तो और कहां कहां पर डिस्क्रिप्शन मतलब डायरेक्टर के बारे में लिखा होता है तो उसके बारे में लिखते हैं दूसरे कंपनी में डायरेक्टरशिप है वो भी बता सकते हैं तो प्रोस्पेक्टर्स और बाकी रिलेटेड डॉक्यूमेंट जब इशू होते हैं तो नाम के साथ चार्ट अकाउंटेंट डेफिनेटली आ सकता है दूसरे कंपनीज की डायरेक्टरशिप आ सकती है क्या अलाउड नहीं है ठीक है क्या अलाउड नहीं है एक्सपर्टीज स्पेशलाइजेशन नॉलेज इन एनी पर्टिकुलर फील्ड और एनी एनी अदर और एनी अदर प्रोफेशनल अटेंडमेंट ठीक है बहुत हाईलाइट करना ना बहुत ज्यादा हाईलाइट करना एक्सपर्टीज स्पेशलाइजेशन नॉलेज इन एनी पर्टिकुलर फील्ड और अदर एप्लीशन और एनी अदर प्रोफेशनल ये भाई आप ठीक है प्रोस्पेक्टर्स के अंदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में ये एक्सपर्टीज नॉलेज इन सब की बात ना करें फर्म नेम की बात ना करें फर्म नेम इज ऑल्सो नॉट अलाउड तो इन सब जगह जाकर के आपके प्रोस्पेक्ट में और डॉक्यूमेंट्स के अंदर सिंपल सी बात है अकाउंट हो उतना ठीक है लेकिन फर्म नेम नहीं चलेगा और एक्सपर्टीज हाईलाइटिंग सबसे अलग है वो भी नहीं चलेगा स्लैब्स डॉक्टर ने डी फॉर सेटिंग सेटिंग अप डेट ऑफ 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 प्रैक्टिस ईयर एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिशमेंट ये भी एक तरीके से अचीवमेंट है माइल्ड है डेट ऑफ सेटिंग ऑफ प्रैक्टिस लेटर हेड पे या कहीं पर प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट में लिखना अलाउड नहीं है इसलिए आप देखो कि सीए में कोई भी सिंस सिंसो ऐसा नहीं बताता ठीक है रिपोर्ट्स और सर्टिफिकेट्स की बात करते हैं रिपोर्ट्स और सर्टिफिकेट्स शुड बी इशूड ऑन लेटर हेड हेड ऑफ द फर्म रिपोर्ट सर्टिफिकेट जनरली लेटर इशू करते होना चाहिए और ये रिपोर्ट्स और सर्टिफिकेट बहुत सारे लोग रेफर करते हो सकता है कहीं पे कोई रिपोर्ट बहुत ज्यादा लोग करे कोई बहुत कम करे बट बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं ठीक है एक्सटेंड एंड मैनर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स शुड बी लिमिटेड टू व्हाट इज नेसेसरी टू सर्व इट्स प्रॉपर पर्पस रिपोर्ट्स और सर्टिफिकेट इतने ही छापे जितने की जरूरत है ऐसा नहीं बहुत बल्क में बहुत ज्यादा छाप दे ताकि सीए का नाम आगे बढ़े भैया रिपोर्ट्स और सर्टिफिकेट को इस तरीके से मिस नहीं कर सकते आप यू के नॉट मिस इट नोटिस इन प्रेस रिले टू सक्सेस इन एग्जामिनेशन वेरी इंटरेस्टिंग ये और एक मिल गया जहां पे फॉर्म नेम अलाउड है अब अगर कोई आपके ऑफिस का बंदा पास होता है आर्टिकल पास होता है उस डेफिनेटली उसके पास होने की खबर न्यूज़पेपर में बिल्कुल पब्लिश हो सकती है लोकल न्यूज़पेपर में बिल्कुल पब्लिश करिए नाम एड्रेस स्कूल बैकग्राउंड कौन सी एग्जाम पास की कैसे पास की क्या प्राइस मिला क्या क्या अचीवमेंट है वो भी बताइए कॉमन सेंस है नेम ऑफ द फर्म नेम ऑफ द फर्म नेम ऑफ द प्रिंसिपल टाउन ये अलाउ किया है ये अलाउ किया हुआ है ठीक है लेकिन ऐसा अनडिजायरेबल पब्लिसिटी ऑफ फर्म प्रिंसिपल आर्टिकल सबसे बड़ी फर्म फिर प्रिंसिपल आर्टिकल उनकी बहुत ज्यादा पब्लिसिटी हो रही आउट ऑफ द वे जाके पब्लिसिटी हो रही ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए

ठीक है सीए अपियरेंस है तो वहां पर भी अलाउड है और नोटिस इन द प्रेस रेट फॉर सक्सेस इन एग्जामिनेशन वहां पर भी अलाउड है विजिटिंग कार्ड की अगर मैं बात करूं इफ आई टॉक अबाउट विजिटिंग कार्ड तो भाई साहब जो विजिटिंग कार्ड है ये इट इज मेजरली गवर्न बाय क्लॉज सेवन लेफ्ट साइड में नाम आता है नीचे डेजिग्नेशन आता है क्वालिफिकेशन आता है फॉर्म नेम आता है जितने फर्म नेम होंगे सब लिखो दो तीन चार जो फैक्ट है सो फैक्ट है तो बताना पड़ेगा ठीक है राइट साइड में सीए लोगो आता है जनरली फिर उसके नीचे पीछे एड्रेस ईमेल आई डी वेबसाइट एड्रेस ठीक है क्विक रिस्पॉन्सिक क्विक रिस्पॉन्स कोड एग्जाम में पूछा हुआ है क्विक रिस्पॉन्स कोड आप जानते हैं कि बस वहां पे स्कैन करना है एंड सिंपली uh, uh, आपको स्कैन क्विक स्कैन करना है और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिल जाएगी उसको हम क्विक रिस्पॉन्स कोड बोलते हैं क्यू आर कोड ठीक है बिल्कुल आप लगाइए इट विल बी यूजफुल तो विजिटिंग कार्ड पे बहुत सारी चीजें अलाउड है और क्विक रिस्पॉन्स लेकिन क्विक रिस्पॉन्स कोड में उतनी ही जानकारी होनी चाहिए जितनी नॉर्मली उतनी ही जानकारी होनी चाहिए जितना कि विजिटिंग कार्ड पे चीजें देना अलाउड हो विजिटिंग कार्ड पे जितनी चीजें देना अलाउड है उतना ही होना चाहिए उससे ज्यादा नहीं कुछ चीजें नहीं चलेगी ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट नहीं चलेगा फोटोग्राफ नहीं चलेगा विजिटिंग कार्ड छपरी छपरीगिरी मत करो बोले नॉट अलाउड कोई दूसरा लोगो नहीं चलेगा

अब रिसेंट क्लैरिफिकेशन ऐसे तो हम लोग बहुत ज्यादा जो मॉड्यूल है हमारा उसी से चीजों को अलाइन करते हैं बहुत ज्यादा ठीक है दूसरे वी दूस, डोंट बाकी सब चीजों में जाकर कोई मतलब नहीं मॉड्यूल आरटीपी एम ठीक है तो कोशिश करते उसी से हम लोग कनेक्टेड रहे उसी से हम चलते रहे और इसी इसमें हम लोग हमारे क्लैरिफिकेशन कम ज्यादा भी करते रहते हैं उसमें भी हमको ये ऐसा लगा कि ये क्लैरिफिकेशन थोड़े इंटरेस्टिंग है इंपॉर्टेंट है तो हम लोग इसको ले रहे वी आर कंसिडरिंग इट मतलब ऐसे तो मॉड्यूल से ही चलते लेकिन कभी कभी मॉड्यूल से थोड़ा सा आगे बढ़कर भी कुछ हमको लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो उसको भी हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं देखिए किया फर्म्स क्यू आर ठीक है ये हमारे इस मॉड्यूल के अंदर इसमें से काफी सारी चीजें है भी कुछ चीजें नहीं है सब हमने मिलाकर भाई जो हमको लगता है कि ये इंस्टीट्यूट टारगेट कर सकती है वो हमने इंक्लूड कर लिया और इंटरेस्टिंग भी है So, Kia Firms अपने एडवर्टीजमेंट थैंक होते वी वॉन्ट टू थैंक पीपल क्रेडिट देना चाहते हैं बताना चाहते हैं कि हमारे नॉलेज पार्टनर थे तो नेम ऑफ इंडिविजुअल एज ठीक है एज प्रिफिक्स और सफिक्स नॉलेज पार्टनर इज अलाउड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग भैया बहुत ही इंटरेस्टिंग है तो कोई अगर थैंक यू एडवर्टीजमेंट है कोई एडवर्टीजमेंट जिसमें वो ये हमारे नॉलेज नॉलेज पार्टनर पार्टनर थैंक यू या में इंडिविजुअल सीए सीए का नाम अलाउड है है प्रीफिक्स और सफिक्स ठीक क्या अलाउड नहीं है नेम ऑफ द सीए फर्म एज नॉलेज पार्टनर फर्म का नाम अलाउड नहीं है इंडिविजुअल सीए का नाम अलाउड है फर्म का नाम अलाउड नहीं है इसका आप ख्याल रखिए मतलब वही अपनी पुरानी चीज कंटिन्यू हो रही है फर्म का नाम अलाउड नहीं आईएसओ सर्टिफिकेशन लीजिए ना सर्टिफिकेशन लीजिए किसने मना किया है बिल्कुल लीजिए आई सर्टिफिकेशन लेकिन ठीक है आप इसको अपने प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट विजिटिंग कार्ड लेटर हेड साइन बोर्ड पर ले सकते सर्टिफाइड सर्टिफाइड दैट यू आर अ चार्ड अकाउंटेंट इट इज अ ब्रांड इट सेल्फ इज अ बिग सर्टिफिकेशन तुमको और किस चीज की क्या जरूरत है दूसरों का नाम ऊंचा क्यों कर रहे हो यार खुद का नाम ही ऊंचा है एसोसिएट्स ऑफ सी एफ असोसिएट्स आप

हम पढ़ेंगे सीए इंस्टीट्यूट के पास जाकर नेटवर्क को रजिस्टर करवाना पड़ता है नेटवर्क रजिस्टर होने के बाद में आप अफिलियट हो इस नेटवर्क के वो लिख सकते हैं और खुद का भी ब्रांड नेम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो ये अलाउड नहीं है ठीक है आप नेटवर्क बनाकर एफिलियेट ऑफ नेटवर्क लिख सकते हैं वो अलग चीज होती है भाई साहब आई होप यू आर गेटिंग यू आर क्लियर अबाउट दिस मैं सिर्फ किसी एक फॉर्म का एसोसिएट हूं ऐसा लिखना करस्पॉन्डेंट हु उनकी भी एडवर्टीजमेंट हो रही है आपकी भी भीजमेंट हो रही है आप हाईलाइट कर रहे हो नहीं चलेगा अगर कोई बंदा ये इंटरेस्टिंग एग्जाम में क्वेश्चन था तो मैंने बोला ना कि बहुत जो कुछ मॉड्यूल में कवर्ड है एग्जाम में पूछे हम लोग लेकर आगे बढ़े अगर मल्टीपल फॉर्म्स में कोई बंदा पार्टनर है मल्टीपल फॉर्म्स में अगर कोई बंदा पार्टनर है मल्टीपल फॉर्म्स में तो क्या वो मल्टीपल फॉर्म्स uh, के नाम लिख सकता है अपने विजिटिंग कार्ड पे लेटर पे ऑफकोर्स अगर कोई बंदा बंदा मल्टीपल फॉर्म में बिल्कुल पार्टनर रह सकता है इस पर कोई भी किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इट इज एब्सोल्युटली फाइन लेकिन अगर बंदा कोई ऐसा और उसका नाम भी बिल्कुल एब्सोल्युटली फाइन उसका नाम भी लिख सकता है फैक्ट है ना यार फैक्ट बता रहा है कोई बड़ा चढ़ाकर थोड़ी बता रहा है इट इज अ सिंपल फैक्ट एग्जाम में क्वेश्चन था इसके ऊपर क्विक रिस्पॉन्स कोड ये हमने विजिटिंग कार्ड के साथ भी देखा था क्विक रिस्पॉन्स कोड मतलब एक सिंपल सा आपका सिंबल है आजकल वी ऑल नो क्विक रिस्पॉन्स कोड पेमेंट के लिए क्यू आर कोड यूज होता है तो आपके विजिटिंग कार्ड पे क्यूआर कोड रह सकता है कि जिसको स्कैन आप करो और जैसे ही कोई बंदा उसको स्कैन करेगा उसके फोन में सारे आपके डिटेल सेव हो जाएंगे बिल्कुल क्यू कोड अलाउड है आपके विजिटिंग कार्ड पर क्यू कोड हो सकता है लेकिन शर्त है उससे उतनी ही इंफॉर्मेशन सामने वाले के मोबाइल में ट्रांसफर होनी चाहिए जितनी इंफॉर्मेशन आपके विजिटिंग कार्ड पर डालना अलाउड होता है जैसे विजिटिंग कार्ड के ऊपर आप फोटोग्राफ निकाल सकते हैं विशन विशन वैल्यू सेटमेंट डाल सकते हैं आप फोटोग्राफ निकाल सकते हैं आप एसोसिएट ऑफ सोए डाल सकते हैं सेलिब्रेटिंग so yes, आप ऐसा ही डाल सकते हैं, ये सब नहीं डाल सकते वो सब नहीं आना चाहिए तो बहुत इंटरेस्टिंग से है ये भी क्लैरिफिकेशन में, में केस फंसता है बराबर क्लॉस सिक्स सेवन रेफर करना पड़ता है अलॉन्ग का है और जनरली एक क्वेश्चन फंसता ही फंसता है सिक्स और सेवन जनरली हर दूसरे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा और कंफ्यूजन कैसे क्लियर होगा क्लास सिक्स लगाना है कि सेवन लगाना है क्लैरिफिकेशन हमको देखने पड़ेंगे उससे हमको क्लैरिटी मिल जाएगी अब यहां पर कुछ ऐसे सिचुएशन है जहां पर सिक्स और सेवन दोनों लगते हैं जबरदस्ती हर जगह मत लगाइए क्रोमा करके हमने बोला है ठीक है एफ स्टैंड फॉर फर्म एक फर्म ने सर्कुलर इशू किया सभी नॉन क्लाइंट्स को सुनो 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 एक बहुत बड़े पार्टनर ने हमको ज्वाइन किया एक बहुत बड़े पार्टनर ने हमको ज्वाइन किया।, किया है ठीक है तो आप भी बहुत बड़े सी ए फॉर्म के पार्टनर ने हमको ज्वाइन किया है अब हमारी फॉर्म और भी ऊंची हो गई और भी बेहतरीन हो गई अब आप आकर हमसे सर्विसेस लीजिए एक तो खुद की बढ़ाई की प्रोफे और फिर काम भी मांग रहे काम भी मांग रहे खुद की बढ़ाई भी की क्लास सिक्स में भी गए क्लास सेवन में भी गए दोनों के अंदर मिसकंडक्ट हो गए बैनर छाप दिया फ्लेक्स होते ना बड़े 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 फ्लेक्स छाप दिए मेट्रो के बाहर जगह जगह पे ठीक है बड़े बड़े बैनर बैनर छाप करके खुद को बहुत ऊंचा दिखा रहे हैं। बड़े बड़े बैनर छापे और फिर लोगों को बोल रहे हमसे काम करवाइए तो उसमें बोला कि यार आप लोगों को अल्टीमेटली अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो ठीक है एडवर्टीजमेंट करके छे में गए खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो सात में गए ऊंचा तो क्या दिखते है? बैनर छाप के पता नहीं मेरे को फिर सेनेटरी सेलिब्रेशन से हम पढ़कर आए वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस सिक्स सेनेटरी सेलिब्रेशन अलाउ किया है सिक्स के अंदर अलाउ किया है वहां पर आप सिक्स और सेवन दोनों रेफर करिए कि भाई छे और सात में दोनों में अलाउड है सेनेटरी की आप दे रहे हो ठीक है कोई बोल सकता है कि इससे और काम सोलिसिट कर रहे हैं कोई बोल सकता है खुद को बड़ा चढ़ा कर दिखा रहे दोनों में अलाउड है ये एकमात्र चीज है जो हम बोल रहे हैं अलाउड है बाकी सब बैंड है सिर्फ यहां पे अलाउड है हिस्ट्री फॉर्म तो जब काफी साल की होती है तो उसकी पूरी हिस्ट्री की एक बुक बनाना और पब्लिश करके सबको छाप के देना विजिटिंग कार्ड पर हेड पर सेलिब्रेटिंग सेवेंटी फाइव नॉट अलाउड इन दोनों कंफ्यूज नहीं करना सेनेटरी सेलिब्रेशन की एड देना न्यूज में इवेंट के लिए बस एक इवेंट के लिए एड देना एक अलग चीज होती है और पूरी हिस्ट्री आप छाप दे रहे ये अलग चीज होती है पब्लिशिंग बुक कंटेनिंग हिस्ट्री टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू क्लाइंट्स एसोसिएट वेल विशर्स एंड प्रिंटिंग ऑफ वर्ड सेलिब्रेटिंग 75 फाइव इन प्रोफेशन ऑन लिटरेट एंड इनवल्स ऐसा आप नहीं कर सकते दिस के नॉट बी डन रैंकिंग प्रोवाइडिंग डेटा टू अदर एंटिटीज सो दैट दे कैन रेड And compare सी एफ एम्स डिटरमाइन देर रैंकिंग प्रोवाइडिंग डेटा टू अदर एंटिटीज टू अदर एंटिटीज सो दैट दे कैन रेट एंड कंपेयर सी एफ एम्स भाई साहब आप डेटा दे रहे हो किसी वेबसाइट को किसी एंटी को सब लोग डेटा दे रहे हैं वो लोग डेटा लेकर के कितने सारे आपके साथ कितने लोग काम करते हैं आपके क्लाइंट कितनी आपकी फीस कितनी है लोकेशन कितना है ये सब कुछ ध्यान में देख के आपको पॉइंट देखिए आपकी रैंकिंग करेंगे रैंकिंग ऑफ सी इतने होशियार हो गए कि सीएफएम की रैंकिंग करेंगे कि तुम कौन से नंबर पे आते हो तुम कौन से नंबर पे आते हो जो भी सीएफएम डेटा शेयर करेगी और छत दोनों में गए कि भाई तुम्हारा डेटा यूज करके तुम्हारी रैंकिंग की जा रही है हाथ हो गई है आपस में कंपेरिजन कर रहे इस तरह का खेल रहे कौन कितने नंबर पे गया रेस चल रही क्या कोई घोड़े की रेस चल रही है पे नहीं ऑफर डॉक्यूमेंट्स में हम लोग फॉर्म का नाम अलाउड नहीं आपका आप नाम ठीक है आपका नाम आ सकता है लेकिन उसको बहुत हाईलाइट करना पब्लिसाइज करना उसमें बहुत एडजेक्टिव यूज करना फॉर्म का नाम यूज करना ये अलाउड नहीं मैनेजिंग डायरेक्टर को लेटर भेजे ठीक है कि भाई हम बहुत बड़े फर्म वाले हैं और बहुत बड़े फर्म वाले हैं हमको बहुत हम ऊंचे लोग हैं हम बड़े बड़े लोगों बड़े बड़े कंपनियों से हमारा उठना बैठना है बड़े बड़े लोग हमारे क्लाइंट हैं हमने इन सबको लेटर भेजा है आपको भी भेजा है आप हमसे सर्विसेस लेना चाहते हो ले लो एक तो काम मांग रहे छः में गए खुद को बड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं बहुत बड़ा कि हम बड़े बड़े कंपनियों को सर्व करते हैं हम ऐसे हैं हम वैसे हैं साथ में भी गए फिर ये भी हम पढ़कर आए इनडायरेक्टली हम लोग पढ़ के आए थे ऑडियंस ठीक है स्पीच दिया ऑडियंस के अंदर एक तो खुद को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया सबको बोला हमसे सर्विसेज लो विजिटिंग कार्ड भी डिस्ट्रीब्यूट किए अल्टीमेटली आप लोगों को बोल रहे हमसे सर्विसेज लो छे में गए बड़ा चढ़ा के लिख रहे साथ में गए एफ बी क्रोमा ठीक है ये जो आपका छ और सात लगभग आठ इंस्टेंसेस है छे और सात दोनों जबरदस्ती कहीं पर भी मत लगाइए बस क्लैरिफिकेशन पे चल रही है चलिए ठीक है हंड्रेड मैं आपको गारंटी दे रहा हूं यू विल बी एबल टू क्रैक केस एकदम एक्यूरेटली विथ पीस ऑफ माइंड एंड सर्टेनिटी अनफॉर्चुनेटली वर्ड बाय वर्ड इंटरप्रिटेशन विल फेल ड्रास्टिकली हियर